तो आज की वीडियो में एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं, जो कि इस समय बहुत ही चर्चा में बनी हुई है, जिसका नाम है 12th Fail। तो आज की वीडियो में इस मूवी की स्टोरी, मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, मूवी कैसी है, सारी बातें हम करने वाले हैं आज के वीडियो में और मूवी का रिव्यू भी करने वाले हैं। बात करते हैं इस मूवी की, तो 12th Fail यानी 12th Fail 2023 में आई थी और यह हिंदी भाषा की ओरिजिनल जीवनी पर आधारित ड्रामा मूवी थी, जिसका निर्देशन, निर्माण और लेखन वधु विनोद चोपड़ा ने किया है और यह कुमार मनोज कुमार शर्मा की वास्तविक जीवन की कहानी के बारे में है, जो कि अनुराग पाठक की उन्नीस की अनाम गैर काल्पनिक किताब पर आधारित है, जिन्होंने भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी बनने के लिए अत्यधिक गरीबी पर काबू पाया। फिल्म में विक्रांत मेसी मुख्य भूमिका में, उनके साथ मेघा शंकर, आनंद वी जोशी, अंशुमान पुष्कर और प्रियांशु चटर्जी देखने को मिलते हैं। शुरू में यह मूवी कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था इस मूवी ने, लेकिन कुछ समय बाद यह धीरे धीरे इसकी पॉपुलरिटी बढ़ती गई, जहां इस मूवी का बजट था सिर्फ 20 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 66 करोड़ तक की कमाई कर ली है और आगे यह कमाई करती जा रही है। 27 अक्टूबर 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और 12th Fail को आलोचन से प्रशंसा, सकारात्मक प्रशंसा मिली और एक स्लीपर हिट के रूप में यह मूवी उभरी, जिसने 20 करोड़ के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 66 करोड़ की कमाई की। 69वें फिल्म पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सहित 12 नामांकन प्राप्त हुए। कहानी की बात करें तो 12th Fail यानी 12th Fail एक IPS अधिकारी मनोज कुमार शर्मा के जीवन में सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। मनोज कुमार शर्मा विक्रांत मेसी जो कि होते जंगल में रहने वाले गरीब परिवार से होते हैं। अपने काम से ईमानदार होने के कारण मनोज के पिता को निलंबित कर दिया जाता है। मनोज एक स्कूल में पढ़ता है जहाँ उसका ध्यान अपहृत छात्रों को परीक्षा के दौरान कदाचार में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है, यानी चीटिंग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। DSP दुष्यंत प्रियांशु चटर्जी जो के होते हैं, वो सेरे मास्टर को गिरफ्तार कर लेता है। मनोज को समझाता है कि जीवन में ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। दुष्यंत की बातों से मनोज प्रेरित हो जाते हैं और उन्हें विश्वास होने लगता है कि ईमानदारी की एक ईमानदार अधिकारी समाज में बदलाव ला सकता है। कैसे सफल हुए मनोज, उसे कई कठिनाइयों से कैसे गुजरना पड़ा, फिल्म इसी बारे में है। अपने कहीं ना कहीं इस मूवी की फिल्म या ट्रेलर या क्लिप जरूर ही देखी होगी। इस मूवी के प्लस पॉइंट की बात करें तो फिल्म की कहानी शानदार है। 12th Fail जैसी फिल्मों के लिए पटकथा लिखना आसान काम नहीं है, क्योंकि किसी विषय पर कई फिल्में आ चुकी हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि कथा अत्यधिक आकर्षक हो। विधु मनोज चोपड़ा से कुशलतापूर्वक एक ऐसी कहानी पेश करते हैं जो मज़ेदार और भावनात्मक पहलुओं का मिश्रण है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि फिल्म में अच्छी संख्या में संतुष्टिदायक क्षण हों। विक्रांत मेसी मनोज कुमार शर्मा के रूप में शानदार लगते हैं और उनका संजीदा अभिनय फिल्म की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। विक्रांत मेसी सहजता से मनोज के किरदारों में ढल गए और फिल्म में अपना ए गेम लेकर आए। 12th Fail जिस जैसी बायोपिक्स अभिनेताओं के लिए चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि उसमें संदर्भ सीमित होंगे और अगर प्रदर्शन अच्छा नहीं होता तो चीज़ें गलत हो सकती हैं, लेकिन विक्रांत मेसी हर तरह से हमारा ध्यान खींचते हैं और यह वास्तव में उनके लिए एक गेम चेंजर फिल्म है। विक्रांत मेसी को मेघा शंकर का अच्छा साथ मिला है और वास्तविक जीवन का यह जोड़ा किस तरह हर दुख में एक दूसरे के लिए खड़ा होता है और यह अच्छे से दिखाया गया है। फिल्म में कुछ तालियां बजाने योग्य दृश्य भी हैं, लेकिन सबसे अच्छा हिंसा अंतिम सचात्म दृश्य था। अनंत विजय जोशी, सरिता जोशी, विकास द्विवेकीर्ति और अंशुमान पुष्कर अपनी भूमिकाओं को में बहुत ही अच्छे लगते हैं। कुल मिलाकर यह मूवी बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलती है। कुछ लोग बात कर रहे थे इस मूवी की देखने की, तो बता दें यह मूवी अभी आपको OTT पे देखने को मिल जाएगी या डिजी पर हॉटस्टार पे सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को आपको मूवी मिल जाएगी। इस मूवी को आप इसे पास से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बेहतरीन है, क्योंकि इस मूवी की रेटिंग मिली IMDb से 10/9.2 की और Rotten Tomatoes की तरफ से 90% की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 94% की लाइक मिली हुई है। तो आज की वीडियो में एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं, जो कि इस समय बहुत ही चर्चा में बनी हुई है, जिसका नाम है 12th Fail। तो आज की वीडियो में इस मूवी की स्टोरी, मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, मूवी कैसी है, सारी बातें हम करने वाले हैं आज के वीडियो में और मूवी का रिव्यू भी करने वाले हैं। बात करते हैं इस मूवी की, तो 12th Fail यानी 12th Fail 2023 में आई थी और यह हिंदी भाषा की ओरिजिनल जीवनी पर आधारित ड्रामा मूवी थी, जिसका निर्देशन, निर्माण और लेखन वधु विनोद चोपड़ा ने किया है और यह कुमार मनोज कुमार शर्मा की वास्तविक जीवन की कहानी के बारे में है, जो कि अनुराग पाठक की 1919 की अनाम गैर काल्पनिक किताब पर आधारित है, जिन्होंने भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी बनने के लिए अत्यधिक गरीबी पर काबू पाया। फिल्म में विक्रांत मेसी मुख्य भूमिका में, उनके साथ मेघा शंकर, आनंद वी जोशी, अंशुमान पुष्कर और प्रियांशु चटर्जी देखने को मिलते हैं। शुरू में यह मूवी कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था इस मूवी ने, लेकिन
कुछ समय बाद यह धीरे धीरे इसकी पॉपुलरिटी बढ़ती गई, जहां इसमें कवर था सिर्फ 20 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 4 करोड़ तक की कमाई कर ली है और आगे यह कमाई करती जा रही है। 27 अक्टूबर 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और 12वीं फेल को आलोचना से प्रशंसा सकारात्मक प्रशंसा मिली और एक स्लीपर हिट के रूप में यह मूवी उभरी, जिसने 20 करोड़ के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 4 करोड़ की कमाई की। 69वें फिल्म पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सहित 12 नामांकन प्राप्त हुए। कहानी की बात करें तो 12वीं फेल यानी 12 फेल एक IPS अधिकारी मनोज कुमार शर्मा के जीवन में सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। मनोज कुमार शर्मा विक्रांत मेसी जो कि होते जंगल में रहने वाले गरीब परिवार से होते हैं। अपने काम से ईमानदार होने के कारण मनोज के पिता को निलंबित कर दिया जाता है। मनोज एक स्कूल में पढ़ता है जहाँ उसका ध्यान अपैतृक छात्रों को परीक्षा के दौरान कदाचार में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है, यानी चीटिंग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। DSP दुष्यंत प्रियांशु चटर्जी जो के होते हैं उसे हॉस्टल को गिरफ्तार कर लेता है। मनोज को समझाता है कि जीवन में ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। दुष्यंत की बातों से मनोज प्रेरित हो जाते हैं और उन्हें विश्वास होने लगता है कि ईमानदारी की एक ईमानदार अधिकारी समाज में बदलाव ला सकता है। कैसे सफल हुए मनोज, उसे कई कठिनाइयों से कैसे गुजरना पड़ा, फिल्म इसी बारे में है। अपने कहीं ना कहीं इस मूवी की फिल्म में अभी ट्रेलर आप क्लिप जरूर ही देखी होगी। इस मूवी के प्लस पॉइंट की बात करें तो फिल्म की कहानी शानदार है। 12 फेल जैसी फिल्मों के लिए पाठकथा लिखना आसान काम नहीं है क्योंकि किसी विषय पर कई फिल्में आ चुकी हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि कथा अत्यधिक आकर्षक हो। विधु मनोज चोपड़ा से कुशलतापूर्वक एक ऐसी कहानी पेश करते हैं जो मज़ेदार और भावनात्मक पहलुओं का मिश्रण है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि फिल्म में अच्छी संख्या में संतुष्टिदायक क्षण हो। विक्रांत मिश्री मनोज कुमार शर्मा के रूप में शानदार लगते हैं और उनका संजीदा अभिनय फिल्म की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। विक्रांत मिश्री सहजता से मनोज के किरदारों में ढल गए और फिल्म में अपना ए गेम लेकर आए। 12वीं फेल जिस जैसी बायोपिक्स अभिनेताओं के लिए चुनौतीपूर्ण है क्योंकि उसमें संदर्भ सीमित होंगे और अगर प्रदर्शन अच्छा नहीं होता तो चीज़ें गलत हो सकती हैं, लेकिन विक्रांत मेसी हर तरह से हमारा ध्यान खींचते हैं और यह वास्तव में उनके लिए एक गेम चेंजर फिल्म है। विक्रांत मेसी को मेघा शंकर का अच्छा साथ मिला है और वास्तविक जीवन का यह जोड़ा किस तरह हर दुख में एक दूसरे के लिए खड़ा होता है और यह अच्छे से दिखाया गया है। फिल्म में कुछ तालियां बजाने योग्य दृश्य भी हैं, लेकिन सबसे अच्छा हिंसा अंतिम सचात्म दृश्य था। अनंत विजय जोशी, सरिता जोशी, विकास द्विवेकीर्ति और अंशुमान पुष्कर अपनी भूमिकाओं को में बहुत ही अच्छे लगते हैं। कुल मिलाकर यह मूवी बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलती है। कुछ लोग बात कर रहे थे इस मूवी देखने की, तो बता दें यह मूवी अभी आपको OTT पे देखने को मिल जाएगी या डिजी पर हॉटस्टार पे सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को आपको मूवी मिल जाएगी। इस मूवी को आप इसे पास से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बेहतरीन है क्योंकि इस मूवी की रेटिंग मिली IMDb से 10/9.2 की और रोटेन टमाटोज से 90% की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 94% की लाइक मिली हुई है। तो आज की वीडियो में एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं जो कि इस समय बहुत ही चर्चा में बनी हुई है, जिसका नाम है 12th Fail। तो आज की वीडियो में इस मूवी की स्टोरी, मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, मूवी कैसी, ये सारी बातें हम करने वाले हैं आज के वीडियो में और मूवी का रिव्यू भी करने वाले हैं। बात करते हैं इस मूवी की, तो 12वीं फेल यानी 12th Fail 2023 में आई थी और यह हिंदी भाषा की ओरिजिनल जीवनी पर आधारित ड्रामा मूवी थी जिसका निर्देशन, निर्माण और लेखन वधु विनोद चोपड़ा ने किया है और यह कुमार मनोज कुमार शर्मा की वास्तविक जीवन की कहानी के बारे में है जो कि अनुराग पाठक की संभावनी की अनाम गैर काल्पनिक किताब पर आधारित है, जिन्होंने भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी बनने के लिए अत्यधिक गरीबी पर काबू पाया। फिल्म में विक्रांत मेसी मुख्य भूमिका में, उनके साथ मेघा शंकर, अनंत वी जोशी, अंशुमान पुष्कर और प्रियांशु चटर्जी देखने को मिलते हैं। शुरू में मूवी कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था इस मूवी ने, लेकिन कुछ समय बाद यह धीरे धीरे इसकी पॉपुलरिटी बढ़ती गई, जहां इसमें कवर था सिर्फ 20 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 4 करोड़ तक की कमाई कर ली है और आगे यह कमाई करती जा रही है। 27 अक्टूबर 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और 12वीं फेल को आलोचना से प्रशंसा सकारात्मक प्रशंसा मिली और एक स्लीपर हिट के रूप में यह मूवी उभरी, जिसने 20 करोड़ के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 4 करोड़ की कमाई की। 69वें फिल्म पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सहित 12 नामांकन प्राप्त हुए। कहानी की बात करें तो 12वीं फेल यानी 12 फेल एक IPS अधिकारी मनोज कुमार शर्मा के जीवन में सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। मनोज कुमार शर्मा विक्रांत मेसी जो कि होते जंगल में रहने वाले गरीब परिवार से होते हैं। अपने काम से ईमानदार होने के कारण मनोज के पिता को निलंबित कर दिया जाता है। मनोज एक स्कूल में पढ़ता है जहाँ उसका ध्यान अपैतृक छात्रों को परीक्षा के दौरान कदाचार में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है, यानी चीटिंग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। DSP दुष्यंत प्रियांशु चटर्जी जो के होते हैं उसे हॉस्टल को गिरफ्तार कर लेता है। मनोज को समझाता है कि जीवन में ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। दुष्यंत की बातों से मनोज प्रेरित हो जाते हैं और
उन्हें विश्वास होने लगता है कि ईमानदारी कि एक ईमानदार अधिकारी समाज में बदलाव ला सकता है। कैसे सफल हुए मनोज, उसे कई कठिनाइयों से कैसे गुजरना पड़ा, फिल्म इसी बारे में है। अपने कहीं ना कहीं इस मूवी की फिल्म या फिर ट्रेलर या फिर क्लिप जरूर ही देखी होगी। इस मूवी के प्लस पॉइंट की बात करें तो फिल्म की कहानी शानदार है। 12th फेल जैसी फिल्मों के लिए पाठकथा लिखना आसान काम नहीं है, क्योंकि किसी विषय पर कई फिल्में आ चुकी हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि कथा अत्यधिक आकर्षक हो। विधु मनोज चोपड़ा से कुशलतापूर्वक एक ऐसी कहानी पेश करते हैं जो मज़ेदार और भावनात्मक पहलुओं का मिश्रण है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि फिल्म में अच्छी संख्या में संतुष्टिदायक क्षण हों। विक्रांत मिश्री मनोज कुमार शर्मा के रूप में शानदार लगते हैं और उनका संजीदा अभिनय फिल्म की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। विक्रांत मिश्री सहजता से मनोज के किरदारों में ढल गए और फिल्म में अपना ए गेम लेकर आए। 12th फेल जिस जैसी बायोपिक्स अभिनेताओं के लिए चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि उसमें संदर्भ सीमित होंगे और अगर प्रदर्शन अच्छा नहीं होता तो चीज़ें गलत हो सकती हैं। लेकिन विक्रांत मेजी हर तरह से हमारा ध्यान खींचते हैं और यह वास्तव में उनके लिए एक गेम चेंजर फिल्म है। विक्रांत मेजी को मेघा शंकर का अच्छा साथ मिला है और वास्तविक जीवन का यह जोड़ा किस तरह हर दुख में एक दूसरे के लिए खड़ा होता है और यह अच्छे से दिखाया गया है। फिल्म में कुछ तालियां बजाने योग्य दृश्य भी हैं, लेकिन सबसे अच्छा हिंसा अंतिम सचात्म दृश्य था। अनंत विजय जोशी, सरिता जोशी, विकास द्विवेकीर्ति और अंशुमान पुष्कर अपनी भूमिकाओं को में बहुत ही अच्छे लगते हैं। कुल मिलाकर यह मूवी बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलती है। कुछ लोग बात कर रहे थे इस मूवी देखने की, तो बता दें यह मूवी अभी आपको OTT पे देखने को मिल जाएगी या डिजी पर हॉटस्टार पे सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को आपको मूवी मिल जाएगी। इस मूवी को आप इसे बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बेहतरीन है, क्योंकि इस मूवी की रेटिंग मिली IMDb से 10/9.2 की और रोटेन टमाटो की तरफ से 90% की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 94% की लाइक मिली हुई है। तो आज की वीडियो में एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं, जो कि इस समय बहुत ही चर्चा में बनी हुई है, जिसका नाम है 12th फेल। तो आज की वीडियो में इस मूवी की स्टोरी, मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, मूवी कैसी है, सारी बातें हम करने वाले हैं आज के वीडियो में और मूवी का रिव्यू भी करने वाले हैं। बात करते हैं इस मूवी की, तो 12th फेल यानी 12th फेल 2023 में आई थी और यह हिंदी भाषा की ओरिजिनल जीवनी पर आधारित ड्रामा मूवी थी, जिसका निर्देशन निर्माण और लेखन वधु विनोद चोपड़ा ने किया है और यह कुमार मनोज कुमार शर्मा की वास्तविक जीवन की कहानी के बारे में है, जो कि अनुराग पाठक की 1919 की अनाम गैर काल्पनिक किताब पर आधारित है, जिन्होंने भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी बनने के लिए अत्यधिक गरीबी पर काबू पाया। फिल्म में विक्रांत मेसी मुख्य भूमिकाओं में, उनके साथ मेघा शंकर, अनंत वी जोशी, अंशुमान पुष्कर और प्रियांशु चटर्जी देखने को मिलते हैं। शुरू में यह मूवी कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था इस मूवी ने, लेकिन कुछ समय बाद यह धीरे धीरे इसकी पॉपुलरिटी बढ़ती गई, जहां इस मूवी का बजट था सिर्फ 20 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 66 करोड़ तक की कमाई कर ली है और आगे यह कमाई करती जा रही है। 27 अक्टूबर 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और 12th फेल को आलोचना से प्रशंसा सकारात्मक प्रशंसा मिली और एक स्लीपर हिट के रूप में यह मूवी उभरी, जिसने 20 करोड़ के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 66 करोड़ की कमाई की। 69वें फिल्म पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सहित 12 नामांकन प्राप्त हुए। कहानी की बात करें तो 12th फेल यानी 12th फेल के IPS अधिकारी मनोज कुमार शर्मा के जीवन में सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। मनोज कुमार शर्मा विक्रांत मेसी जो कि होते जंगल में रहने वाले गरीब परिवार से होते हैं। अपने काम से ईमानदार होने के कारण मनोज के पिता को निलंबित कर दिया जाता है। मनोज एक स्कूल में पढ़ता है जहाँ उसका ध्यान अपहृत छात्रों को परीक्षा के दौरान कदाचार में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है, यानी चीटिंग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। DSP दुष्यंत प्रियांशु चटर्जी जो के होते हैं, उसे रेस्टर को गिरफ्तार कर लेता है। मनोज को समझाता है कि जीवन में ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। दुष्यंत की बातों से मनोज प्रेरित हो जाते हैं और उन्हें विश्वास होने लगता है कि ईमानदारी कि एक ईमानदार अधिकारी समाज में बदलाव ला सकता है। कैसे सफल हुए मनोज, उसे कई कठिनाइयों से कैसे गुजरना पड़ा, फिल्म इसी बारे में है। अपने कहीं ना कहीं इस मूवी की फिल्म या फिर ट्रेलर या फिर क्लिप जरूर ही देखी होगी। इस मूवी के प्लस पॉइंट की बात करें तो फिल्म की कहानी शानदार है। 12th फेल जैसी फिल्मों के लिए पाठकथा लिखना आसान काम नहीं है, क्योंकि किसी विषय पर कई फिल्में आ चुकी हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि कथा अत्यधिक आकर्षक हो। विधु मनोज चोपड़ा से कुशलतापूर्वक एक ऐसी कहानी पेश करते हैं जो मज़ेदार और भावनात्मक पहलुओं का मिश्रण है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि फिल्म में अच्छी संख्या में संतुष्टिदायक क्षण हों। विक्रांत मिश्री मनोज कुमार शर्मा के रूप में शानदार लगते हैं और उनका संजीदा अभिनय फिल्म की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। विक्रांत मिश्री सहजता से मनोज के किरदारों में ढल गए और फिल्म में अपना
ए गेम लेकर आए बारहवीं फेल जिस जैसी बायोपिक्स अभिनेताओं के लिए चुनौतीपूर्ण है क्योंकि उसमें संदर्भ सीमित होंगे और अगर प्रदर्शन अच्छा नहीं होता तो चीज़ें गलत हो सकती हैं, लेकिन विक्रांत मेजी हर तरह से हमारा ध्यान खींचते हैं और यह वास्तव में उनके लिए एक गेम चेंजर फिल्म है। विक्रांत मेजी को मेघा शंकर का अच्छा साथ मिला है और वास्तविक जीवन का यह जोड़ा किस तरह हर दुख में एक दूसरे के लिए खड़ा होता है और यह अच्छे से दिखाया गया है फिल्म में। कुछ तालियां बजाने योग्य दृश्य भी हैं लेकिन सबसे अच्छा हिंसा अंतिम सचात्म दृश्य था। अनंत विजय जोशी, सरिता जोशी, विकास द्विवेकीर्ति और अंशुमान पुष्कर अपनी भूमिकाओं को में बहुत ही अच्छे लगते हैं। कुल मिलाकर यह मूवी बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलती है। कुछ लोग बात कर रहे थे इस मूवी की देखने की, तो बता दें यह मूवी अभी आपको OTT पे देखने को मिल जाएगी या डिजी पर हॉटस्टार पे सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को आपको मूवी मिल जाएगी। इस मूवी को आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बेहतरीन है क्योंकि इस मूवी की रेटिंग मिली IMDb से 10/9.2 की और रोटेन टमाटोज से 90% की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 94% की लाइक मिली हुई है। तो आज की वीडियो में एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं, जो कि इस समय बहुत ही चर्चा में बनी हुई है, जिसका नाम है 12th Fail। तो आज की वीडियो में इस मूवी की स्टोरी, मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, मूवी कैसी है, ये सारी बातें हम करने वाले हैं आज के वीडियो में और मूवी का रिव्यू भी करने वाले हैं। बात करते हैं इस मूवी की, तो 12th Fail यानी 12th Fail 2023 में आई थी और यह हिंदी भाषा की ओरिजिनल जीवनी पर आधारित ड्रामा मूवी थी जिसका निर्देशन, निर्माण और लेखन वधु विनोद चोपड़ा ने किया है और यह कुमार मनोज कुमार शर्मा की वास्तविक जीवन की कहानी के बारे में है, जो कि अनुराग पाठक की सम्भावनीस की अनाम गैर काल्पनिक किताब पर आधारित है, जिन्होंने भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी बनने के लिए अत्यधिक गरीबी पर काबू पाया। फिल्म में विक्रांत मेसी मुख्य भूमिका में, उनके साथ मेघा शंकर, अनंत वी जोशी, अंशुमान पुष्कर और प्रियांशु चटर्जी देखने को मिलते हैं। शुरू में मूवी कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था इस मूवी ने, लेकिन कुछ समय बाद यह धीरे धीरे इसकी पॉपुलरिटी बढ़ती गई, जहां इस मूवी का बजट था सिर्फ 20 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 4 करोड़ तक की कमाई कर ली है और आगे यह कमाई करती जा रही है। 27 अक्टूबर 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और 12th Fail को आलोचन से प्रशंसा सकारात्मक प्रशंसा मिली और एक स्लीपर हिट के रूप में यह मूवी उभरी, जिसने 20 करोड़ के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 4 करोड़ की कमाई की। 69वें फिल्म पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सहित 12 नामांकन प्राप्त हुए। कहानी की बात करें तो 12th Fail यानी 12th Fail के IPS अधिकारी मनोज कुमार शर्मा के जीवन में सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। मनोज कुमार शर्मा विक्रांत मेसी जो कि होते जंगल में रहने वाले गरीब परिवार से होते हैं। अपने काम से ईमानदार होने के कारण मनोज के पिता को निलंबित कर दिया जाता है। मनोज एक स्कूल में पढ़ता है जहाँ उसका ध्यान अपैतृक छात्रों को परीक्षा के दौरान कदाचार में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है, यानी चीटिंग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। DSP दुष्यंत प्रियांशु चटर्जी जो के होते हैं उसे रेस्टर को गिरफ्तार कर लेता है। मनोज को समझाता है कि जीवन में ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। दुष्यंत की बातों से मनोज प्रेरित हो जाते हैं और उन्हें विश्वास होने लगता है कि ईमानदारी की एक ईमानदार अधिकारी समाज में बदलाव ला सकता है। कैसे सफल हुए मनोज, उसे कई कठिनाइयों से कैसे गुजरना पड़ा, फिल्म इसी बारे में है। अपने कहीं ना कहीं इस मूवी की फिल्म में ट्रेलर आप क्लिप जरूर ही देखी होगी। इस मूवी के प्लस पॉइंट की बात करें तो फिल्म की कहानी शानदार है। 12th Fail जैसी फिल्मों के लिए पाठकथा लिखना आसान काम नहीं है क्योंकि किसी विषय पर कई फिल्में आ चुकी हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि कथा अत्यधिक आकर्षक हो। विधु मनोज चोपड़ा कुशलतापूर्वक एक ऐसी कहानी पेश करते हैं जो मज़ेदार और भावनात्मक पहलुओं का मिश्रण है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि फिल्म में अच्छी संख्या में संतुष्टिदायक क्षण हों। विक्रांत मेसी मनोज कुमार शर्मा के रूप में शानदार लगते हैं और उनका संजीदा अभिनय फिल्म की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। विक्रांत मेसी सहजता से मनोज के किरदारों में ढल गए और फिल्म में अपना ए गेम लेकर आए। 12th Fail जिस जैसी बायोपिक्स अभिनेताओं के लिए चुनौतीपूर्ण है क्योंकि उसमें संदर्भ सीमित होंगे और अगर प्रदर्शन अच्छा नहीं होता तो चीज़ें गलत हो सकती हैं, लेकिन विक्रांत मेजी हर तरह से हमारा ध्यान खींचते हैं और यह वास्तव में उनके लिए एक गेम चेंजर फिल्म है। विक्रांत मेजी को मेघा शंकर का अच्छा साथ मिला है और वास्तविक जीवन का यह जोड़ा किस तरह हर दुख में एक दूसरे के लिए खड़ा होता है और यह अच्छे से दिखाया गया है फिल्म में। कुछ तालियां बजाने योग्य दृश्य भी हैं लेकिन सबसे अच्छा हिंसा अंतिम सचात्म दृश्य था। अनंत विजय जोशी, सरिता जोशी, विकास द्विवेकीर्ति और अंशुमान पुष्कर अपनी भूमिकाओं को में बहुत ही अच्छे लगते हैं। कुल मिलाकर यह मूवी बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलती है। कुछ लोग बात कर रहे थे इस मूवी की देखने की, तो बता दें यह मूवी अभी आपको OTT पे देखने को मिल जाएगी या डिजी पर हॉटस्टार पे सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को आपको मूवी मिल जाएगी। इस मूवी को आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बेहतरीन है क्योंकि इस मूवी की रेटिंग मिली IMDb से 10/9.2 की
और रोटेन टमाटोज की तरफ से 90% की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 94% की लाइक मिली हुई है। तो आज की वीडियो में एक ऐसे मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं, जो कि इस समय बहुत ही चर्चा में बनी हुई है, जिसका नाम है 12th Fail। तो आज की वीडियो में इस मूवी की स्टोरी, मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, मूवी कैसी, सारी बातें करने वाले हैं आज के वीडियो में और मूवी का रिव्यू भी करने वाले हैं। बात करते हैं इस मूवी की, तो 12th Fail यानी 12th Fail 2023 में आई थी और यह हिंदी भाषा की ओरिजिनल जीवनी पर आधारित ड्रामा मूवी थी, जिसका निर्देशन, निर्माण और लेखन वधु विनोद चोपड़ा ने किया है और यह कुमार मनोज कुमार शर्मा की वास्तविक जीवन की कहानी के बारे में है, जो कि अनुराग पाठक की संभावनी की अनाम गैर काल्पनिक किताब पर आधारित है, जिन्होंने भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी बनने के लिए अत्यधिक गरीबी पर काबू पाया। फिल्म में विक्रांत मेसी मुख्य भूमिका में, उनके साथ मेघा शंकर, आनंद वी जोशी, अंशुमान पुष्कर और प्रियांशु चटर्जी देखने को मिलते हैं। शुरू में मूवी कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था इस मूवी ने, लेकिन कुछ समय बाद यह धीरे धीरे इसकी पॉपुलरिटी बढ़ती गई, जहां इस मूवी का बजट था सिर्फ 20 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 76 करोड़ तक की कमाई कर ली है और आगे यह कमाई करती जा रही है। 27 अक्टूबर 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और 12th Fail को आलोचन से प्रशंसा, सकारात्मक प्रशंसा मिली और एक स्लीपर हिट के रूप में यह मूवी उभरी, जिसने 20 करोड़ के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 76 करोड़ की कमाई की। 69वें फिल्म पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सहित 12 नामांकन प्राप्त हुए। कहानी की बात करें तो 12th Fail यानी 12th Fail एक IPS अधिकारी मनोज कुमार शर्मा के जीवन में सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। मनोज कुमार शर्मा विक्रांत मेसी जो कि होते जम्मू में रहने वाले गरीब परिवार से होते हैं। अपने काम से ईमानदार होने के कारण मनोज के पिता को निलंबित कर दिया जाता है। मनोज एक स्कूल में पढ़ता है जहाँ उसका ध्यान अपैतृक छात्रों को परीक्षा के दौरान कदाचार में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है, यानी चीटिंग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। DSP दुष्यंत प्रियांशु चटर्जी जो के होते हैं, वो सेरे आस्टर को गिरफ्तार कर लेता है। मनोज को समझाता है कि जीवन में ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। दुष्यंत की बातों से मनोज प्रेरित हो जाते हैं और उन्हें विश्वास होने लगता है कि ईमानदारी कि एक ईमानदार अधिकारी समाज में बदलाव ला सकता है। कैसे सफल हुए मनोज, उसे कई कठिनाइयों से कैसे गुजरना पड़ा, फिल्म इसी बारे में है। अपने कहीं ना कहीं इस मूवी की फिल्म या ट्रेलर या क्लिप जरूर ही देखी होगी। इस मूवी के प्लस पॉइंट की बात करें तो फिल्म की कहानी शानदार है। 12th Fail जैसी फिल्मों के लिए पाठकथा लिखना आसान काम नहीं है, क्योंकि किसी विषय पर कई फिल्में आ चुकी हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि कथा अत्यधिक आकर्षक हो। विधु मनोज चोपड़ा से कुशलतापूर्वक एक ऐसी कहानी पेश करते हैं जो मज़ेदार और भावनात्मक पहलुओं का मिश्रण है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि फिल्म में अच्छी संख्या में संतुष्टिदायक क्षण हों। विक्रांत मिश्री मनोज कुमार शर्मा के रूप में शानदार लगते हैं और उनका संजीदा अभिनय फिल्म की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। विक्रांत मिश्री सहजता से मनोज के किरदारों में ढल गए और फिल्म में अपना ए गेम लेकर आए। 12th Fail जिस जैसी बायोपिक्स अभिनेताओं के लिए चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि उसमें संदर्भ सीमित होंगे और अगर प्रदर्शन अच्छा नहीं होता तो चीज़ें गलत हो सकती हैं, लेकिन विक्रांत मेसी हर तरह से हमारा ध्यान खींचते हैं और यह वास्तव में उनके लिए एक गेम चेंजर फिल्म है। विक्रांत मेसी को मेघा शंकर का अच्छा साथ मिला है और वास्तविक जीवन का यह जोड़ा किस तरह हर दुख में एक दूसरे के लिए खड़ा होता है और यह अच्छे से दिखाया गया है। फिल्म में कुछ तालियां बजाने योग्य दृश्य भी हैं, लेकिन सबसे अच्छा हिंसा अंतिम सचात्म दृश्य था। अनंत विजय जोशी, सरिता जोशी, विकास द्विवेकीर्ति और अंशुमान पुष्कर अपनी भूमिकाओं को में बहुत ही अच्छे लगते हैं। कुल मिलाकर यह मूवी बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलती है। कुछ लोग बात कर रहे थे इस मूवी की देखने की, तो बता दें यह मूवी अभी आपको OTT पे देखने को मिल जाएगी या डिजी पर हॉटस्टार पे सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को आपको मूवी मिल जाएगी। इस मूवी को आप इसे बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बेहतरीन है, क्योंकि इस मूवी की रेटिंग मिली IMDb से 10/9.2 की और रोटेन टमाटोज की तरफ से 90% की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 94% की लाइक मिली हुई है। तो आज की वीडियो में एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं, जो कि इस समय बहुत ही चर्चा में बनी हुई है, जिसका नाम है 12th Fail। तो आज की वीडियो में इस मूवी की स्टोरी, मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, मूवी कैसी है, सारी बातें करने वाले हैं आज के वीडियो में और मूवी का रिव्यू भी करने वाले हैं। बात करते हैं इस मूवी की, तो 12th Fail यानी 12th Fail 2023 में आई थी और यह हिंदी भाषा की ओरिजिनल जीवनी पर आधारित ड्रामा मूवी थी, जिसका निर्देशन, निर्माण और लेखन वधु विनोद चोपड़ा ने किया है और यह कुमार मनोज कुमार शर्मा की वास्तविक जीवन की कहानी के बारे में है, जो कि अनुराग पाठक की संभावनी की अनाम गैर काल्पनिक किताब पर आधारित है, जिन्होंने भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी बनने के लिए अत्यधिक गरीबी पर काबू पाया। फिल्म में विक्रांत मेसी मुख्य भूमिका में, उनके साथ मेघा शंकर, आनंद वी जोशी, अंशुमान पुष्कर और प्रियांशु चटर्जी देखने को मिलते हैं। शुरू में मूवी कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था इस मूवी ने, लेकिन
कुछ समय बाद यह धीरे धीरे इसकी पॉपुलरिटी बढ़ती गई, जहां इसमें कवर था सिर्फ 20 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 66 करोड़ तक की कमाई कर ली है और आगे यह कमाई करती जा रही है। 27 अक्टूबर 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और बारहवीं फेल को आलोचना से प्रशंसा सकारात्मक प्रशंसा मिली और एक स्लीपर हिट के रूप में यह मूवी उभरी, जिसने 20 करोड़ के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 66 करोड़ की कमाई की। 69वें फिल्म पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सहित 12 नामांकन प्राप्त हुए। कहानी की बात करें तो 12वीं फेल यानी 12वें फेल एक IPS अधिकारी मनोज कुमार शर्मा के जीवन में सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। मनोज कुमार शर्मा विक्रांत मेसी जो कि होते जंगल में रहने वाले गरीब परिवार से होते हैं। अपने काम से ईमानदार होने के कारण मनोज के पिता को निलंबित कर दिया जाता है। मनोज एक स्कूल में पढ़ता है जहाँ उसका ध्यान अपहृत छात्रों को परीक्षा के दौरान कदाचार में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है, यानी चीटिंग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। DSP दुष्यंत प्रियांशु चटर्जी जो के होते हैं वो सेरे आस्टर को गिरफ्तार कर लेता है। मनोज को समझाता है कि जीवन में ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। दुष्यंत की बातों से मनोज प्रेरित हो जाते हैं और उन्हें विश्वास होने लगता है कि ईमानदारी की एक ईमानदार अधिकारी समाज में बदलाव ला सकता है। कैसे सफल हुए मनोज, उसे कई कठिनाइयों से कैसे गुजरना पड़ा, फिल्म इसी बारे में है। अपने कहीं ना कहीं इस मूवी की फिल्म या ट्रेलर या क्लिप जरूर ही देखी होगी। इस मूवी के प्लस पॉइंट की बात करें तो फिल्म की कहानी शानदार है। 12वें फेल जैसी फिल्मों के लिए पटकथा लिखना आसान काम नहीं है, क्योंकि किसी विषय पर कई फिल्में आ चुकी हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि कथा अत्यधिक आकर्षक हो। विधु मनोज चोपड़ा से कुशलतापूर्वक एक ऐसी कहानी पेश करते हैं जो मज़ेदार और भावनात्मक पहलुओं का मिश्रण है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि फिल्म में अच्छी संख्या में संतुष्टिदायक क्षण हों। विक्रांत मिश्री मनोज कुमार शर्मा के रूप में शानदार लगते हैं और उनका संजीदा अभिनय फिल्म की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। विक्रांत मिश्री सहजता से मनोज के किरदारों में ढल गए और फिल्म में अपना ए गेम लेकर आए। 12वीं फेल जिस जैसी बायोपिक्स अभिनेताओं के लिए चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि उसमें संदर्भ सीमित होंगे और अगर प्रदर्शन अच्छा नहीं होता तो चीज़ें गलत हो सकती हैं, लेकिन विक्रांत मेसी हर तरह से हमारा ध्यान खींचते हैं और यह वास्तव में उनके लिए एक गेम चेंजर फिल्म है। विक्रांत मेसी को मेघा शंकर का अच्छा साथ मिला है और वास्तविक जीवन का यह जोड़ा किस तरह हर दुख में एक दूसरे के लिए खड़ा होता है और यह अच्छे से दिखाया गया है। फिल्म में कुछ तालियां बजाने योग्य दृश्य भी हैं, लेकिन सबसे अच्छा हिंसा अंतिम सचात्म दृश्य था। अनंत विजय जोशी, सरिता जोशी, विकास द्विवेकीर्ति और अंशुमान पुष्कर अपनी भूमिकाओं को में बहुत ही अच्छे लगते हैं। कुल मिलाकर यह मूवी बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलती है। कुछ लोग बात कर रहे थे इस मूवी की देखने की, तो बता दें यह मूवी अभी आपको OTT पे देखने को मिल जाएगी या डिजी पर हॉटस्टार पे सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को आपको मूवी मिल जाएगी। इस मूवी को आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बेहतरीन है, क्योंकि इस मूवी की रेटिंग मिली IMDb से 10/9.2 की और Rotten Tomatoes की तरफ से 90% की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 94% की लाइक मिली हुई है। तो आज की वीडियो में एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं, जो कि इस समय बहुत ही चर्चा में बनी हुई है, जिसका नाम है 12वीं फेल। तो आज की वीडियो में इस मूवी की स्टोरी, मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, मूवी कैसी है, ये सारी बातें हम करने वाले हैं आज के वीडियो में और मूवी का रिव्यू भी करने वाले हैं। बात करते हैं इस मूवी की, तो 12वीं फेल यानी 12वीं फेल 2023 में आई थी और यह हिंदी भाषा की ओरिजिनल जीवनी पर आधारित ड्रामा मूवी थी, जिसका निर्देशन, निर्माण और लेखन वधु विनोद चोपड़ा ने किया है और यह मनोज कुमार शर्मा की वास्तविक जीवन की कहानी के बारे में है, जो कि अनुराग पाठक की संभावना इसकी अनाम गैर काल्पनिक किताब पर आधारित है, जिन्होंने भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी बनने के लिए अत्यधिक गरीबी पर काबू पाया। फिल्म में विक्रांत मेसी मुख्य भूमिका में, उनके साथ मेघा शंकर, अनंत वी जोशी, अंशुमान पुष्कर और प्रियांशु चटर्जी देखने को मिलते हैं। शुरू में मूवी कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था इस मूवी ने, लेकिन कुछ समय बाद यह धीरे धीरे इसकी पॉपुलरिटी बढ़ती गई, जहां इस मूवी का बजट था सिर्फ 20 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 66 करोड़ तक की कमाई कर ली है और आगे यह कमाई करती जा रही है। 27 अक्टूबर 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और 12वीं फेल को आलोचना से प्रशंसा सकारात्मक प्रशंसा मिली और एक स्लीपर हिट के रूप में यह मूवी उभरी, जिसने 20 करोड़ के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 66 करोड़ की कमाई की। 69वें फिल्म पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सहित 12 नामांकन प्राप्त हुए। कहानी की बात करें तो 12वीं फेल यानी 12वें फेल एक IPS अधिकारी मनोज कुमार शर्मा के जीवन में सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। मनोज कुमार शर्मा विक्रांत मेसी जो कि होते जंगल में रहने वाले गरीब परिवार से होते हैं। अपने काम से ईमानदार होने के कारण मनोज के पिता को निलंबित कर दिया जाता है। मनोज एक स्कूल में पढ़ता है जहाँ उसका ध्यान अपहृत छात्रों को परीक्षा के दौरान कदाचार में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है, यानी चीटिंग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। DSP दुष्यंत प्रियांशु चटर्जी जो के होते हैं वो सेरे आस्टर को गिरफ्तार कर लेता है। मनोज को समझाता है कि जीवन में ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। दुष्यंत की बातों से मनोज प्रेरित हो जाते हैं और
उन्हें विश्वास होने लगता है कि ईमानदारी कि एक ईमानदार अधिकारी समाज में बदलाव ला सकता है। कैसे सफल हुए मनोज, उसे कई कठिनाइयों से कैसे गुजरना पड़ा, फिल्म इसी बारे में है। अपने कहीं ना कहीं इस मूवी की फिल्म या ट्रेलर या फिर क्लिप जरूर ही देखी होगी। इस मूवी के प्लस पॉइंट की बात करें तो फिल्म की कहानी शानदार है। 12 फेल जैसी फिल्मों के लिए पाठकथा लिखना आसान काम नहीं है, क्योंकि किसी विषय पर कई फिल्में आ चुकी हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि कथा अत्यधिक आकर्षक हो। विधु मनोज चोपड़ा से कुशलतापूर्वक एक ऐसी कहानी पेश करते हैं जो मज़ेदार और भावनात्मक पहलुओं का मिश्रण है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि फिल्म में अच्छी संख्या में संतुष्टिदायक क्षण हो। विक्रांत मिश्री मनोज कुमार शर्मा के रूप में शानदार लगते हैं और उनका संजीदा अभिनय फिल्म की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। विक्रांत मिश्री सहजता से मनोज के किरदारों में ढल गए और फिल्म में अपना ए गेम लेकर आए। 12वीं फेल जिस जैसी बायोपिक्स अभिनेताओं के लिए चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि उसमें संदर्भ सीमित होंगे और अगर प्रदर्शन अच्छा नहीं होता तो चीज़ें गलत हो सकती हैं। लेकिन विक्रांत मेजी हर तरह से हमारा ध्यान खींचते हैं और यह वास्तव में उनके लिए एक गेम चेंजर फिल्म है। विक्रांत मेजी को मेघा शंकर का अच्छा साथ मिला है और वास्तविक जीवन का यह जोड़ा किस तरह हर दुख में एक दूसरे के लिए खड़ा होता है और यह अच्छे से दिखाया गया है। फिल्म में कुछ तालियां बजाने योग्य दृश्य भी हैं, लेकिन सबसे अच्छा हिंसा अंतिम सचात्म दृश्य था। अनंत विजय जोशी, सरिता जोशी, विकास द्विवेकीर्ति और अंशुमान पुष्कर अपनी भूमिकाओं को में बहुत ही अच्छे लगते हैं। कुल मिलाकर यह मूवी बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलती है। कुछ लोग बात कर रहे थे इस मूवी देखने की, तो बता दें यह मूवी अभी आपको OTT पे देखने को मिल जाएगी या डिजी पर हॉटस्टार पे सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को आपको मूवी मिल जाएगी। इस मूवी को आप इसे बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बेहतरीन है, क्योंकि इस मूवी की रेटिंग मिली IMDb से 10/9.2 की और रोटेन टमाटोज से 90% की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 94% की लाइक मिली हुई है। तो आज की वीडियो में एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं, जो कि इस समय बहुत ही चर्चा में बनी हुई है, जिसका नाम है 12th Fail। तो आज की वीडियो में इस मूवी की स्टोरी, मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, मूवी कैसी, सारी बातें हम करने वाले हैं आज के वीडियो में और मूवी का रिव्यू भी करने वाले हैं। बात करते हैं इस मूवी की, तो 12वीं फेल यानी 12th Fail 2023 में आई थी और यह हिंदी भाषा की ओरिजिनल जीवनी पर आधारित ड्रामा मूवी थी, जिसका निर्देशन, निर्माण और लेखन वधु विनोद चोपड़ा ने किया है और यह कुमार मनोज कुमार शर्मा की वास्तविक जीवन की कहानी के बारे में है, जो कि अनुराग पाठक की संभावनी की अनाम गैर काल्पनिक किताब पर आधारित है, जिन्होंने भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी बनने के लिए अत्यधिक गरीबी पर काबू पाया। फिल्म में विक्रांत मेसी मुख्य भूमिका में, उनके साथ मेघा शंकर, अनंत वी जोशी, अंशुमान पुष्कर और प्रियांशु चटर्जी देखने को मिलते हैं। शुरू में मूवी कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था इस मूवी ने, लेकिन कुछ समय बाद यह धीरे धीरे इसकी पॉपुलरिटी बढ़ती गई, जहां इस मूवी का बजट था सिर्फ 20 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 76 करोड़ तक की कमाई कर ली है और आगे यह कमाई करती जा रही है। 27 अक्टूबर 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और 12वीं फेल को आलोचन से प्रशंसा सकारात्मक प्रशंसा मिली और एक स्लीपर हिट के रूप में यह मूवी उभरी, जिसने 20 करोड़ के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 76 करोड़ की कमाई की। 69वें फिल्म पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सहित 12 नामांकन प्राप्त हुए। कहानी की बात करें तो 12वीं फेल यानी 12th Fail एक IPS अधिकारी मनोज कुमार शर्मा के जीवन में सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। मनोज कुमार शर्मा विक्रांत मेसी जो कि होते जम्मू में रहने वाले गरीब परिवार से होते हैं। अपने काम से ईमानदार होने के कारण मनोज के पिता को निलंबित कर दिया जाता है। मनोज एक स्कूल में पढ़ता है जहाँ उसका ध्यानापैतिक छात्रों को परीक्षा के दौरान कदाचार में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है, यानी चीटिंग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। DSP दुष्यंत प्रियांशु चटर्जी जो के होते हैं, उसे हॉस्टल को गिरफ्तार कर लेता है। मनोज को समझाता है कि जीवन में ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। दुष्यंत की बातों से मनोज प्रेरित हो जाते हैं और उन्हें विश्वास होने लगता है कि ईमानदारी कि एक ईमानदार अधिकारी समाज में बदलाव ला सकता है। कैसे सफल हुए मनोज, उसे कई कठिनाइयों से कैसे गुजरना पड़ा, फिल्म इसी बारे में है। अपने कहीं ना कहीं इस मूवी की फिल्म या फिर ट्रेलर या फिर क्लिप जरूर ही देखी होगी। इस मूवी के प्लस पॉइंट की बात करें तो फिल्म की कहानी शानदार है। 12 फेल जैसी फिल्मों के लिए पाठकथा लिखना आसान काम नहीं है, क्योंकि किसी विषय पर कई फिल्में आ चुकी हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि कथा अत्यधिक आकर्षक हो। विधु मनोज चोपड़ा से कुशलतापूर्वक एक ऐसी कहानी पेश करते हैं जो मज़ेदार और भावनात्मक पहलुओं का मिश्रण है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि फिल्म में अच्छी संख्या में संतुष्टिदायक क्षण हो। विक्रांत मिश्री मनोज कुमार शर्मा के रूप में शानदार लगते हैं और उनका संजीदा अभिनय फिल्म की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। विक्रांत मिश्री सहजता से मनोज के किरदारों में ढल गए और फिल्म में अपना
ए गेम लेकर आए बारहवीं फेल जिस जैसी बायोपिक्स अभिनेताओं के लिए चुनौतीपूर्ण है क्योंकि उसमें संदर्भ सीमित होंगे और अगर प्रदर्शन अच्छा नहीं होता तो चीज़ें गलत हो सकती हैं, लेकिन विक्रांत मेजी हर तरह से हमारा ध्यान खींचते हैं और यह वास्तव में उनके लिए एक गेम चेंजर फिल्म है। विक्रांत मेजी को मेघा शंकर का अच्छा साथ मिला है और वास्तविक जीवन का यह जोड़ा किस तरह हर दुख में एक दूसरे के लिए खड़ा हो रहा है खड़ा होता है और यह अच्छे से दिखाया गया है। फिल्म में कुछ तालियां बजाने योग्य दृश्य भी हैं, लेकिन सबसे अच्छा हिंसा अंतिम सचात्म दृश्य था। अनंत विजय जोशी, सरिता जोशी, विकास द्विवेदी और अंशुमान पुष्कर अपनी भूमिकाओं को में बहुत ही अच्छे लगते हैं। कुल मिलाकर यह मूवी बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलती है। कुछ लोग बात कर रहे थे इस मूवी की देखने की, तो बता दें यह मूवी अभी आपको OTT पे देखने को मिल जाएगी या डिजी पर हॉटस्टार पे सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को आपको मूवी मिल जाएगी। इस मूवी को आप इसे बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बेहतरीन है क्योंकि इस मूवी की रेटिंग मिली IMDb से 10/9.2 की और रोटेन टमाटो की तरफ से 90% की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 94% की लाइक मिली हुई है। तो आज की वीडियो में एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं, जो कि इस समय बहुत ही चर्चा में बनी हुई है, जिसका नाम है 12th Fail। तो आज की वीडियो में इस मूवी की स्टोरी, मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, मूवी कैसी है, सारी बातें हम करने वाले हैं आज के वीडियो में और मूवी का रिव्यू भी करने वाले हैं। बात करते हैं इस मूवी की, तो 12th Fail यानी 12th Fail 2023 में आई थी और यह हिंदी भाषा की ओरिजिनल जीवनी पर आधारित ड्रामा मूवी थी जिसका निर्देशन निर्माण और लेखन वधु विनोद चोपड़ा ने किया है और यह कुमार मनोज कुमार शर्मा की वास्तविक जीवन की कहानी के बारे में है, जो कि अनुराग पाठक की 1919 की अनाम गैर काल्पनिक किताब पर आधारित है, जिन्होंने भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी बनने के लिए अत्यधिक गरीबी पर काबू पाया। फिल्म में विक्रांत मेजी मुख्य भूमिका में, उनके साथ मेघा शंकर, अनंत वी जोशी, अंशुमान पुष्कर और प्रियांशु चटर्जी देखने को मिलते हैं। शुरू में यह मूवी कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था इस मूवी ने, लेकिन कुछ समय बाद यह धीरे धीरे इसकी पॉपुलरिटी बढ़ती गई, जहां इस मूवी का बजट था सिर्फ 20 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 66 करोड़ तक की कमाई कर ली है और आगे यह कमाई करती जा रही है। 27 अक्टूबर 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और 12th Fail को आलोचना से प्रशंसा सकारात्मक प्रशंसा मिली और एक स्लीपर हिट के रूप में यह मूवी उभरी, जिसने 20 करोड़ के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 66 करोड़ की कमाई की। 69वें फिल्म पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सहित 12 नामांकन प्राप्त हुए। कहानी की बात करें तो 12th Fail यानी 12th Fail एक IPS अधिकारी मनोज कुमार शर्मा के जीवन में सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। मनोज कुमार शर्मा विक्रांत मेसी जो कि होते जंगल में रहने वाले गरीब परिवार से होते हैं। अपने काम से ईमानदार होने के कारण मनोज के पिता को निलंबित कर दिया जाता है। मनोज एक स्कूल में पढ़ता है जहाँ उसका ध्यान अपहृत छात्रों को परीक्षा के दौरान कदाचार में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है, यानी चीटिंग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। DSP दुष्यंत प्रियांशु चटर्जी जो के होते हैं, वो सेरे आस्टर को गिरफ्तार कर लेता है। मनोज को समझाता है कि जीवन में ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। दुष्यंत की बातों से मनोज प्रेरित हो जाते हैं और उन्हें विश्वास होने लगता है कि ईमानदारी की एक ईमानदार अधिकारी समाज में बदलाव ला सकता है। कैसे सफल हुए मनोज, उसे कई कठिनाइयों से कैसे गुजरना पड़ा, फिल्म इसी बारे में है। अपने कहीं ना कहीं इस मूवी की फिल्म में अभी ट्रेलर पर क्लिप जरूर ही देखी होगी। इस मूवी के प्लस पॉइंट की बात करें तो फिल्म की कहानी शानदार है। 12th Fail जैसी फिल्मों के लिए पटकथा लिखना आसान काम नहीं है क्योंकि किसी विषय पर कई फिल्में आ चुकी हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि कथा अत्यधिक आकर्षक हो। विधु मनोज चोपड़ा से कुशलतापूर्वक एक ऐसी कहानी पेश करते हैं जो मज़ेदार और भावनात्मक पहलुओं का मिश्रण है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि फिल्म में अच्छी संख्या में संतुष्टिदायक क्षण हों। विक्रांत मेसी मनोज कुमार शर्मा के रूप में शानदार लगते हैं और उनका संजीदा अभिनय फिल्म की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। विक्रांत मेसी सहजता से मनोज के किरदारों में ढल गए और फिल्म में अपना ए गेम लेकर आए। 12th Fail जिस जैसी बायोपिक्स अभिनेताओं के लिए चुनौतीपूर्ण है क्योंकि उसमें संदर्भ सीमित होंगे और अगर प्रदर्शन अच्छा नहीं होता तो चीज़ें गलत हो सकती हैं, लेकिन विक्रांत मेजी हर तरह से हमारा ध्यान खींचते हैं और यह वास्तव में उनके लिए एक गेम चेंजर फिल्म है। विक्रांत मेजी को मेघा शंकर का अच्छा साथ मिला है और वास्तविक जीवन का यह जोड़ा किस तरह हर दुख में एक दूसरे के लिए खड़ा हो रहा है खड़ा होता है और यह अच्छे से दिखाया गया है। फिल्म में कुछ तालियां बजाने योग्य दृश्य भी हैं, लेकिन सबसे अच्छा हिंसा अंतिम सचात्म दृश्य था। अनंत विजय जोशी, सरिता जोशी, विकास द्विवेदी और अंशुमान पुष्कर अपनी भूमिकाओं को में बहुत ही अच्छे लगते हैं। कुल मिलाकर यह मूवी बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलती है। कुछ लोग बात कर रहे थे इस मूवी की देखने की, तो बता दें यह मूवी अभी आपको OTT पे देखने को मिल जाएगी या डिजी पर हॉटस्टार पे सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को आपको मूवी मिल जाएगी। इस मूवी को आप इसे बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बेहतरीन है क्योंकि इस मूवी की रेटिंग मिली IMDb से 10/9.2 की
और रोटेन टमाटो की तरफ से 90% की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 94% की लाइक मिली हुई है। तो आज की वीडियो में एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं, जो कि इस समय बहुत ही चर्चा में बनी हुई है, जिसका नाम है 12th Fail। तो आज की वीडियो में इस मूवी की स्टोरी, मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, मूवी कैसी है, ये सारी बातें हम करने वाले हैं आज के वीडियो में और मूवी का रिव्यू भी करने वाले हैं। बात करते हैं इस मूवी की, तो 12th Fail यानी 12th Fail 2023 में आई थी और यह हिंदी भाषा की ओरिजिनल जीवनी पर आधारित ड्रामा मूवी थी, जिसका निर्देशन, निर्माण और लेखन वधु विनोद चोपड़ा ने किया है और यह कुमार मनोज कुमार शर्मा की वास्तविक जीवन की कहानी के बारे में है, जो कि अनुराग पाठक की संभावनीस की अनाम गैर काल्पनिक किताब पर आधारित है, जिन्होंने भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी बनने के लिए अत्यधिक गरीबी पर काबू पाया। फिल्म में विक्रांत मेसी मुख्य भूमिका में, उनके साथ मेघा शंकर, अनंत वी जोशी, अंशुमान पुष्कर और प्रियांशु चटर्जी देखने को मिलते हैं। शुरू में मूवी कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था इस मूवी ने, लेकिन कुछ समय बाद यह धीरे धीरे इसकी पॉपुलरिटी बढ़ती गई, जहां इस मूवी का बजट था सिर्फ 20 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 4 करोड़ तक की कमाई कर ली है और आगे यह कमाई करती जा रही है। 27 अक्टूबर 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और 12th Fail को आलोचन से प्रशंसा, सकारात्मक प्रशंसा मिली और एक स्लीपर हिट के रूप में यह मूवी उभरी, जिसने 20 करोड़ के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 4 करोड़ की कमाई की। 69वें फिल्म पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सहित 12 नामांकन प्राप्त हुए। कहानी की बात करें तो 12th Fail यानी 12th Fail एक IPS अधिकारी मनोज कुमार शर्मा के जीवन में सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। मनोज कुमार शर्मा विक्रांत मेसी, जो कि होते जंगल में रहने वाले गरीब परिवार से होते हैं, अपने काम से ईमानदार होने के कारण मनोज के पिता को निलंबित कर दिया जाता है। मनोज एक स्कूल में पढ़ता है जहाँ उसका ध्यान अपैतृक छात्रों को परीक्षा के दौरान कदाचार में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है, यानी चीटिंग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। DSP दुष्यंत प्रियांशु चटर्जी जो के होते हैं, उसे हॉस्टल को गिरफ्तार कर लेता है। मनोज को समझाता है कि जीवन में ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। दुष्यंत की बातों से मनोज प्रेरित हो जाते हैं और उन्हें विश्वास होने लगता है कि ईमानदारी की एक ईमानदार अधिकारी समाज में बदलाव ला सकता है। कैसे सफल हुए मनोज, उसे कई कठिनाइयों से कैसे गुजरना पड़ा, फिल्म इसी बारे में है। अपने कहीं ना कहीं इस मूवी की फिल्म में अभी ट्रेलर आप क्लिप जरूर ही देखी होगी। इस मूवी के प्लस पॉइंट की बात करें तो फिल्म की कहानी शानदार है। 12th Fail जैसी फिल्मों के लिए पाठकथा लिखना आसान काम नहीं है, क्योंकि किसी विषय पर कई फिल्में आ चुकी हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि कथा अत्यधिक आकर्षक हो। विधु मनोज चोपड़ा से कुशलतापूर्वक एक ऐसी कहानी पेश करते हैं जो मज़ेदार और भावनात्मक पहलुओं का मिश्रण है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि फिल्म में अच्छी संख्या में संतुष्टिदायक क्षण हों। विक्रांत मिश्री मनोज कुमार शर्मा के रूप में शानदार लगते हैं और उनका संजीदा अभिनय फिल्म की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। विक्रांत मिश्री सहजता से मनोज के किरदारों में ढल गए और फिल्म में अपना ए गेम लेकर आए। 12th Fail जिस जैसी बायोपिक्स अभिनेताओं के लिए चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि उसमें संदर्भ सीमित होंगे और अगर प्रदर्शन अच्छा नहीं होता तो चीज़ें गलत हो सकती हैं, लेकिन विक्रांत मेसी हर तरह से हमारा ध्यान खींचते हैं और यह वास्तव में उनके लिए एक गेम चेंजर फिल्म है। विक्रांत मेसी को मेघा शंकर का अच्छा साथ मिला है और वास्तविक जीवन का यह जोड़ा किस तरह हर दुख में एक दूसरे के लिए खड़ा होता है और यह अच्छे से दिखाया गया है। फिल्म में कुछ तालियां बजाने योग्य दृश्य भी हैं, लेकिन सबसे अच्छा हिंसा अंतिम सचात्म दृश्य था। अनंत विजय जोशी, सरिता जोशी, विकास द्विवेकीर्ति और अंशुमान पुष्कर अपनी भूमिकाओं को में बहुत ही अच्छे लगते हैं। कुल मिलाकर यह मूवी बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलती है। कुछ लोग बात कर रहे थे इस मूवी देखने की, तो बता दें यह मूवी अभी आपको OTT पे देखने को मिल जाएगी या डिजी पर हॉटस्टार पे सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को आपको मूवी मिल जाएगी। इस मूवी को आप इसे पास से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बेहतरीन है, क्योंकि इस मूवी की रेटिंग मिली IMDb से 10/9.2 की और रोटेन टमाटो की तरफ से 90% की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 94% की लाइक मिली हुई है। तो आज की वीडियो में एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं, जो कि इस समय बहुत ही चर्चा में बनी हुई है, जिसका नाम है 12th Fail। तो आज की वीडियो में इस मूवी की स्टोरी, मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, मूवी कैसी है, ये सारी बातें हम करने वाले हैं आज के वीडियो में और मूवी का रिव्यू भी करने वाले हैं। बात करते हैं इस मूवी की, तो 12th Fail यानी 12th Fail 2023 में आई थी और यह हिंदी भाषा की ओरिजिनल जीवनी पर आधारित ड्रामा मूवी थी, जिसका निर्देशन, निर्माण और लेखन वधु विनोद चोपड़ा ने किया है और यह कुमार मनोज कुमार शर्मा की वास्तविक जीवन की कहानी के बारे में है, जो कि अनुराग पाठक की संभावनीस की अनाम गैर काल्पनिक किताब पर आधारित है, जिन्होंने भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी बनने के लिए अत्यधिक गरीबी पर काबू पाया। फिल्म में विक्रांत मेसी मुख्य भूमिका में, उनके साथ मेघा शंकर, अनंत वी जोशी, अंशुमान पुष्कर और प्रियांशु चटर्जी देखने को मिलते हैं। शुरू में मूवी कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था इस मूवी ने, लेकिन
कुछ समय बाद यह धीरे धीरे इसकी पॉपुलरिटी बढ़ती गई, जहां इसमें कवर था सिर्फ 20 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 66 करोड़ तक की कमाई कर ली है और आगे यह कमाई करती जा रही है। 27 अक्टूबर 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और 12वीं फेल को आलोचन से प्रशंसा सकारात्मक प्रशंसा मिली और एक स्लीपर हिट के रूप में यह मूवी उभरी, जिसने 20 करोड़ के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 66 करोड़ की कमाई की। 69वें फिल्म पर पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सहित 12 नामांकन प्राप्त हुए। कहानी की बात करें तो 12वीं फेल यानी 12 फेल एक IPS अधिकारी मनोज कुमार शर्मा के जीवन में सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। मनोज कुमार शर्मा विक्रांत मेसी जो कि होते जम्मू में रहने वाले गरीब परिवार से होते हैं। अपने काम से ईमानदार होने के कारण मनोज के पिता को निलंबित कर दिया जाता है। मनोज एक स्कूल में पढ़ता है जहाँ उसका ध्यान अपैतृक छात्रों को परीक्षा के दौरान कदाचार में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है, यानी चीटिंग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। DSP दुष्यंत प्रियांशु चटर्जी जो के होते हैं वो सेरे आस्टर को गिरफ्तार कर लेता है। मनोज को समझाता है कि जीवन में ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। दुष्यंत की बातों से मनोज प्रेरित हो जाते हैं और उन्हें विश्वास होने लगता है कि ईमानदारी कि एक ईमानदार अधिकारी समाज में बदलाव ला सकता है। कैसे सफल हुए मनोज, उसे कई कठिनाइयों से कैसे गुजरना पड़ा, फिल्म इसी बारे में है। अपने कहीं ना कहीं इस मूवी की फिल्म या ट्रेलर या क्लिप जरूर ही देखी होगी। इस मूवी के प्लस पॉइंट की बात करें तो फिल्म की कहानी शानदार है। 12 फेल जैसी फिल्मों के लिए पाठकथा लिखना आसान काम नहीं है क्योंकि किसी विषय पर कई फिल्में आ चुकी हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि कथा अत्यधिक आकर्षक हो। विधु मनोज चोपड़ा से कुशलतापूर्वक एक ऐसी कहानी पेश करते हैं जो मज़ेदार और भावनात्मक पहलुओं का मिश्रण है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि फिल्म में अच्छी संख्या में संतुष्टिदायक क्षण हों। विक्रांत मिश्री मनोज कुमार शर्मा के रूप में शानदार लगते हैं और उनका संजीदा अभिनय फिल्म की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। विक्रांत मिश्री सहजता से मनोज के किरदारों में ढल गए और फिल्म में अपना ए गेम लेकर आए। 12वीं फेल जिस जैसी बायोपिक्स अभिनेताओं के लिए चुनौतीपूर्ण है क्योंकि उसमें संदर्भ सीमित होंगे और अगर प्रदर्शन अच्छा नहीं होता तो चीज़ें गलत हो सकती हैं, लेकिन विक्रांत मेसी हर तरह से हमारा ध्यान खींचते हैं और यह वास्तव में उनके लिए एक गेम चेंजर फिल्म है। विक्रांत मेसी को मेघा शंकर का अच्छा साथ मिला है और वास्तविक जीवन का यह जोड़ा किस तरह हर दुख में एक दूसरे के लिए खड़ा होता है और यह अच्छे से दिखाया गया है। फिल्म में कुछ तालियां बजाने योग्य दृश्य भी हैं, लेकिन सबसे अच्छा हिंसा अंतिम सचात्म दृश्य था। अनंत विजय जोशी, सरिता जोशी, विकास द्विवेकीर्ति और अंशुमान पुष्कर अपनी भूमिकाओं को में बहुत ही अच्छे लगते हैं। कुल मिलाकर यह मूवी बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलती है। कुछ लोग बात कर रहे थे इस मूवी देखने की, तो बता दें यह मूवी अभी आपको OTT पे देखने को मिल जाएगी या डिजी पर हॉटस्टार पे सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को आपको मूवी मिल जाएगी। इस मूवी को आप इसे बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बेहतरीन है क्योंकि इस मूवी की रेटिंग मिली IMDb से 10/9.2 की और रोटेन टमाटो की तरफ से 90% की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 94% की लाइक मिली हुई है। तो आज की वीडियो में एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं, जो कि इस समय बहुत ही चर्चा में बनी हुई है, जिसका नाम है 12th फेल। तो आज की वीडियो में इस मूवी की स्टोरी, मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, मूवी कैसी है, सारी बातें हम करने वाले हैं आज के वीडियो में और मूवी का रिव्यू भी करने वाले हैं। बात करते हैं इस मूवी की, तो 12वीं फेल यानी 12th फेल 2023 में आई थी और यह हिंदी भाषा की ओरिजिनल जीवनी पर आधारित ड्रामा मूवी थी जिसका निर्देशन निर्माण और लेखन वधु विनोद चोपड़ा ने किया है और यह कुमार मनोज कुमार शर्मा की वास्तविक जीवन की कहानी के बारे में है, जो कि अनुराग पाठक की उन्नीस की अनाम गैर काल्पनिक किताब पर आधारित है, जिन्होंने भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी बनने के लिए अत्यधिक गरीबी पर काबू पाया। फिल्म में विक्रांत मेसी मुख्य भूमिका में, उनके साथ मेघा शंकर, अनंत वी जोशी, अंशुमान पुष्कर और प्रियांशु चटर्जी देखने को मिलते हैं। शुरू में मूवी कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था इस मूवी ने, लेकिन कुछ समय बाद यह धीरे धीरे इसकी पॉपुलरिटी बढ़ती गई, जहां इसमें कवर था सिर्फ 20 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 66 करोड़ तक की कमाई कर ली है और आगे यह कमाई करती जा रही है। 27 अक्टूबर 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और 12वीं फेल को आलोचन से प्रशंसा सकारात्मक प्रशंसा मिली और एक स्लीपर हिट के रूप में यह मूवी उभरी, जिसने 20 करोड़ के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 66 करोड़ की कमाई की। 69वें फिल्म पर पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सहित 12 नामांकन प्राप्त हुए। कहानी की बात करें तो 12वीं फेल यानी 12 फेल एक IPS अधिकारी मनोज कुमार शर्मा के जीवन में सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। मनोज कुमार शर्मा विक्रांत मेसी जो कि होते जम्मू में रहने वाले गरीब परिवार से होते हैं। अपने काम से ईमानदार होने के कारण मनोज के पिता को निलंबित कर दिया जाता है। मनोज एक स्कूल में पढ़ता है जहाँ उसका ध्यान अपैतृक छात्रों को परीक्षा के दौरान कदाचार में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है, यानी चीटिंग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। DSP दुष्यंत प्रियांशु चटर्जी जो के होते हैं वो सेरे आस्टर को गिरफ्तार कर लेता है। मनोज को समझाता है कि जीवन में ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। दुष्यंत की बातों से मनोज प्रेरित हो जाते हैं और
उन्हें विश्वास होने लगता है कि ईमानदारी कि एक ईमानदार अधिकारी समाज में बदलाव ला सकता है। कैसे सफल हुए मनोज, उसे कई कठिनाइयों से कैसे गुजरना पड़ा, फिल्म इसी बारे में है। अपने कहीं ना कहीं इस मूवी की फिल्म या फिर ट्रेलर या फिर क्लिप जरूर ही देखी होगी। इस मूवी के प्लस पॉइंट की बात करें तो फिल्म की कहानी शानदार है। 12th फेल जैसी फिल्मों के लिए पटकथा लिखना आसान काम नहीं है, क्योंकि किसी विषय पर कई फिल्में आ चुकी हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि कथा अत्यधिक आकर्षक हो। विधु मनोज चोपड़ा से कुशलतापूर्वक एक ऐसी कहानी पेश करते हैं जो मज़ेदार और भावनात्मक पहलुओं का मिश्रण है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि फिल्म में अच्छी संख्या में संतुष्टिदायक क्षण हों। विक्रांत मिश्री मनोज कुमार शर्मा के रूप में शानदार लगते हैं और उनका संजीदा अभिनय फिल्म की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। विक्रांत मिश्री सहजता से मनोज के किरदारों में ढल गए और फिल्म में अपना ए गेम लेकर आए। 12th फेल जिस जैसी बायोपिक्स अभिनेताओं के लिए चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि उसमें संदर्भ सीमित होंगे और अगर प्रदर्शन अच्छा नहीं होता तो चीज़ें गलत हो सकती हैं। लेकिन विक्रांत मिश्री हर तरह से हमारा ध्यान खींचते हैं और यह वास्तव में उनके लिए एक गेम चेंजर फिल्म है। विक्रांत मिश्री को मेघा शंकर का अच्छा साथ मिला है और वास्तविक जीवन का यह जोड़ा किस तरह हर दुख में एक दूसरे के लिए खड़ा होता है और यह अच्छे से दिखाया गया है। फिल्म में कुछ तालियां बजाने योग्य दृश्य भी हैं, लेकिन सबसे अच्छा हिंसा अंतिम सचात्म दृश्य था। अनंत विजय जोशी, सरिता जोशी, विकास द्विवेकीर्ति और अंशुमान पुष्कर अपनी भूमिकाओं को में बहुत ही अच्छे लगते हैं। कुल मिलाकर यह मूवी बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलती है। कुछ लोग बात कर रहे थे इस मूवी की देखने की, तो बता दें यह मूवी अभी आपको OTT पे देखने को मिल जाएगी या डिजी पर हॉटस्टार पे सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को आपको मूवी मिल जाएगी। इस मूवी को आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बेहतरीन है, क्योंकि इस मूवी की रेटिंग मिली IMDb से 10/9.2 की और रोटेन टमाटोज से 90% की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 94% की लाइक मिली हुई है। तो आज की वीडियो में एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं, जो कि इस समय बहुत ही चर्चा में बनी हुई है, जिसका नाम है 12th फेल। तो आज की वीडियो में इस मूवी की स्टोरी, मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, मूवी कैसी है, ये सारी बातें हम करने वाले हैं आज के वीडियो में और मूवी का रिव्यू भी करने वाले हैं। बात करते हैं इस मूवी की, तो 12th फेल यानी 12th फेल 2023 में आई थी और यह हिंदी भाषा की ओरिजिनल जीवनी पर आधारित ड्रामा मूवी थी, जिसका निर्देशन, निर्माण और लेखन वधु विनोद चोपड़ा ने किया है और यह कुमार मनोज कुमार शर्मा की वास्तविक जीवन की कहानी के बारे में है, जो कि अनुराग पाठक की सम्भावनीस की अनाम गैर काल्पनिक किताब पर आधारित है, जिन्होंने भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी बनने के लिए अत्यधिक गरीबी पर काबू पाया। फिल्म में विक्रांत मिश्री मुख्य भूमिका में, उनके साथ मेघा शंकर, अनंत वी जोशी, अंशुमान पुष्कर और प्रियांशु चटर्जी देखने को मिलते हैं। शुरू में मूवी कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था इस मूवी ने, लेकिन कुछ समय बाद यह धीरे धीरे इसकी पॉपुलरिटी बढ़ती गई, जहां इस मूवी का बजट था सिर्फ 20 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 4 करोड़ तक की कमाई कर ली है और आगे यह कमाई करती जा रही है। 27 अक्टूबर 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और 12th फेल को आलोचना से प्रशंसा सकारात्मक प्रशंसा मिली और एक स्लीपर हिट के रूप में यह मूवी उभरी, जिसने 20 करोड़ के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 4 करोड़ की कमाई की। 69वें फिल्म पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सहित 12 नामांकन प्राप्त हुए। कहानी की बात करें तो 12th फेल यानी 12th फेल एक IPS अधिकारी मनोज कुमार शर्मा के जीवन में सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। मनोज कुमार शर्मा विक्रांत मिश्री जो कि होते जंगल में रहने वाले गरीब परिवार से होते हैं, अपने काम से ईमानदार होने के कारण मनोज के पिता को निलंबित कर दिया जाता है। मनोज एक स्कूल में पढ़ता है जहाँ उसका ध्यान अपैतृक छात्रों को परीक्षा के दौरान कदाचार में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है, यानी चीटिंग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। DSP दुष्यंत प्रियांशु चटर्जी जो के होते हैं, उसे हॉस्टल को गिरफ्तार कर लेता है। मनोज को समझाता है कि जीवन में ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। दुष्यंत की बातों से मनोज प्रेरित हो जाते हैं और उन्हें विश्वास होने लगता है कि ईमानदारी कि एक ईमानदार अधिकारी समाज में बदलाव ला सकता है। कैसे सफल हुए मनोज, उसे कई कठिनाइयों से कैसे गुजरना पड़ा, फिल्म इसी बारे में है। अपने कहीं ना कहीं इस मूवी की फिल्म या फिर ट्रेलर या फिर क्लिप जरूर ही देखी होगी। इस मूवी के प्लस पॉइंट की बात करें तो फिल्म की कहानी शानदार है। 12th फेल जैसी फिल्मों के लिए पटकथा लिखना आसान काम नहीं है, क्योंकि किसी विषय पर कई फिल्में आ चुकी हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि कथा अत्यधिक आकर्षक हो। विधु मनोज चोपड़ा से कुशलतापूर्वक एक ऐसी कहानी पेश करते हैं जो मज़ेदार और भावनात्मक पहलुओं का मिश्रण है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि फिल्म में अच्छी संख्या में संतुष्टिदायक क्षण हों। विक्रांत मिश्री मनोज कुमार शर्मा के रूप में शानदार लगते हैं और उनका संजीदा अभिनय फिल्म की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। विक्रांत मिश्री सहजता से मनोज के किरदारों में ढल गए और फिल्म में अपना
ए गेम लेकर आए बारहवीं फेल जिस जैसी बायोपिक्स अभिनेताओं के लिए चुनौतीपूर्ण है क्योंकि उसमें संदर्भ सीमित होंगे और अगर प्रदर्शन अच्छा नहीं होता तो चीज़ें गलत हो सकती हैं, लेकिन विक्रांत मेजी हर तरह से हमारा ध्यान खींचते हैं और यह वास्तव में उनके लिए एक गेम चेंजर फिल्म है। विक्रांत मेजी को मेघा शंकर का अच्छा साथ मिला है और वास्तविक जीवन का यह जोड़ा किस तरह हर दुख में एक दूसरे के लिए खड़ा होता है और यह अच्छे से दिखाया गया है। फिल्म में कुछ तालियां बजाने योग्य दृश्य भी हैं, लेकिन सबसे अच्छा हिंसा अंतिम सचातम दृश्य था। अनंत विजय जोशी, सरिता जोशी, विकास द्विवेकीर्ति और अंशुमान पुष्कर अपनी भूमिकाओं को में बहुत ही अच्छे लगते हैं। कुल मिलाकर यह मूवी बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलती है। कुछ लोग बात कर रहे थे इस मूवी देखने की, तो बता दें यह मूवी अभी आपको OTT पे देखने को मिल जाएगी या डिजी पर हॉटस्टार पे सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को आपको मूवी मिल जाएगी। इस मूवी को आप इसे बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बेहतरीन है क्योंकि इस मूवी की रेटिंग मिली IMDb से 10/9.2 की और रोटेन टमाटोज से 90% की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 94% की लाइक मिली हुई है। तो आज की वीडियो में एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं, जो कि इस समय बहुत ही चर्चा में बनी हुई है, जिसका नाम है 12th Fail। तो आज की वीडियो में इस मूवी की स्टोरी, मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, मूवी कैसी है, सारी बातें हम करने वाले हैं आज के वीडियो में और मूवी का रिव्यू भी करने वाले हैं। बात करते हैं इस मूवी की, तो 12th Fail यानी 12th Fail 2023 में आई थी और यह हिंदी भाषा की ओरिजिनल जीवनी पर आधारित ड्रामा मूवी थी जिसका निर्देशन, निर्माण और लेखन वधु विनोद चोपड़ा ने किया है और यह कुमार मनोज कुमार शर्मा की वास्तविक जीवन की कहानी के बारे में है, जो कि अनुराग पाठक की संभावनीस की अनाम गैर काल्पनिक किताब पर आधारित है, जिन्होंने भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी बनने के लिए अत्यधिक गरीबी पर काबू पाया। फिल्म में विक्रांत मेजी मुख्य भूमिका में, उनके साथ मेघा शंकर, अनंत वी जोशी, अंशुमान पुष्कर और प्रियांशु चटर्जी देखने को मिलते हैं। शुरू में मूवी कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था इस मूवी ने, लेकिन कुछ समय बाद यह धीरे धीरे इसकी पॉपुलरिटी बढ़ती गई, जहां इस मूवी का बजट था सिर्फ 20 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 66 करोड़ तक की कमाई कर ली है और आगे यह कमाई करती जा रही है। 27 अक्टूबर 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और 12th Fail को आलोचन से प्रशंसा सकारात्मक प्रशंसा मिली और एक स्लीपर हिट के रूप में यह मूवी उभरी, जिसने 20 करोड़ के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 66 करोड़ की कमाई की। 69वें फिल्म पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सहित 12 नामांकन प्राप्त हुए। कहानी की बात करें तो 12th Fail यानी 12th Fail एक IPS अधिकारी मनोज कुमार शर्मा के जीवन में सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। मनोज कुमार शर्मा विक्रांत मेसी जो कि होते जम्मू में रहने वाले गरीब परिवार से होते हैं। अपने काम से ईमानदार होने के कारण मनोज के पिता को निलंबित कर दिया जाता है। मनोज एक स्कूल में पढ़ता है जहाँ उसका ध्यानापैतिक छात्रों को परीक्षा के दौरान कदाचार में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है, यानी चीटिंग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। DSP दुष्यंत प्रियांशु चटर्जी जो के होते हैं वो सेरे आस्टर को गिरफ्तार कर लेता है। मनोज को समझाता है कि जीवन में ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। दुष्यंत की बातों से मनोज प्रेरित हो जाते हैं और उन्हें विश्वास होने लगता है कि ईमानदारी की एक ईमानदार अधिकारी समाज में बदलाव ला सकता है। कैसे सफल हुए मनोज, उसे कई कठिनाइयों से कैसे गुजरना पड़ा, फिल्म इसी बारे में है। अपने कहीं ना कहीं इस मूवी की फिल्म या ट्रेलर या क्लिप जरूर ही देखी होगी। इस मूवी के प्लस पॉइंट की बात करें तो फिल्म की कहानी शानदार है। 12th Fail जैसी फिल्मों के लिए पाठकथा लिखना आसान काम नहीं है क्योंकि किसी विषय पर कई फिल्में आ चुकी हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि कथा अत्यधिक आकर्षक हो। विधु मनोज चोपड़ा से कुशलतापूर्वक एक ऐसी कहानी पेश करते हैं जो मज़ेदार और भावनात्मक पहलुओं का मिश्रण है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि फिल्म में अच्छी संख्या में संतुष्टिदायक क्षण हों। विक्रांत मेसी मनोज कुमार शर्मा के रूप में शानदार लगते हैं और उनका संजीदा अभिनय फिल्म की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। विक्रांत मेसी सहजता से मनोज के किरदारों में ढल गए और फिल्म में अपना ए गेम लेकर आए। 12th Fail जिस जैसी बायोपिक्स अभिनेताओं के लिए चुनौतीपूर्ण है क्योंकि उसमें संदर्भ सीमित होंगे और अगर प्रदर्शन अच्छा नहीं होता तो चीज़ें गलत हो सकती हैं, लेकिन विक्रांत मेजी हर तरह से हमारा ध्यान खींचते हैं और यह वास्तव में उनके लिए एक गेम चेंजर फिल्म है। विक्रांत मेजी को मेघा शंकर का अच्छा साथ मिला है और वास्तविक जीवन का यह जोड़ा किस तरह हर दुख में एक दूसरे के लिए खड़ा होता है और यह अच्छे से दिखाया गया है। फिल्म में कुछ तालियां बजाने योग्य दृश्य भी हैं, लेकिन सबसे अच्छा हिंसा अंतिम सचातम दृश्य था। अनंत विजय जोशी, सरिता जोशी, विकास द्विवेकीर्ति और अंशुमान पुष्कर अपनी भूमिकाओं को में बहुत ही अच्छे लगते हैं। कुल मिलाकर यह मूवी बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलती है। कुछ लोग बात कर रहे थे इस मूवी देखने की, तो बता दें यह मूवी अभी आपको OTT पे देखने को मिल जाएगी या डिजी पर हॉटस्टार पे सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को आपको मूवी मिल जाएगी। इस मूवी को आप इसे बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बेहतरीन है क्योंकि इस मूवी की रेटिंग मिली IMDb से 10/9.2 की
और रोटेन टमाटोज की तरफ से 90% की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 94% की लाइक मिली हुई है। तो आज की वीडियो में एक ऐसे मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं, जो कि इस समय बहुत ही चर्चा में बनी हुई है, जिसका नाम है 12th Fail। तो आज की वीडियो में इस मूवी की स्टोरी, मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, मूवी कैसी है, सारी बातें हम करने वाले हैं आज के वीडियो में और मूवी का रिव्यू भी करने वाले हैं। बात करते हैं इस मूवी की, तो 12th Fail यानी 2023 में आई थी और यह हिंदी भाषा की ओरिजिनल जीवनी पर आधारित ड्रामा मूवी थी, जिसका निर्देशन, निर्माण और लेखन वधु विनोद चोपड़ा ने किया है और यह कुमार मनोज कुमार शर्मा की वास्तविक जीवन की कहानी के बारे में है, जो कि अनुराग पाठक की उन्नीस की अनाम गैर काल्पनिक किताब पर आधारित है, जिन्होंने भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी बनने के लिए अत्यधिक गरीबी पर काबू पाया। फिल्म में विक्रांत मेसी मुख्य भूमिका में, उनके साथ मेघा शंकर, आनंद वी जोशी, अंशुमान पुष्कर और प्रियांशु चटर्जी देखने को मिलते हैं। शुरू में यह मूवी कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था इस मूवी ने, लेकिन कुछ समय बाद यह धीरे धीरे इसकी पॉपुलरिटी बढ़ती गई, जहां इस मूवी का बजट था सिर्फ 20 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 66 करोड़ तक की कमाई कर ली है और आगे यह कमाई करती जा रही है। 27 अक्टूबर 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और 12th Fail को आलोचना से प्रशंसा, सकारात्मक प्रशंसा मिली और एक स्लीपर हिट के रूप में यह मूवी उभरी, जिसने 20 करोड़ के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 66 करोड़ की कमाई की। 69वें फिल्म पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सहित 12 नामांकन प्राप्त हुए। कहानी की बात करें तो 12th Fail यानी 12th Fail एक IPS अधिकारी मनोज कुमार शर्मा के जीवन में सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। मनोज कुमार शर्मा विक्रांत मेसी जो कि होते जंगल में रहने वाले गरीब परिवार से होते हैं। अपने काम से ईमानदार होने के कारण मनोज के पिता को निलंबित कर दिया जाता है। मनोज एक स्कूल में पढ़ता है जहाँ उसका ध्यान अपहृत छात्रों को परीक्षा के दौरान कदाचार में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है, यानी चीटिंग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। DSP दुष्यंत प्रियांशु चटर्जी जो के होते हैं, वो सेरे आस्टर को गिरफ्तार कर लेता है। मनोज को समझाता है कि जीवन में ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। दुष्यंत की बातों से मनोज प्रेरित हो जाते हैं और उन्हें विश्वास होने लगता है कि ईमानदारी की एक ईमानदार अधिकारी समाज में बदलाव ला सकता है। कैसे सफल हुए मनोज, उसे कई कठिनाइयों से कैसे गुजरना पड़ा, फिल्म इसी बारे में है। अपने कहीं ना कहीं इस मूवी की फिल्म या ट्रेलर या क्लिप जरूर ही देखी होगी। इस मूवी के प्लस पॉइंट की बात करें तो फिल्म की कहानी शानदार है। 12th Fail जैसी फिल्मों के लिए पटकथा लिखना आसान काम नहीं है, क्योंकि किसी विषय पर कई फिल्में आ चुकी हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि कथा अत्यधिक आकर्षक हो। विधु मनोज चोपड़ा से कुशलतापूर्वक एक ऐसी कहानी पेश करते हैं जो मज़ेदार और भावनात्मक पहलुओं का मिश्रण है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि फिल्म में अच्छी संख्या में संतुष्टिदायक क्षण हों। विक्रांत मेसी मनोज कुमार शर्मा के रूप में शानदार लगते हैं और उनका संजीदा अभिनय फिल्म की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। विक्रांत मेसी सहजता से मनोज के किरदारों में ढल गए और फिल्म में अपना ए गेम लेकर आए। 12th Fail जिस जैसी बायोपिक्स अभिनेताओं के लिए चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि उसमें संदर्भ सीमित होंगे और अगर प्रदर्शन अच्छा नहीं होता तो चीज़ें गलत हो सकती हैं, लेकिन विक्रांत मेसी हर तरह से हमारा ध्यान खींचते हैं और यह वास्तव में उनके लिए एक गेम चेंजर फिल्म है। विक्रांत मेसी को मेघा शंकर का अच्छा साथ मिला है और वास्तविक जीवन का यह जोड़ा किस तरह हर दुख में एक दूसरे के लिए खड़ा होता है और यह अच्छे से दिखाया गया है। फिल्म में कुछ तालियां बजाने योग्य दृश्य भी हैं, लेकिन सबसे अच्छा हिंसा अंतिम सचात्म दृश्य था। अनंत विजय जोशी, सरिता जोशी, विकास द्विवेकीर्ति और अंशुमान पुष्कर अपनी भूमिकाओं को में बहुत ही अच्छे लगते हैं। कुल मिलाकर यह मूवी बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलती है। कुछ लोग बात कर रहे थे इस मूवी की देखने की, तो बता दें यह मूवी अभी आपको OTT पे देखने को मिल जाएगी या Disney+ Hotstar पे सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को आपको मूवी मिल जाएगी। इस मूवी को आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बेहतरीन है, क्योंकि इस मूवी की रेटिंग मिली IMDb से 10/9.2 की और रोटेन टमाटोज की तरफ से 90% की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 94% की लाइक मिली हुई है। तो आज की वीडियो में एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं, जो कि इस समय बहुत ही चर्चा में बनी हुई है, जिसका नाम है 12th Fail। तो आज की वीडियो में इस मूवी की स्टोरी, मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, मूवी कैसी है, सारी बातें हम करने वाले हैं आज के वीडियो में और मूवी का रिव्यू भी करने वाले हैं। बात करते हैं इस मूवी की, तो 12th Fail यानी 12th Fail 2023 में आई थी और यह हिंदी भाषा की ओरिजिनल जीवनी पर आधारित ड्रामा मूवी थी, जिसका निर्देशन, निर्माण और लेखन वधु विनोद चोपड़ा ने किया है और यह कुमार मनोज कुमार शर्मा की वास्तविक जीवन की कहानी के बारे में है, जो कि अनुराग पाठक की 1919 की अनाम गैर काल्पनिक किताब पर आधारित है, जिन्होंने भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी बनने के लिए अत्यधिक गरीबी पर काबू पाया। फिल्म में विक्रांत मेसी मुख्य भूमिका में, उनके साथ मेघा शंकर, आनंद वी जोशी, अंशुमान पुष्कर और प्रियांशु चटर्जी देखने को मिलते हैं। शुरू में यह मूवी कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था इस मूवी ने, लेकिन
कुछ समय बाद यह धीरे धीरे इसकी पॉपुलरिटी बढ़ती गई, जहां इसमें कवर था सिर्फ 20 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 4 करोड़ तक की कमाई कर ली है और आगे यह कमाई करती जा रही है। 27 अक्टूबर 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और 12वीं फेल को आलोचना से प्रशंसा सकारात्मक प्रशंसा मिली और एक स्लीपर हिट के रूप में यह मूवी उभरी, जिसने 20 करोड़ के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 4 करोड़ की कमाई की। 69वें फिल्म पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सहित 12 नामांकन प्राप्त हुए। कहानी की बात करें तो 12वीं फेल यानी 12 फेल एक IPS अधिकारी मनोज कुमार शर्मा के जीवन में सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। मनोज कुमार शर्मा विक्रांत मेसी जो कि होते जंगल में रहने वाले गरीब परिवार से होते हैं। अपने काम से ईमानदार होने के कारण मनोज के पिता को निलंबित कर दिया जाता है। मनोज एक स्कूल में पढ़ता है जहाँ उसका ध्यान अपैतृक छात्रों को परीक्षा के दौरान कदाचार में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है, यानी चीटिंग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। DSP दुष्यंत प्रियांशु चटर्जी जो के होते हैं उसे हॉस्टल को गिरफ्तार कर लेता है। मनोज को समझाता है कि जीवन में ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। दुष्यंत की बातों से मनोज प्रेरित हो जाते हैं और उन्हें विश्वास होने लगता है कि ईमानदारी की एक ईमानदार अधिकारी समाज में बदलाव ला सकता है। कैसे सफल हुए मनोज, उसे कई कठिनाइयों से कैसे गुजरना पड़ा, फिल्म इसी बारे में है। अपने कहीं ना कहीं इस मूवी की फिल्म में अभी ट्रेलर आप क्लिप जरूर ही देखी होगी। इस मूवी के प्लस पॉइंट की बात करें तो फिल्म की कहानी शानदार है। 12 फेल जैसी फिल्मों के लिए पाठकथा लिखना आसान काम नहीं है क्योंकि किसी विषय पर कई फिल्में आ चुकी हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि कथा अत्यधिक आकर्षक हो। विधु मनोज चोपड़ा से कुशलतापूर्वक एक ऐसी कहानी पेश करते हैं जो मज़ेदार और भावनात्मक पहलुओं का मिश्रण है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि फिल्म में अच्छी संख्या में संतुष्टिदायक क्षण हो। विक्रांत मिश्री मनोज कुमार शर्मा के रूप में शानदार लगते हैं और उनका संजीदा अभिनय फिल्म की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। विक्रांत मिश्री सहजता से मनोज के किरदारों में ढल गए और फिल्म में अपना ए गेम लेकर आए। 12वीं फेल जिस जैसी बायोपिक्स अभिनेताओं के लिए चुनौतीपूर्ण है क्योंकि उसमें संदर्भ सीमित होंगे और अगर प्रदर्शन अच्छा नहीं होता तो चीज़ें गलत हो सकती हैं, लेकिन विक्रांत मेसी हर तरह से हमारा ध्यान खींचते हैं और यह वास्तव में उनके लिए एक गेम चेंजर फिल्म है। विक्रांत मेसी को मेघा शंकर का अच्छा साथ मिला है और वास्तविक जीवन का यह जोड़ा किस तरह हर दुख में एक दूसरे के लिए खड़ा होता है और यह अच्छे से दिखाया गया है। फिल्म में कुछ तालियां बजाने योग्य दृश्य भी हैं, लेकिन सबसे अच्छा हिंसा अंतिम सचात्म दृश्य था। अनंत विजय जोशी, सरिता जोशी, विकास द्विवेकीर्ति और अंशुमान पुष्कर अपनी भूमिकाओं को में बहुत ही अच्छे लगते हैं। कुल मिलाकर यह मूवी बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलती है। कुछ लोग बात कर रहे थे इस मूवी देखने की, तो बता दें यह मूवी अभी आपको OTT पे देखने को मिल जाएगी या डिजी पर हॉटस्टार पे सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को आपको मूवी मिल जाएगी। इस मूवी को आप इसे बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बेहतरीन है क्योंकि इस मूवी की रेटिंग मिली IMDb से 10/9.2 की और रोटेन टमाटोज की तरफ से 90% की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 94% की लाइक मिली हुई है। तो आज की वीडियो में एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं जो कि इस समय बहुत ही चर्चा में बनी हुई है, जिसका नाम है 12th Fail। तो आज की वीडियो में इस मूवी की स्टोरी, मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, मूवी कैसी है, सारी बातें हम करने वाले हैं आज के वीडियो में और मूवी का रिव्यू भी करने वाले हैं। बात करते हैं इस मूवी की, तो 12वीं फेल यानी 12th Fail 2023 में आई थी और यह हिंदी भाषा की ओरिजिनल जीवनी पर आधारित ड्रामा मूवी थी जिसका निर्देशन, निर्माण और लेखन वधु विनोद चोपड़ा ने किया है और यह कुमार मनोज कुमार शर्मा की वास्तविक जीवन की कहानी के बारे में है जो कि अनुराग पाठक की संभावनी की अनाम गैर काल्पनिक किताब पर आधारित है, जिन्होंने भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी बनने के लिए अत्यधिक गरीबी पर काबू पाया। फिल्म में विक्रांत मेसी मुख्य भूमिका में, उनके साथ मेघा शंकर, अनंत वी जोशी, अंशुमान पुष्कर और प्रियांशु चटर्जी देखने को मिलते हैं। शुरू में मूवी कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था इस मूवी ने, लेकिन कुछ समय बाद यह धीरे धीरे इसकी पॉपुलरिटी बढ़ती गई, जहां इसमें कवर था सिर्फ 20 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 4 करोड़ तक की कमाई कर ली है और आगे यह कमाई करती जा रही है। 27 अक्टूबर 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और 12वीं फेल को आलोचना से प्रशंसा सकारात्मक प्रशंसा मिली और एक स्लीपर हिट के रूप में यह मूवी उभरी, जिसने 20 करोड़ के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 4 करोड़ की कमाई की। 69वें फिल्म पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सहित 12 नामांकन प्राप्त हुए। कहानी की बात करें तो 12वीं फेल यानी 12 फेल एक IPS अधिकारी मनोज कुमार शर्मा के जीवन में सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। मनोज कुमार शर्मा विक्रांत मेसी जो कि होते जंगल में रहने वाले गरीब परिवार से होते हैं। अपने काम से ईमानदार होने के कारण मनोज के पिता को निलंबित कर दिया जाता है। मनोज एक स्कूल में पढ़ता है जहाँ उसका ध्यान अपैतृक छात्रों को परीक्षा के दौरान कदाचार में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है, यानी चीटिंग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। DSP दुष्यंत प्रियांशु चटर्जी जो के होते हैं उसे हॉस्टल को गिरफ्तार कर लेता है। मनोज को समझाता है कि जीवन में ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। दुष्यंत की बातों से मनोज प्रेरित हो जाते हैं और
उन्हें विश्वास होने लगता है कि ईमानदारी कि एक ईमानदार अधिकारी समाज में बदलाव ला सकता है। कैसे सफल हुए मनोज, उसे कई कठिनाइयों से कैसे गुजरना पड़ा, फिल्म इसी बारे में है। अपने कहीं ना कहीं इस मूवी की फिल्म या फिर ट्रेलर या फिर क्लिप जरूर ही देखी होगी। इस मूवी के प्लस पॉइंट की बात करें तो फिल्म की कहानी शानदार है। 12th फेल जैसी फिल्मों के लिए पाठकथा लिखना आसान काम नहीं है, क्योंकि किसी विषय पर कई फिल्में आ चुकी हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि कथा अत्यधिक आकर्षक हो। विधु मनोज चोपड़ा से कुशलतापूर्वक एक ऐसी कहानी पेश करते हैं जो मज़ेदार और भावनात्मक पहलुओं का मिश्रण है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि फिल्म में अच्छी संख्या में संतुष्टिदायक क्षण हों। विक्रांत मिश्री मनोज कुमार शर्मा के रूप में शानदार लगते हैं और उनका संजीदा अभिनय फिल्म की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। विक्रांत मिश्री सहजता से मनोज के किरदारों में ढल गए और फिल्म में अपना ए गेम लेकर आए। 12th फेल जिस जैसी बायोपिक्स अभिनेताओं के लिए चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि उसमें संदर्भ सीमित होंगे और अगर प्रदर्शन अच्छा नहीं होता तो चीज़ें गलत हो सकती हैं। लेकिन विक्रांत मेजी हर तरह से हमारा ध्यान खींचते हैं और यह वास्तव में उनके लिए एक गेम चेंजर फिल्म है। विक्रांत मेजी को मेघा शंकर का अच्छा साथ मिला है और वास्तविक जीवन का यह जोड़ा किस तरह हर दुख में एक दूसरे के लिए खड़ा होता है और यह अच्छे से दिखाया गया है। फिल्म में कुछ तालियां बजाने योग्य दृश्य भी हैं, लेकिन सबसे अच्छा हिंसा अंतिम सचात्म दृश्य था। अनंत विजय जोशी, सरिता जोशी, विकास द्विवेकीर्ति और अंशुमान पुष्कर अपनी भूमिकाओं को में बहुत ही अच्छे लगते हैं। कुल मिलाकर यह मूवी बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलती है। कुछ लोग बात कर रहे थे इस मूवी की देखने की, तो बता दें यह मूवी अभी आपको OTT पे देखने को मिल जाएगी या डिजी पर हॉटस्टार पे सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को आपको मूवी मिल जाएगी। इस मूवी को आप इसे बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बेहतरीन है, क्योंकि इस मूवी की रेटिंग मिली IMDb से 10/9.2 की और रोटेन टमाटो की तरफ से 90% की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 94% की लाइक मिली हुई है। तो आज की वीडियो में एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं, जो कि इस समय बहुत ही चर्चा में बनी हुई है, जिसका नाम है 12th फेल। तो आज की वीडियो में इस मूवी की स्टोरी, मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, मूवी कैसी है, सारी बातें हम करने वाले हैं आज के वीडियो में और मूवी का रिव्यू भी करने वाले हैं। बात करते हैं इस मूवी की, तो 12th फेल यानी 12th फेल 2023 में आई थी और यह हिंदी भाषा की ओरिजिनल जीवनी पर आधारित ड्रामा मूवी थी, जिसका निर्देशन निर्माण और लेखन वधु विनोद चोपड़ा ने किया है और यह कुमार मनोज कुमार शर्मा की वास्तविक जीवन की कहानी के बारे में है, जो कि अनुराग पाठक की 1919 की अनाम गैर काल्पनिक किताब पर आधारित है, जिन्होंने भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी बनने के लिए अत्यधिक गरीबी पर काबू पाया। फिल्म में विक्रांत मेसी मुख्य भूमिकाओं में, उनके साथ मेघा शंकर, अनंत वी जोशी, अंशुमान पुष्कर और प्रियांशु चटर्जी देखने को मिलते हैं। शुरू में मूवी कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था इस मूवी ने, लेकिन कुछ समय बाद यह धीरे धीरे इसकी पॉपुलरिटी बढ़ती गई, जहां इस मूवी का बजट था सिर्फ 20 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 66 करोड़ तक की कमाई कर ली है और आगे यह कमाई करती जा रही है। 27 अक्टूबर 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और 12th फेल को आलोचना से प्रशंसा सकारात्मक प्रशंसा मिली और एक स्लीपर हिट के रूप में यह मूवी उभरी, जिसने 20 करोड़ के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 66 करोड़ की कमाई की। 69वें फिल्म पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सहित 12 नामांकन प्राप्त हुए। कहानी की बात करें तो 12th फेल यानी 12th फेल के IPS अधिकारी मनोज कुमार शर्मा के जीवन में सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। मनोज कुमार शर्मा विक्रांत मेसी जो कि होते जंगल में रहने वाले गरीब परिवार से होते हैं। अपने काम से ईमानदार होने के कारण मनोज के पिता को निलंबित कर दिया जाता है। मनोज एक स्कूल में पढ़ता है जहाँ उसका ध्यान अपहृत छात्रों को परीक्षा के दौरान कदाचार में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है, यानी चीटिंग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। DSP दुष्यंत प्रियांशु चटर्जी जो के होते हैं, वो सेरे आस्टर को गिरफ्तार कर लेता है। मनोज को समझाता है कि जीवन में ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। दुष्यंत की बातों से मनोज प्रेरित हो जाते हैं और उन्हें विश्वास होने लगता है कि ईमानदारी कि एक ईमानदार अधिकारी समाज में बदलाव ला सकता है। कैसे सफल हुए मनोज, उसे कई कठिनाइयों से कैसे गुजरना पड़ा, फिल्म इसी बारे में है। अपने कहीं ना कहीं इस मूवी की फिल्म या फिर ट्रेलर या फिर क्लिप जरूर ही देखी होगी। इस मूवी के प्लस पॉइंट की बात करें तो फिल्म की कहानी शानदार है। 12th फेल जैसी फिल्मों के लिए पाठकथा लिखना आसान काम नहीं है, क्योंकि किसी विषय पर कई फिल्में आ चुकी हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि कथा अत्यधिक आकर्षक हो। विधु मनोज चोपड़ा से कुशलतापूर्वक एक ऐसी कहानी पेश करते हैं जो मज़ेदार और भावनात्मक पहलुओं का मिश्रण है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि फिल्म में अच्छी संख्या में संतुष्टिदायक क्षण हों। विक्रांत मिश्री मनोज कुमार शर्मा के रूप में शानदार लगते हैं और उनका संजीदा अभिनय फिल्म की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। विक्रांत मिश्री सहजता से मनोज के किरदारों में ढल गए और फिल्म में अपना ए गेम लेकर आए। 12th फेल जिस जैसी
बायोपिक्स अभिनेताओं के लिए चुनौतीपूर्ण है क्योंकि उसमें संदर्भ सीमित होंगे और अगर प्रदर्शन अच्छा नहीं होता तो चीज़ें गलत हो सकती हैं, लेकिन विक्रांत मेजी हर तरह से हमारा ध्यान खींचते हैं और यह वास्तव में उनके लिए एक गेम चेंजर फिल्म है। विक्रांत मेजी को मेघा शंकर का अच्छा साथ मिला है और वास्तविक जीवन का यह जोड़ा किस तरह हर दुख में एक दूसरे के लिए खड़ा होता है और यह अच्छे से दिखाया गया है। फिल्म में कुछ तालियां बजाने योग्य दृश्य भी हैं, लेकिन सबसे अच्छा हिंसा अंतिम सचात्म दृश्य था। अनंत विजय जोशी, सरिता जोशी, विकास द्विवेकीर्ति और अंशुमान पुष्कर अपनी भूमिकाओं को में बहुत ही अच्छे लगते हैं। कुल मिलाकर यह मूवी बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलती है। कुछ लोग बात कर रहे थे इस मूवी की देखने की, तो बता दें यह मूवी अभी आपको OTT पे देखने को मिल जाएगी या डिजी पर हॉटस्टार पे सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को आपको मूवी मिल जाएगी। इस मूवी को आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बेहतरीन है क्योंकि इस मूवी की रेटिंग मिली IMDb से 10/9.2 की और रोटेन टमाटोज से 90% की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 94% की लाइक मिली हुई है। तो आज की वीडियो में एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं, जो कि इस समय बहुत ही चर्चा में बनी हुई है, जिसका नाम है 12th Fail। तो आज की वीडियो में इस मूवी की स्टोरी, मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, मूवी कैसी है, ये सारी बातें हम करने वाले हैं आज के वीडियो में और मूवी का रिव्यू भी करने वाले हैं। बात करते हैं इस मूवी की, तो 12th Fail यानी 12th Fail 2023 में आई थी और यह हिंदी भाषा की ओरिजिनल जीवनी पर आधारित ड्रामा मूवी थी जिसका निर्देशन, निर्माण और लेखन वधु विनोद चोपड़ा ने किया है और यह कुमार मनोज कुमार शर्मा की वास्तविक जीवन की कहानी के बारे में है, जो कि अनुराग पाठक की संभावनीस की अनाम गैर काल्पनिक किताब पर आधारित है, जिन्होंने भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी बनने के लिए अत्यधिक गरीबी पर काबू पाया। फिल्म में विक्रांत मेजी मुख्य भूमिका में, उनके साथ मेघा शंकर, अनंत वी जोशी, अंशुमान पुष्कर और प्रियांशु चटर्जी देखने को मिलते हैं। शुरू में मूवी कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था इस मूवी ने, लेकिन कुछ समय बाद यह धीरे धीरे इसकी पॉपुलरिटी बढ़ती गई, जहां इस मूवी का बजट था सिर्फ 20 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 4 करोड़ तक की कमाई कर ली है और आगे यह कमाई करती जा रही है। 27 अक्टूबर 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और 12th Fail को आलोचन से प्रशंसा सकारात्मक प्रशंसा मिली और एक स्लीपर हिट के रूप में यह मूवी उभरी, जिसने 20 करोड़ के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 4 करोड़ की कमाई की। 69वें फिल्म पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सहित 12 नामांकन प्राप्त हुए। कहानी की बात करें तो 12th Fail यानी 12th Fail के IPS अधिकारी मनोज कुमार शर्मा के जीवन में सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। मनोज कुमार शर्मा विक्रांत मेसी जो कि होते जंगल में रहने वाले गरीब परिवार से होते हैं। अपने काम से ईमानदार होने के कारण मनोज के पिता को निलंबित कर दिया जाता है। मनोज एक स्कूल में पढ़ता है जहाँ उसका ध्यान अपैतृक छात्रों को परीक्षा के दौरान कदाचार में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है, यानी चीटिंग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। DSP दुष्यंत प्रियांशु चटर्जी जो के होते हैं, उसे हॉस्टल को गिरफ्तार कर लेता है। मनोज को समझाता है कि जीवन में ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। दुष्यंत की बातों से मनोज प्रेरित हो जाते हैं और उन्हें विश्वास होने लगता है कि ईमानदारी की एक ईमानदार अधिकारी समाज में बदलाव ला सकता है। कैसे सफल हुए मनोज, उसे कई कठिनाइयों से कैसे गुजरना पड़ा, फिल्म इसी बारे में है। अपने कहीं ना कहीं इस मूवी की फिल्म में अभी ट्रेलर आप क्लिप जरूर ही देखी होगी। इस मूवी के प्लस पॉइंट की बात करें तो फिल्म की कहानी शानदार है। 12th Fail जैसी फिल्मों के लिए पाठकथा लिखना आसान काम नहीं है क्योंकि किसी विषय पर कई फिल्में आ चुकी हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि कथा अत्यधिक आकर्षक हो। विधु मनोज चोपड़ा से कुशलतापूर्वक एक ऐसी कहानी पेश करते हैं जो मज़ेदार और भावनात्मक पहलुओं का मिश्रण है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि फिल्म में अच्छी संख्या में संतुष्टिदायक क्षण हों। विक्रांत मेसी मनोज कुमार शर्मा के रूप में शानदार लगते हैं और उनका संजीदा अभिनय फिल्म की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। विक्रांत मेसी सहजता से मनोज के किरदारों में ढल गए और फिल्म में अपना एक गेम लेकर आए। 12th Fail जिस जैसी बायोपिक्स अभिनेताओं के लिए चुनौतीपूर्ण है क्योंकि उसमें संदर्भ सीमित होंगे और अगर प्रदर्शन अच्छा नहीं होता तो चीज़ें गलत हो सकती हैं, लेकिन विक्रांत मेजी हर तरह से हमारा ध्यान खींचते हैं और यह वास्तव में उनके लिए एक गेम चेंजर फिल्म है। विक्रांत मेजी को मेघा शंकर का अच्छा साथ मिला है और वास्तविक जीवन का यह जोड़ा किस तरह हर दुख में एक दूसरे के लिए खड़ा होता है और यह अच्छे से दिखाया गया है। फिल्म में कुछ तालियां बजाने योग्य दृश्य भी हैं, लेकिन सबसे अच्छा हिंसा अंतिम सचात्म दृश्य था। अनंत विजय जोशी, सरिता जोशी, विकास द्विवेकीर्ति और अंशुमान पुष्कर अपनी भूमिकाओं को में बहुत ही अच्छे लगते हैं। कुल मिलाकर यह मूवी बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलती है। कुछ लोग बात कर रहे थे इस मूवी की देखने की, तो बता दें यह मूवी अभी आपको OTT पे देखने को मिल जाएगी या डिजी पर हॉटस्टार पे सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को आपको मूवी मिल जाएगी। इस मूवी को आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बेहतरीन है क्योंकि इस मूवी की रेटिंग मिली IMDb से 10/9.2 की
और रोटेन टमाटोज की तरफ से 90% की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 94% की लाइक मिली हुई है। तो आज की वीडियो में एक ऐसे मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं, जो कि इस समय बहुत ही चर्चा में बनी हुई है, जिसका नाम है 12th Fail। तो आज की वीडियो में इस मूवी की स्टोरी, मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, मूवी कैसी, सारी बातें करने वाले हैं आज के वीडियो में और मूवी का रिव्यू भी करने वाले हैं। बात करते हैं इस मूवी की, तो 12th Fail यानी 12th Fail 2023 में आई थी और यह हिंदी भाषा की ओरिजिनल जीवनी पर आधारित ड्रामा मूवी थी, जिसका निर्देशन, निर्माण और लेखन वधु विनोद चोपड़ा ने किया है और यह कुमार मनोज कुमार शर्मा की वास्तविक जीवन की कहानी के बारे में है, जो कि अनुराग पाठक की संभावनी की अनाम गैर काल्पनिक किताब पर आधारित है, जिन्होंने भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी बनने के लिए अत्यधिक गरीबी पर काबू पाया। फिल्म में विक्रांत मेसी मुख्य भूमिका में, उनके साथ मेघा शंकर, आनंद वी जोशी, अंशुमान पुष्कर और प्रियांशु चटर्जी देखने को मिलते हैं। शुरू में मूवी कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था इस मूवी ने, लेकिन कुछ समय बाद यह धीरे धीरे इसकी पॉपुलरिटी बढ़ती गई, जहां इस मूवी का बजट था सिर्फ 20 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 76 करोड़ तक की कमाई कर ली है और आगे यह कमाई करती जा रही है। 27 अक्टूबर 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और 12th Fail को आलोचन से प्रशंसा, सकारात्मक प्रशंसा मिली और एक स्लीपर हिट के रूप में यह मूवी उभरी, जिसने 20 करोड़ के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 76 करोड़ की कमाई की। 69वें फिल्म पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सहित 12 नामांकन प्राप्त हुए। कहानी की बात करें तो 12th Fail यानी 12th Fail एक IPS अधिकारी मनोज कुमार शर्मा के जीवन में सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। मनोज कुमार शर्मा विक्रांत मेसी जो कि होते जम्मू में रहने वाले गरीब परिवार से होते हैं। अपने काम से ईमानदार होने के कारण मनोज के पिता को निलंबित कर दिया जाता है। मनोज एक स्कूल में पढ़ता है जहाँ उसका ध्यान अपैतृक छात्रों को परीक्षा के दौरान कदाचार में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है, यानी चीटिंग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। DSP दुष्यंत प्रियांशु चटर्जी जो के होते हैं, वो सेरे आस्टर को गिरफ्तार कर लेता है। मनोज को समझाता है कि जीवन में ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। दुष्यंत की बातों से मनोज प्रेरित हो जाते हैं और उन्हें विश्वास होने लगता है कि ईमानदारी कि एक ईमानदार अधिकारी समाज में बदलाव ला सकता है। कैसे सफल हुए मनोज, उसे कई कठिनाइयों से कैसे गुजरना पड़ा, फिल्म इसी बारे में है। अपने कहीं ना कहीं इस मूवी की फिल्म या ट्रेलर या क्लिप जरूर ही देखी होगी। इस मूवी के प्लस पॉइंट की बात करें तो फिल्म की कहानी शानदार है। 12th Fail जैसी फिल्मों के लिए पाठकथा लिखना आसान काम नहीं है, क्योंकि किसी विषय पर कई फिल्में आ चुकी हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि कथा अत्यधिक आकर्षक हो। विधु मनोज चोपड़ा से कुशलतापूर्वक एक ऐसी कहानी पेश करते हैं जो मज़ेदार और भावनात्मक पहलुओं का मिश्रण है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि फिल्म में अच्छी संख्या में संतुष्टिदायक क्षण हों। विक्रांत मिश्री मनोज कुमार शर्मा के रूप में शानदार लगते हैं और उनका संजीदा अभिनय फिल्म की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। विक्रांत मिश्री सहजता से मनोज के किरदारों में ढल गए और फिल्म में अपना ए गेम लेकर आए। 12th Fail जिस जैसी बायोपिक्स अभिनेताओं के लिए चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि उसमें संदर्भ सीमित होंगे और अगर प्रदर्शन अच्छा नहीं होता तो चीज़ें गलत हो सकती हैं, लेकिन विक्रांत मेसी हर तरह से हमारा ध्यान खींचते हैं और यह वास्तव में उनके लिए एक गेम चेंजर फिल्म है। विक्रांत मेसी को मेघा शंकर का अच्छा साथ मिला है और वास्तविक जीवन का यह जोड़ा किस तरह हर दुख में एक दूसरे के लिए खड़ा होता है और यह अच्छे से दिखाया गया है। फिल्म में कुछ तालियां बजाने योग्य दृश्य भी हैं, लेकिन सबसे अच्छा हिंसा अंतिम सचात्म दृश्य था। अनंत विजय जोशी, सरिता जोशी, विकास द्विवेकीर्ति और अंशुमान पुष्कर अपनी भूमिकाओं को में बहुत ही अच्छे लगते हैं। कुल मिलाकर यह मूवी बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलती है। कुछ लोग बात कर रहे थे इस मूवी की देखने की, तो बता दें यह मूवी अभी आपको OTT पे देखने को मिल जाएगी या डिजी पर हॉटस्टार पे सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को आपको मूवी मिल जाएगी। इस मूवी को आप इसे बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बेहतरीन है, क्योंकि इस मूवी की रेटिंग मिली IMDb से 10/9.2 की और रोटेन टमाटोज की तरफ से 90% की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 94% की लाइक मिली हुई है। तो आज की वीडियो में एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं, जो कि इस समय बहुत ही चर्चा में बनी हुई है, जिसका नाम है 12th Fail। तो आज की वीडियो में इस मूवी की स्टोरी, मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, मूवी कैसी, सारी बातें करने वाले हैं आज के वीडियो में और मूवी का रिव्यू भी करने वाले हैं। बात करते हैं इस मूवी की, तो 12th Fail यानी 12th Fail 2023 में आई थी और यह हिंदी भाषा की ओरिजिनल जीवनी पर आधारित ड्रामा मूवी थी, जिसका निर्देशन, निर्माण और लेखन वधु विनोद चोपड़ा ने किया है और यह कुमार मनोज कुमार शर्मा की वास्तविक जीवन की कहानी के बारे में है, जो कि अनुराग पाठक की संभावनी इसकी अनाम गैर काल्पनिक किताब पर आधारित है, जिन्होंने भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी बनने के लिए अत्यधिक गरीबी पर काबू पाया। फिल्म में विक्रांत मेसी मुख्य भूमिका में, उनके साथ मेघा शंकर, आनंद वी जोशी, अंशुमान पुष्कर और प्रियांशु चटर्जी देखने को मिलते हैं। शुरू में मूवी कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था इस मूवी ने, लेकिन
कुछ समय बाद यह धीरे धीरे इसकी पॉपुलरिटी बढ़ती गई, जहां इसमें कवर था सिर्फ 20 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 66 करोड़ तक की कमाई कर ली है और आगे यह कमाई करती जा रही है। 27 अक्टूबर 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और बारहवीं फेल को आलोचना से प्रशंसा सकारात्मक प्रशंसा मिली और एक स्लीपर हिट के रूप में यह मूवी उभरी, जिसने 20 करोड़ के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 66 करोड़ की कमाई की। 69वें फिल्म पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सहित 12 नामांकन प्राप्त हुए। कहानी की बात करें तो 12वीं फेल यानी 12वें फेल एक IPS अधिकारी मनोज कुमार शर्मा के जीवन में सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। मनोज कुमार शर्मा विक्रांत मैसी जो कि होते जंगल में रहने वाले गरीब परिवार से होते हैं। अपने काम से ईमानदार होने के कारण मनोज के पिता को निलंबित कर दिया जाता है। मनोज एक स्कूल में पढ़ता है जहाँ उसका ध्यान अपहृत छात्रों को परीक्षा के दौरान कदाचार में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है, यानी चीटिंग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। DSP दुष्यंत प्रियांशु चटर्जी जो के होते हैं वो सेरे आस्टर को गिरफ्तार कर लेता है। मनोज को समझाता है कि जीवन में ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। दुष्यंत की बातों से मनोज प्रेरित हो जाते हैं और उन्हें विश्वास होने लगता है कि ईमानदारी की एक ईमानदार अधिकारी समाज में बदलाव ला सकता है। कैसे सफल हुए मनोज, उसे कई कठिनाइयों से कैसे गुजरना पड़ा, फिल्म इसी बारे में है। अपने कहीं ना कहीं इस मूवी की फिल्म या ट्रेलर या क्लिप जरूर ही देखी होगी। इस मूवी के प्लस पॉइंट की बात करें तो फिल्म की कहानी शानदार है। 12वें फेल जैसी फिल्मों के लिए पटकथा लिखना आसान काम नहीं है, क्योंकि किसी विषय पर कई फिल्में आ चुकी हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि कथा अत्यधिक आकर्षक हो। विधु मनोज चोपड़ा से कुशलतापूर्वक एक ऐसी कहानी पेश करते हैं जो मज़ेदार और भावनात्मक पहलुओं का मिश्रण है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि फिल्म में अच्छी संख्या में संतुष्टिदायक क्षण हों। विक्रांत मिश्री मनोज कुमार शर्मा के रूप में शानदार लगते हैं और उनका संजीदा अभिनय फिल्म की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। विक्रांत मिश्री सहजता से मनोज के किरदारों में ढल गए और फिल्म में अपना ए गेम लेकर आए। 12वीं फेल जिस जैसी बायोपिक्स अभिनेताओं के लिए चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि उसमें संदर्भ सीमित होंगे और अगर प्रदर्शन अच्छा नहीं होता तो चीज़ें गलत हो सकती हैं, लेकिन विक्रांत मेजी हर तरह से हमारा ध्यान खींचते हैं और यह वास्तव में उनके लिए एक गेम चेंजर फिल्म है। विक्रांत मेजी को मेघा शंकर का अच्छा साथ मिला है और वास्तविक जीवन का यह जोड़ा किस तरह हर दुख में एक दूसरे के लिए खड़ा होता है और यह अच्छे से दिखाया गया है। फिल्म में कुछ तालियां बजाने योग्य दृश्य भी हैं, लेकिन सबसे अच्छा हिंसा अंतिम सचात्म दृश्य था। अनंत विजय जोशी, सरिता जोशी, विकास द्विवेकीर्ति और अंशुमान पुष्कर अपनी भूमिकाओं को में बहुत ही अच्छे लगते हैं। कुल मिलाकर यह मूवी बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलती है। कुछ लोग बात कर रहे थे इस मूवी की देखने की, तो बता दें यह मूवी अभी आपको OTT पे देखने को मिल जाएगी या डिजी पर हॉटस्टार पे सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को आपको मूवी मिल जाएगी। इस मूवी को आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बेहतरीन है, क्योंकि इस मूवी की रेटिंग मिली IMDb से 10/9.2 की और Rotten Tomatoes की तरफ से 90% की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 94% की लाइक मिली हुई है। तो आज की वीडियो में एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं, जो कि इस समय बहुत ही चर्चा में बनी हुई है, जिसका नाम है 12वें फेल। तो आज की वीडियो में इस मूवी की स्टोरी, मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, मूवी कैसी है, ये सारी बातें हम करने वाले हैं आज के वीडियो में और मूवी का रिव्यू भी करने वाले हैं। बात करते हैं इस मूवी की, तो 12वीं फेल यानी 12वें फेल 2023 में आई थी और यह हिंदी भाषा की ओरिजिनल जीवनी पर आधारित ड्रामा मूवी थी, जिसका निर्देशन, निर्माण और लेखन वधु विनोद चोपड़ा ने किया है और यह मनोज कुमार शर्मा की वास्तविक जीवन की कहानी के बारे में है, जो कि अनुराग पाठक की संभावना इसकी अनाम गैर काल्पनिक किताब पर आधारित है, जिन्होंने भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी बनने के लिए अत्यधिक गरीबी पर काबू पाया। फिल्म में विक्रांत मैसी मुख्य भूमिका में, उनके साथ मेघा शंकर, अनंत वी जोशी, अंशुमान पुष्कर और प्रियांशु चटर्जी देखने को मिलते हैं। शुरू में मूवी कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था इस मूवी ने, लेकिन कुछ समय बाद यह धीरे धीरे इसकी पॉपुलरिटी बढ़ती गई, जहां इस मूवी का बजट था सिर्फ 20 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 66 करोड़ तक की कमाई कर ली है और आगे यह कमाई करती जा रही है। 27 अक्टूबर 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और 12वीं फेल को आलोचना से प्रशंसा सकारात्मक प्रशंसा मिली और एक स्लीपर हिट के रूप में यह मूवी उभरी, जिसने 20 करोड़ के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 66 करोड़ की कमाई की। 69वें फिल्म पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सहित 12 नामांकन प्राप्त हुए। कहानी की बात करें तो 12वीं फेल यानी 12वें फेल एक IPS अधिकारी मनोज कुमार शर्मा के जीवन में सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। मनोज कुमार शर्मा विक्रांत मैसी जो कि होते जंगल में रहने वाले गरीब परिवार से होते हैं। अपने काम से ईमानदार होने के कारण मनोज के पिता को निलंबित कर दिया जाता है। मनोज एक स्कूल में पढ़ता है जहाँ उसका ध्यान अपहृत छात्रों को परीक्षा के दौरान कदाचार में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है, यानी चीटिंग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। DSP दुष्यंत प्रियांशु चटर्जी जो के होते हैं वो सेरे आस्टर को गिरफ्तार कर लेता है। मनोज को समझाता है कि जीवन में ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। दुष्यंत की बातों से मनोज प्रेरित हो जाते हैं और
उन्हें विश्वास होने लगता है कि ईमानदारी कि एक ईमानदार अधिकारी समाज में बदलाव ला सकता है। कैसे सफल हुए मनोज, उसे कई कठिनाइयों से कैसे गुजरना पड़ा, फिल्म इसी बारे में है। अपने कहीं ना कहीं इस मूवी की फिल्म या ट्रेलर या फिर क्लिप जरूर ही देखी होगी। इस मूवी के प्लस पॉइंट की बात करें तो फिल्म की कहानी शानदार है। 12 फेल जैसी फिल्मों के लिए पाठकथा लिखना आसान काम नहीं है, क्योंकि किसी विषय पर कई फिल्में आ चुकी हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि कथा अत्यधिक आकर्षक हो। विधु मनोज चोपड़ा से कुशलतापूर्वक एक ऐसी कहानी पेश करते हैं जो मज़ेदार और भावनात्मक पहलुओं का मिश्रण है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि फिल्म में अच्छी संख्या में संतुष्टिदायक क्षण हो। विक्रांत मिश्री मनोज कुमार शर्मा के रूप में शानदार लगते हैं और उनका संजीदा अभिनय फिल्म की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। विक्रांत मिश्री सहजता से मनोज के किरदारों में ढल गए और फिल्म में अपना ए गेम लेकर आए। 12वीं फेल जिस जैसी बायोपिक्स अभिनेताओं के लिए चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि उसमें संदर्भ सीमित होंगे और अगर प्रदर्शन अच्छा नहीं होता तो चीज़ें गलत हो सकती हैं। लेकिन विक्रांत मेजी हर तरह से हमारा ध्यान खींचते हैं और यह वास्तव में उनके लिए एक गेम चेंजर फिल्म है। विक्रांत मेजी को मेघा शंकर का अच्छा साथ मिला है और वास्तविक जीवन का यह जोड़ा किस तरह हर दुख में एक दूसरे के लिए खड़ा होता है और यह अच्छे से दिखाया गया है। फिल्म में कुछ तालियां बजाने योग्य दृश्य भी हैं, लेकिन सबसे अच्छा हिंसा अंतिम सचात्म दृश्य था। अनंत विजय जोशी, सरिता जोशी, विकास द्विवेकीर्ति और अंशुमान पुष्कर अपनी भूमिकाओं को में बहुत ही अच्छे लगते हैं। कुल मिलाकर यह मूवी बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलती है। कुछ लोग बात कर रहे थे इस मूवी देखने की, तो बता दें यह मूवी अभी आपको OTT पे देखने को मिल जाएगी या डिजी पर हॉटस्टार पे सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को आपको मूवी मिल जाएगी। इस मूवी को आप इसे बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बेहतरीन है, क्योंकि इस मूवी की रेटिंग मिली IMDb से 10/9.2 की और रोटेन टमाटोज से 90% की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 94% की लाइक मिली हुई है। तो आज की वीडियो में एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं, जो कि इस समय बहुत ही चर्चा में बनी हुई है, जिसका नाम है 12th Fail। तो आज की वीडियो में इस मूवी की स्टोरी, मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, मूवी कैसी है, सारी बातें हम करने वाले हैं आज के वीडियो में और मूवी का रिव्यू भी करने वाले हैं। बात करते हैं इस मूवी की, तो 12वीं फेल यानी 12th Fail 2023 में आई थी और यह हिंदी भाषा की ओरिजिनल जीवनी पर आधारित ड्रामा मूवी थी, जिसका निर्देशन, निर्माण और लेखन वधु विनोद चोपड़ा ने किया है और यह कुमार मनोज कुमार शर्मा की वास्तविक जीवन की कहानी के बारे में है, जो कि अनुराग पाठक की संभावनीस की अनाम गैर काल्पनिक किताब पर आधारित है, जिन्होंने भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी बनने के लिए अत्यधिक गरीबी पर काबू पाया। फिल्म में विक्रांत मेसी मुख्य भूमिका में, उनके साथ मेघा शंकर, अनंत वी जोशी, अंशुमान पुष्कर और प्रियांशु चटर्जी देखने को मिलते हैं। शुरू में मूवी कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था इस मूवी ने, लेकिन कुछ समय बाद यह धीरे धीरे इसकी पॉपुलरिटी बढ़ती गई, जहां इस मूवी का बजट था सिर्फ 20 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 76 करोड़ तक की कमाई कर ली है और आगे यह कमाई करती जा रही है। 27 अक्टूबर 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और 12वीं फेल को आलोचन से प्रशंसा सकारात्मक प्रशंसा मिली और एक स्लीपर हिट के रूप में यह मूवी उभरी, जिसने 20 करोड़ के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 76 करोड़ की कमाई की। 69वें फिल्म पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सहित 12 नामांकन प्राप्त हुए। कहानी की बात करें तो 12वीं फेल यानी 12th Fail एक IPS अधिकारी मनोज कुमार शर्मा के जीवन में सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। मनोज कुमार शर्मा विक्रांत मेसी जो कि होते जम्मू में रहने वाले गरीब परिवार से होते हैं। अपने काम से ईमानदार होने के कारण मनोज के पिता को निलंबित कर दिया जाता है। मनोज एक स्कूल में पढ़ता है जहाँ उसका ध्यानापैतिक छात्रों को परीक्षा के दौरान कदाचार में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है, यानी चीटिंग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। DSP दुष्यंत प्रियांशु चटर्जी जो के होते हैं, उसे हॉस्टल को गिरफ्तार कर लेता है। मनोज को समझाता है कि जीवन में ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। दुष्यंत की बातों से मनोज प्रेरित हो जाते हैं और उन्हें विश्वास होने लगता है कि ईमानदारी कि एक ईमानदार अधिकारी समाज में बदलाव ला सकता है। कैसे सफल हुए मनोज, उसे कई कठिनाइयों से कैसे गुजरना पड़ा, फिल्म इसी बारे में है। अपने कहीं ना कहीं इस मूवी की फिल्म या फिर ट्रेलर या फिर क्लिप जरूर ही देखी होगी। इस मूवी के प्लस पॉइंट की बात करें तो फिल्म की कहानी शानदार है। 12 फेल जैसी फिल्मों के लिए पाठकथा लिखना आसान काम नहीं है, क्योंकि किसी विषय पर कई फिल्में आ चुकी हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि कथा अत्यधिक आकर्षक हो। विधु मनोज चोपड़ा से कुशलतापूर्वक एक ऐसी कहानी पेश करते हैं जो मज़ेदार और भावनात्मक पहलुओं का मिश्रण है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि फिल्म में अच्छी संख्या में संतुष्टिदायक क्षण हो। विक्रांत मिश्री मनोज कुमार शर्मा के रूप में शानदार लगते हैं और उनका संजीदा अभिनय फिल्म की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। विक्रांत मिश्री सहजता से मनोज के किरदारों में ढल गए और फिल्म में अपना ए गेम लेकर आए। 12वीं फेल जिस जैसी
बायोपिक्स अभिनेताओं के लिए चुनौतीपूर्ण है क्योंकि उसमें संदर्भ सीमित होंगे और अगर प्रदर्शन अच्छा नहीं होता तो चीज़ें गलत हो सकती हैं, लेकिन विक्रांत मेजी हर तरह से हमारा ध्यान खींचते हैं और यह वास्तव में उनके लिए एक गेम चेंजर फिल्म है। विक्रांत मेजी को मेघा शंकर का अच्छा साथ मिला है और वास्तविक जीवन का यह जोड़ा किस तरह हर दुख में एक दूसरे के लिए खड़ा होता है और यह अच्छे से दिखाया गया है। फिल्म में कुछ तालियां बजाने योग्य दृश्य भी हैं, लेकिन सबसे अच्छा हिंसा अंतिम सचात्म दृश्य था। अनंत विजय जोशी, सरिता जोशी, विकास द्विवेदी और अंशुमान पुष्कर अपनी भूमिकाओं को में बहुत ही अच्छे लगते हैं। कुल मिलाकर यह मूवी बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलती है। कुछ लोग बात कर रहे थे इस मूवी देखने की, तो बता दें यह मूवी अभी आपको OTT पे देखने को मिल जाएगी या डिजी पर हॉटस्टार पे सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को आपको मूवी मिल जाएगी। इस मूवी को आप इसे बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बेहतरीन है, क्योंकि इस मूवी की रेटिंग मिली IMDb से 10/9.2 की और रोटेन टमाटो की तरफ से 90% की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 94% की लाइक मिली हुई है। तो आज की वीडियो में एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं, जो कि इस समय बहुत ही चर्चा में बनी हुई है, जिसका नाम है 12th Fail। तो आज की वीडियो में इस मूवी की स्टोरी, मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, मूवी कैसी है, सारी बातें हम करने वाले हैं आज के वीडियो में और मूवी का रिव्यू भी करने वाले हैं। बात करते हैं इस मूवी की, तो 12th Fail यानी 12th Fail 2023 में आई थी और यह हिंदी भाषा की ओरिजिनल जीवनी पर आधारित ड्रामा मूवी थी, जिसका निर्देशन निर्माण और लेखन वधु विनोद चोपड़ा ने किया है और यह कुमार मनोज कुमार शर्मा की वास्तविक जीवन की कहानी के बारे में है, जो कि अनुराग पाठक की 1919 की अनाम गैर काल्पनिक किताब पर आधारित है, जिन्होंने भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी बनने के लिए अत्यधिक गरीबी पर काबू पाया। फिल्म में विक्रांत मेजी मुख्य भूमिका में, उनके साथ मेघा शंकर, अनंत वी जोशी, अंशुमान पुष्कर और प्रियांशु चटर्जी देखने को मिलते हैं। शुरू में यह मूवी कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था इस मूवी ने, लेकिन कुछ समय बाद यह धीरे धीरे इसकी पॉपुलरिटी बढ़ती गई, जहां इस मूवी का बजट था सिर्फ 20 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 66 करोड़ तक की कमाई कर ली है और आगे यह कमाई करती जा रही है। 27 अक्टूबर 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और 12th Fail को आलोचना से प्रशंसा सकारात्मक प्रशंसा मिली और एक स्लीपर हिट के रूप में यह मूवी उभरी, जिसने 20 करोड़ के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 66 करोड़ की कमाई की। 69वें फिल्म पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सहित 12 नामांकन प्राप्त हुए। कहानी की बात करें तो 12th Fail यानी 12th Fail एक IPS अधिकारी मनोज कुमार शर्मा के जीवन में सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। मनोज कुमार शर्मा विक्रांत मेसी जो कि होते जंगल में रहने वाले गरीब परिवार से होते हैं। अपने काम से ईमानदार होने के कारण मनोज के पिता को निलंबित कर दिया जाता है। मनोज एक स्कूल में पढ़ता है जहाँ उसका ध्यान अपहृत छात्रों को परीक्षा के दौरान कदाचार में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है, यानी चीटिंग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। DSP दुष्यंत प्रियांशु चटर्जी जो के होते हैं, वो सेरे आस्टर को गिरफ्तार कर लेता है। मनोज को समझाता है कि जीवन में ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। दुष्यंत की बातों से मनोज प्रेरित हो जाते हैं और उन्हें विश्वास होने लगता है कि ईमानदारी की एक ईमानदार अधिकारी समाज में बदलाव ला सकता है। कैसे सफल हुए मनोज, उसे कई कठिनाइयों से कैसे गुजरना पड़ा, फिल्म इसी बारे में है। अपने कहीं ना कहीं इस मूवी की फिल्म में अभी ट्रेलर पर क्लिप जरूर ही देखी होगी। इस मूवी के प्लस पॉइंट की बात करें तो फिल्म की कहानी शानदार है। 12th Fail जैसी फिल्मों के लिए पटकथा लिखना आसान काम नहीं है, क्योंकि किसी विषय पर कई फिल्में आ चुकी हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि कथा अत्यधिक आकर्षक हो। विधु मनोज चोपड़ा से कुशलतापूर्वक एक ऐसी कहानी पेश करते हैं जो मज़ेदार और भावनात्मक पहलुओं का मिश्रण है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि फिल्म में अच्छी संख्या में संतुष्टिदायक क्षण हों। विक्रांत मेसी मनोज कुमार शर्मा के रूप में शानदार लगते हैं और उनका संजीदा अभिनय फिल्म की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। विक्रांत मेसी सहजता से मनोज के किरदारों में ढल गए और फिल्म में अपना ए गेम लेकर आए। 12th Fail जिस जैसी बायोपिक्स अभिनेताओं के लिए चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि उसमें संदर्भ सीमित होंगे और अगर प्रदर्शन अच्छा नहीं होता तो चीज़ें गलत हो सकती हैं, लेकिन विक्रांत मेजी हर तरह से हमारा ध्यान खींचते हैं और यह वास्तव में उनके लिए एक गेम चेंजर फिल्म है। विक्रांत मेजी को मेघा शंकर का अच्छा साथ मिला है और वास्तविक जीवन का यह जोड़ा किस तरह हर दुख में एक दूसरे के लिए खड़ा होता है और यह अच्छे से दिखाया गया है। फिल्म में कुछ तालियां बजाने योग्य दृश्य भी हैं, लेकिन सबसे अच्छा हिंसा अंतिम सचात्म दृश्य था। अनंत विजय जोशी, सरिता जोशी, विकास द्विवेदी और अंशुमान पुष्कर अपनी भूमिकाओं को में बहुत ही अच्छे लगते हैं। कुल मिलाकर यह मूवी बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलती है। कुछ लोग बात कर रहे थे इस मूवी देखने की, तो बता दें यह मूवी अभी आपको OTT पे देखने को मिल जाएगी या डिजी पर हॉटस्टार पे सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को आपको मूवी मिल जाएगी। इस मूवी को आप इसे बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बेहतरीन है, क्योंकि इस मूवी की रेटिंग मिली IMDb से 10/9.2 की
और रोटेन टमाटो की तरफ से 90% की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 94% की लाइक मिली हुई है। तो आज की वीडियो में एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं, जो कि इस समय बहुत ही चर्चा में बनी हुई है, जिसका नाम है 12th Fail। तो आज की वीडियो में इस मूवी की स्टोरी, मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, मूवी कैसी है, ये सारी बातें हम करने वाले हैं आज के वीडियो में और मूवी का रिव्यू भी करने वाले हैं। बात करते हैं इस मूवी की, तो 12th Fail यानी 12th Fail 2023 में आई थी और यह हिंदी भाषा की ओरिजिनल जीवनी पर आधारित ड्रामा मूवी थी, जिसका निर्देशन, निर्माण और लेखन वधु विनोद चोपड़ा ने किया है और यह कुमार मनोज कुमार शर्मा की वास्तविक जीवन की कहानी के बारे में है, जो कि अनुराग पाठक की संभावना की अनाम गैर काल्पनिक किताब पर आधारित है, जिन्होंने भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी बनने के लिए अत्यधिक गरीबी पर काबू पाया। फिल्म में विक्रांत मेसी मुख्य भूमिका में, उनके साथ मेघा शंकर, अनंत वी जोशी, अंशुमान पुष्कर और प्रियांशु चटर्जी देखने को मिलते हैं। शुरू में मूवी कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था इस मूवी ने, लेकिन कुछ समय बाद यह धीरे धीरे इसकी पॉपुलरिटी बढ़ती गई, जहां इस मूवी का बजट था सिर्फ 20 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 4 करोड़ तक की कमाई कर ली है और आगे यह कमाई करती जा रही है। 27 अक्टूबर 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और 12th Fail को आलोचन से प्रशंसा, सकारात्मक प्रशंसा मिली और एक स्लीपर हिट के रूप में यह मूवी उभरी, जिसने 20 करोड़ के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 4 करोड़ की कमाई की। 69वें फिल्म पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सहित 12 नामांकन प्राप्त हुए। कहानी की बात करें तो 12th Fail यानी 12th Fail के IPS अधिकारी मनोज कुमार शर्मा के जीवन में सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। मनोज कुमार शर्मा विक्रांत मेसी, जो कि होते जंगल में रहने वाले गरीब परिवार से होते हैं, अपने काम से ईमानदार होने के कारण मनोज के पिता को निलंबित कर दिया जाता है। मनोज एक स्कूल में पढ़ता है जहाँ उसका ध्यान अपैतृक छात्रों को परीक्षा के दौरान कदाचार में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है, यानी चीटिंग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। DSP दुष्यंत प्रियांशु चटर्जी जो के होते हैं, उसे हॉस्टल को गिरफ्तार कर लेता है। मनोज को समझाता है कि जीवन में ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। दुष्यंत की बातों से मनोज प्रेरित हो जाते हैं और उन्हें विश्वास होने लगता है कि ईमानदारी की एक ईमानदार अधिकारी समाज में बदलाव ला सकता है। कैसे सफल हुए मनोज, उसे कई कठिनाइयों से कैसे गुजरना पड़ा, फिल्म इसी बारे में है। अपने कहीं ना कहीं इस मूवी की फिल्म में अभी ट्रेलर आप क्लिप जरूर ही देखी होगी। इस मूवी के प्लस पॉइंट की बात करें तो फिल्म की कहानी शानदार है। 12th Fail जैसी फिल्मों के लिए पाठकथा लिखना आसान काम नहीं है, क्योंकि किसी विषय पर कई फिल्में आ चुकी हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि कथा अत्यधिक आकर्षक हो। विधु मनोज चोपड़ा से कुशलतापूर्वक एक ऐसी कहानी पेश करते हैं जो मज़ेदार और भावनात्मक पहलुओं का मिश्रण है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि फिल्म में अच्छी संख्या में संतुष्टिदायक क्षण हो। विक्रांत मिश्री मनोज कुमार शर्मा के रूप में शानदार लगते हैं और उनका संजीदा अभिनय फिल्म की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। विक्रांत मिश्री सहजता से मनोज के किरदारों में ढल गए और फिल्म में अपना ए गेम लेकर आए। 12th Fail जिस जैसी बायोपिक्स अभिनेताओं के लिए चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि उसमें संदर्भ सीमित होंगे और अगर प्रदर्शन अच्छा नहीं होता तो चीज़ें गलत हो सकती हैं, लेकिन विक्रांत मेसी हर तरह से हमारा ध्यान खींचते हैं और यह वास्तव में उनके लिए एक गेम चेंजर फिल्म है। विक्रांत मेसी को मेघा शंकर का अच्छा साथ मिला है और वास्तविक जीवन का यह जोड़ा किस तरह हर दुख में एक दूसरे के लिए खड़ा होता है और यह अच्छे से दिखाया गया है। फिल्म में कुछ तालियां बजाने योग्य दृश्य भी हैं, लेकिन सबसे अच्छा हिंसा अंतिम सचात्म दृश्य था। अनंत विजय जोशी, सरिता जोशी, विकास द्विवेकीर्ति और अंशुमान पुष्कर अपनी भूमिकाओं को में बहुत ही अच्छे लगते हैं। कुल मिलाकर यह मूवी बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलती है। कुछ लोग बात कर रहे थे इस मूवी देखने की, तो बता दें यह मूवी अभी आपको OTT पे देखने को मिल जाएगी या डिजी पर हॉटस्टार पे सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को आपको मूवी मिल जाएगी। इस मूवी को आप इसे बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बेहतरीन है, क्योंकि इस मूवी की रेटिंग मिली IMDb से 10/9.2 की और रोटेन टमाटो की तरफ से 90% की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 94% की लाइक मिली हुई है। तो आज की वीडियो में एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं, जो कि इस समय बहुत ही चर्चा में बनी हुई है, जिसका नाम है 12th Fail। तो आज की वीडियो में इस मूवी की स्टोरी, मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, मूवी कैसी है, ये सारी बातें हम करने वाले हैं आज के वीडियो में और मूवी का रिव्यू भी करने वाले हैं। बात करते हैं इस मूवी की, तो 12th Fail यानी 12th Fail 2023 में आई थी और यह हिंदी भाषा की ओरिजिनल जीवनी पर आधारित ड्रामा मूवी थी, जिसका निर्देशन, निर्माण और लेखन वधु विनोद चोपड़ा ने किया है और यह कुमार मनोज कुमार शर्मा की वास्तविक जीवन की कहानी के बारे में है, जो कि अनुराग पाठक की संभावना की अनाम गैर काल्पनिक किताब पर आधारित है, जिन्होंने भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी बनने के लिए अत्यधिक गरीबी पर काबू पाया। फिल्म में विक्रांत मेसी मुख्य भूमिका में, उनके साथ मेघा शंकर, अनंत वी जोशी, अंशुमान पुष्कर और प्रियांशु चटर्जी देखने को मिलते हैं। शुरू में मूवी कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था इस मूवी ने, लेकिन
कुछ समय बाद यह धीरे धीरे इसकी पॉपुलरिटी बढ़ती गई, जहां इसमें कवर था सिर्फ 20 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 66 करोड़ तक की कमाई कर ली है और आगे यह कमाई करती जा रही है। 27 अक्टूबर 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और 12वीं फेल को आलोचन से प्रशंसा सकारात्मक प्रशंसा मिली और एक स्लीपर हिट के रूप में यह मूवी उभरी, जिसने 20 करोड़ के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 66 करोड़ की कमाई की। 69वें फिल्म पर पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सहित 12 नामांकन प्राप्त हुए। कहानी की बात करें तो 12वीं फेल यानी 12 फेल एक IPS अधिकारी मनोज कुमार शर्मा के जीवन में सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। मनोज कुमार शर्मा विक्रांत मेसी जो कि होते जम्मू में रहने वाले गरीब परिवार से होते हैं। अपने काम से ईमानदार होने के कारण मनोज के पिता को निलंबित कर दिया जाता है। मनोज एक स्कूल में पढ़ता है जहाँ उसका ध्यान अपैतृक छात्रों को परीक्षा के दौरान कदाचार में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है, यानी चीटिंग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। DSP दुष्यंत प्रियांशु चटर्जी जो के होते हैं वो सेरे आस्टर को गिरफ्तार कर लेता है। मनोज को समझाता है कि जीवन में ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। दुष्यंत की बातों से मनोज प्रेरित हो जाते हैं और उन्हें विश्वास होने लगता है कि ईमानदारी कि एक ईमानदार अधिकारी समाज में बदलाव ला सकता है। कैसे सफल हुए मनोज, उसे कई कठिनाइयों से कैसे गुजरना पड़ा, फिल्म इसी बारे में है। अपने कहीं ना कहीं इस मूवी की फिल्म या ट्रेलर या क्लिप जरूर ही देखी होगी। इस मूवी के प्लस पॉइंट की बात करें तो फिल्म की कहानी शानदार है। 12 फेल जैसी फिल्मों के लिए पाठकथा लिखना आसान काम नहीं है क्योंकि किसी विषय पर कई फिल्में आ चुकी हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि कथा अत्यधिक आकर्षक हो। विधु मनोज चोपड़ा से कुशलतापूर्वक एक ऐसी कहानी पेश करते हैं जो मज़ेदार और भावनात्मक पहलुओं का मिश्रण है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि फिल्म में अच्छी संख्या में संतुष्टिदायक क्षण हों। विक्रांत मिश्री मनोज कुमार शर्मा के रूप में शानदार लगते हैं और उनका संजीदा अभिनय फिल्म की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। विक्रांत मिश्री सहजता से मनोज के किरदारों में ढल गए और फिल्म में अपना ए गेम लेकर आए। 12वीं फेल जिस जैसी बायोपिक्स अभिनेताओं के लिए चुनौतीपूर्ण है क्योंकि उसमें संदर्भ सीमित होंगे और अगर प्रदर्शन अच्छा नहीं होता तो चीज़ें गलत हो सकती हैं, लेकिन विक्रांत मेसी हर तरह से हमारा ध्यान खींचते हैं और यह वास्तव में उनके लिए एक गेम चेंजर फिल्म है। विक्रांत मेसी को मेघा शंकर का अच्छा साथ मिला है और वास्तविक जीवन का यह जोड़ा किस तरह हर दुख में एक दूसरे के लिए खड़ा होता है और यह अच्छे से दिखाया गया है। फिल्म में कुछ तालियां बजाने योग्य दृश्य भी हैं, लेकिन सबसे अच्छा हिंसा अंतिम सचात्म दृश्य था। अनंत विजय जोशी, सरिता जोशी, विकास द्विवेकीर्ति और अंशुमान पुष्कर अपनी भूमिकाओं को में बहुत ही अच्छे लगते हैं। कुल मिलाकर यह मूवी बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलती है। कुछ लोग बात कर रहे थे इस मूवी देखने की, तो बता दें यह मूवी अभी आपको OTT पे देखने को मिल जाएगी या डिजी पर हॉटस्टार पे सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को आपको मूवी मिल जाएगी। इस मूवी को आप इसे बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बेहतरीन है क्योंकि इस मूवी की रेटिंग मिली IMDb से 10/9.2 की और रोटेन टमाटो की तरफ से 90% की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 94% की लाइक मिली हुई है। तो आज की वीडियो में एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं, जो कि इस समय बहुत ही चर्चा में बनी हुई है, जिसका नाम है 12th फेल। तो आज की वीडियो में इस मूवी की स्टोरी, मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, मूवी कैसी है, सारी बातें हम करने वाले हैं आज के वीडियो में और मूवी का रिव्यू भी करने वाले हैं। बात करते हैं इस मूवी की, तो 12वीं फेल यानी 12th फेल 2023 में आई थी और यह हिंदी भाषा की ओरिजिनल जीवनी पर आधारित ड्रामा मूवी थी जिसका निर्देशन निर्माण और लेखन वधु विनोद चोपड़ा ने किया है और यह कुमार मनोज कुमार शर्मा की वास्तविक जीवन की कहानी के बारे में है, जो कि अनुराग पाठक की उन्नीस की अनाम गैर काल्पनिक किताब पर आधारित है, जिन्होंने भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी बनने के लिए अत्यधिक गरीबी पर काबू पाया। फिल्म में विक्रांत मेसी मुख्य भूमिकाओं में, उनके साथ मेघा शंकर, अनंत वी जोशी, अंशुमान पुष्कर और प्रियांशु चटर्जी देखने को मिलते हैं। शुरू में यह मूवी कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था इस मूवी ने, लेकिन कुछ समय बाद यह धीरे धीरे इसकी पॉपुलरिटी बढ़ती गई, जहां इसमें कवर था सिर्फ 20 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 66 करोड़ तक की कमाई कर ली है और आगे यह कमाई करती जा रही है। 27 अक्टूबर 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और 12वीं फेल को आलोचन से प्रशंसा सकारात्मक प्रशंसा मिली और एक स्लीपर हिट के रूप में यह मूवी उभरी, जिसने 20 करोड़ के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 66 करोड़ की कमाई की। 69वें फिल्म पर पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सहित 12 नामांकन प्राप्त हुए। कहानी की बात करें तो 12वीं फेल यानी 12 फेल एक IPS अधिकारी मनोज कुमार शर्मा के जीवन में सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। मनोज कुमार शर्मा विक्रांत मेसी जो कि होते जम्मू में रहने वाले गरीब परिवार से होते हैं। अपने काम से ईमानदार होने के कारण मनोज के पिता को निलंबित कर दिया जाता है। मनोज एक स्कूल में पढ़ता है जहाँ उसका ध्यान अपैतृक छात्रों को परीक्षा के दौरान कदाचार में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है, यानी चीटिंग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। DSP दुष्यंत प्रियांशु चटर्जी जो के होते हैं वो सेरे आस्टर को गिरफ्तार कर लेता है। मनोज को समझाता है कि जीवन में ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। दुष्यंत की बातों से मनोज प्रेरित हो जाते हैं और
उन्हें विश्वास होने लगता है कि ईमानदारी की एक ईमानदार अधिकारी समाज में बदलाव ला सकता है। कैसे सफल हुए मनोज, उसे कई कठिनाइयों से कैसे गुजरना पड़ा, फिल्म इसी बारे में है। अपने कहीं ना कहीं इस मूवी की फिल्म या फिर ट्रेलर या फिर क्लिप जरूर ही देखी होगी। इस मूवी के प्लस पॉइंट की बात करें तो फिल्म की कहानी शानदार है। 12th फेल जैसी फिल्मों के लिए पटकथा लिखना आसान काम नहीं है, क्योंकि किसी विषय पर कई फिल्में आ चुकी हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि कथा अत्यधिक आकर्षक हो। विधु मनोज चोपड़ा से कुशलतापूर्वक एक ऐसी कहानी पेश करते हैं जो मज़ेदार और भावनात्मक पहलुओं का मिश्रण है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि फिल्म में अच्छी संख्या में संतुष्टिदायक क्षण हों। विक्रांत मिश्री मनोज कुमार शर्मा के रूप में शानदार लगते हैं और उनका संजीदा अभिनय फिल्म की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। विक्रांत मिश्री सहजता से मनोज के किरदारों में ढल गए और फिल्म में अपना ए गेम लेकर आए। 12th फेल जिस जैसी बायोपिक्स अभिनेताओं के लिए चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि उसमें संदर्भ सीमित होंगे और अगर प्रदर्शन अच्छा नहीं होता तो चीज़ें गलत हो सकती हैं। लेकिन विक्रांत मिश्री हर तरह से हमारा ध्यान खींचते हैं और यह वास्तव में उनके लिए एक गेम चेंजर फिल्म है। विक्रांत मिश्री को मेघा शंकर का अच्छा साथ मिला है और वास्तविक जीवन का यह जोड़ा किस तरह हर दुख में एक दूसरे के लिए खड़ा होता है और यह अच्छे से दिखाया गया है। फिल्म में कुछ तालियां बजाने योग्य दृश्य भी हैं, लेकिन सबसे अच्छा हिंसा अंतिम सचात्म दृश्य था। अनंत विजय जोशी, सरिता जोशी, विकास द्विवेकीर्ति और अंशुमान पुष्कर अपनी भूमिकाओं को में बहुत ही अच्छे लगते हैं। कुल मिलाकर यह मूवी बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलती है। कुछ लोग बात कर रहे थे इस मूवी की देखने की, तो बता दें यह मूवी अभी आपको OTT पे देखने को मिल जाएगी या डिजी पर हॉटस्टार पे सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को आपको मूवी मिल जाएगी। इस मूवी को आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बेहतरीन है, क्योंकि इस मूवी की रेटिंग मिली IMDb से 10/9.2 की और रोटेन टमाटोज से 90% की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 94% की लाइक मिली हुई है। तो आज की वीडियो में एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं, जो कि इस समय बहुत ही चर्चा में बनी हुई है, जिसका नाम है 12th फेल। तो आज की वीडियो में इस मूवी की स्टोरी, मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, मूवी कैसी है, ये सारी बातें हम करने वाले हैं आज के वीडियो में और मूवी का रिव्यू भी करने वाले हैं। बात करते हैं इस मूवी की, तो 12th फेल यानी 12th फेल 2023 में आई थी और यह हिंदी भाषा की ओरिजिनल जीवनी पर आधारित ड्रामा मूवी थी, जिसका निर्देशन, निर्माण और लेखन वधु विनोद चोपड़ा ने किया है और यह कुमार मनोज कुमार शर्मा की वास्तविक जीवन की कहानी के बारे में है, जो कि अनुराग पाठक की सम्भावनीस की अनाम गैर काल्पनिक किताब पर आधारित है, जिन्होंने भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी बनने के लिए अत्यधिक गरीबी पर काबू पाया। फिल्म में विक्रांत मिश्री मुख्य भूमिका में, उनके साथ मेघा शंकर, अनंत वी जोशी, अंशुमान पुष्कर और प्रियांशु चटर्जी देखने को मिलते हैं। शुरू में मूवी कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था इस मूवी ने, लेकिन कुछ समय बाद यह धीरे धीरे इसकी पॉपुलरिटी बढ़ती गई, जहां इस मूवी का बजट था सिर्फ 20 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 4 करोड़ तक की कमाई कर ली है और आगे यह कमाई करती जा रही है। 27 अक्टूबर 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और 12th फेल को आलोचना से प्रशंसा, सकारात्मक प्रशंसा मिली और एक स्लीपर हिट के रूप में यह मूवी उभरी, जिसने 20 करोड़ के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 4 करोड़ की कमाई की। 69वें फिल्म पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सहित 12 नामांकन प्राप्त हुए। कहानी की बात करें तो 12th फेल यानी 12th फेल एक IPS अधिकारी मनोज कुमार शर्मा के जीवन में सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। मनोज कुमार शर्मा विक्रांत मिश्री जो कि होते जंगल में रहने वाले गरीब परिवार से होते हैं, अपने काम से ईमानदार होने के कारण मनोज के पिता को निलंबित कर दिया जाता है। मनोज एक स्कूल में पढ़ता है जहाँ उसका ध्यान अपैतृक छात्रों को परीक्षा के दौरान कदाचार में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है, यानी चीटिंग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। DSP दुष्यंत प्रियांशु चटर्जी जो के होते हैं, उसे हॉस्टल को गिरफ्तार कर लेता है। मनोज को समझाता है कि जीवन में ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। दुष्यंत की बातों से मनोज प्रेरित हो जाते हैं और उन्हें विश्वास होने लगता है कि ईमानदारी की एक ईमानदार अधिकारी समाज में बदलाव ला सकता है। कैसे सफल हुए मनोज, उसे कई कठिनाइयों से कैसे गुजरना पड़ा, फिल्म इसी बारे में है। अपने कहीं ना कहीं इस मूवी की फिल्म या फिर ट्रेलर या फिर क्लिप जरूर ही देखी होगी। इस मूवी के प्लस पॉइंट की बात करें तो फिल्म की कहानी शानदार है। 12th फेल जैसी फिल्मों के लिए पटकथा लिखना आसान काम नहीं है, क्योंकि किसी विषय पर कई फिल्में आ चुकी हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि कथा अत्यधिक आकर्षक हो। विधु मनोज चोपड़ा से कुशलतापूर्वक एक ऐसी कहानी पेश करते हैं जो मज़ेदार और भावनात्मक पहलुओं का मिश्रण है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि फिल्म में अच्छी संख्या में संतुष्टिदायक क्षण हों। विक्रांत मिश्री मनोज कुमार शर्मा के रूप में शानदार लगते हैं और उनका संजीदा अभिनय फिल्म की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। विक्रांत मिश्री सहजता से मनोज के किरदारों में ढल गए और फिल्म में अपना ए गेम लेकर आए। 12th फेल जैसी
बायोपिक्स अभिनेताओं के लिए चुनौतीपूर्ण है क्योंकि उसमें संदर्भ सीमित होंगे और अगर प्रदर्शन अच्छा नहीं होता तो चीज़ें गलत हो सकती हैं, लेकिन विक्रांत मेजी हर तरह से हमारा ध्यान खींचते हैं और यह वास्तव में उनके लिए एक गेम चेंजर फिल्म है। विक्रांत मेजी को मेघा शंकर का अच्छा साथ मिला है और वास्तविक जीवन का यह जोड़ा किस तरह हर दुख में एक दूसरे के लिए खड़ा होता है और यह अच्छे से दिखाया गया है फिल्म में। कुछ तालियां बजाने योग्य दृश्य भी हैं, लेकिन सबसे अच्छा हिंसा अंतिम सचातम दृश्य था। अनंत विजय जोशी, सरिता जोशी, विकास द्विवेकीर्ति और अंशुमान पुष्कर अपनी भूमिकाओं को में बहुत ही अच्छे लगते हैं। कुल मिलाकर यह मूवी बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलती है। कुछ लोग बात कर रहे थे इस मूवी देखने की, तो बता दें यह मूवी अभी आपको OTT पे देखने को मिल जाएगी या डिजी पर हॉटस्टार पे सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को आपको मूवी मिल जाएगी। इस मूवी को आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बेहतरीन है, क्योंकि इस मूवी की रेटिंग मिली IMDb से 10/9.2 की और रोटेन टमाटोज से 90% की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 94% की लाइक मिली हुई है। तो आज की वीडियो में एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं, जो कि इस समय बहुत ही चर्चा में बनी हुई है, जिसका नाम है 12th Fail। तो आज की वीडियो में इस मूवी की स्टोरी, मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, मूवी कैसी है, ये सारी बातें हम करने वाले हैं आज के वीडियो में और मूवी का रिव्यू भी करने वाले हैं। बात करते हैं इस मूवी की, तो 12th Fail यानी 12th Fail 2023 में आई थी और यह हिंदी भाषा की ओरिजिनल जीवनी पर आधारित ड्रामा मूवी थी, जिसका निर्देशन, निर्माण और लेखन वधु विनोद चोपड़ा ने किया है और यह कुमार मनोज कुमार शर्मा की वास्तविक जीवन की कहानी के बारे में है, जो कि अनुराग पाठक की संभावनीस की अनाम गैर काल्पनिक किताब पर आधारित है, जिन्होंने भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी बनने के लिए अत्यधिक गरीबी पर काबू पाया। फिल्म में विक्रांत मेजी मुख्य भूमिका में, उनके साथ मेघा शंकर, अनंत वी जोशी, अंशुमान पुष्कर और प्रियांशु चटर्जी देखने को मिलते हैं। शुरू में मूवी कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था इस मूवी ने, लेकिन कुछ समय बाद यह धीरे धीरे इसकी पॉपुलरिटी बढ़ती गई, जहां इस मूवी का बजट था सिर्फ 20 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 76 करोड़ तक की कमाई कर ली है और आगे यह कमाई करती जा रही है। 27 अक्टूबर 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और 12th Fail को आलोचन से प्रशंसा सकारात्मक प्रशंसा मिली और एक स्लीपर हिट के रूप में यह मूवी उभरी, जिसने 20 करोड़ के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 76 करोड़ की कमाई की। 69वें फिल्म पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सहित 12 नामांकन प्राप्त हुए। कहानी की बात करें तो 12th Fail यानी 12th Fail एक IPS अधिकारी मनोज कुमार शर्मा के जीवन में सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। मनोज कुमार शर्मा विक्रांत मेसी जो कि होते जम्मू में रहने वाले गरीब परिवार से होते हैं। अपने काम से ईमानदार होने के कारण मनोज के पिता को निलंबित कर दिया जाता है। मनोज एक स्कूल में पढ़ता है जहाँ उसका ध्यानापैतिक छात्रों को परीक्षा के दौरान कदाचार में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है, यानी चीटिंग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। DSP दुष्यंत प्रियांशु चटर्जी जो के होते हैं, वो सेरे आस्टर को गिरफ्तार कर लेता है। मनोज को समझाता है कि जीवन में ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। दुष्यंत की बातों से मनोज प्रेरित हो जाते हैं और उन्हें विश्वास होने लगता है कि ईमानदारी की एक ईमानदार अधिकारी समाज में बदलाव ला सकता है। कैसे सफल हुए मनोज, उसे कई कठिनाइयों से कैसे गुजरना पड़ा, फिल्म इसी बारे में है। अपने कहीं ना कहीं इस मूवी की फिल्म या ट्रेलर या क्लिप जरूर ही देखी होगी। इस मूवी के प्लस पॉइंट की बात करें तो फिल्म की कहानी शानदार है। 12th Fail जैसी फिल्मों के लिए पाठकथा लिखना आसान काम नहीं है, क्योंकि किसी विषय पर कई फिल्में आ चुकी हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि कथा अत्यधिक आकर्षक हो। विधु मनोज चोपड़ा से कुशलतापूर्वक एक ऐसी कहानी पेश करते हैं जो मज़ेदार और भावनात्मक पहलुओं का मिश्रण है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि फिल्म में अच्छी संख्या में संतुष्टिदायक क्षण हों। विक्रांत मेसी मनोज कुमार शर्मा के रूप में शानदार लगते हैं और उनका संजीदा अभिनय फिल्म की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। विक्रांत मेसी सहजता से मनोज के किरदारों में ढल गए और फिल्म में अपना ए गेम लेकर आए। 12th Fail जिस जैसी बायोपिक्स अभिनेताओं के लिए चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि उसमें संदर्भ सीमित होंगे और अगर प्रदर्शन अच्छा नहीं होता तो चीज़ें गलत हो सकती हैं, लेकिन विक्रांत मेजी हर तरह से हमारा ध्यान खींचते हैं और यह वास्तव में उनके लिए एक गेम चेंजर फिल्म है। विक्रांत मेजी को मेघा शंकर का अच्छा साथ मिला है और वास्तविक जीवन का यह जोड़ा किस तरह हर दुख में एक दूसरे के लिए खड़ा होता है और यह अच्छे से दिखाया गया है फिल्म में। कुछ तालियां बजाने योग्य दृश्य भी हैं, लेकिन सबसे अच्छा हिंसा अंतिम सचातम दृश्य था। अनंत विजय जोशी, सरिता जोशी, विकास द्विवेकीर्ति और अंशुमान पुष्कर अपनी भूमिकाओं को में बहुत ही अच्छे लगते हैं। कुल मिलाकर यह मूवी बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलती है। कुछ लोग बात कर रहे थे इस मूवी देखने की, तो बता दें यह मूवी अभी आपको OTT पे देखने को मिल जाएगी या डिजी पर हॉटस्टार पे सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को आपको मूवी मिल जाएगी। इस मूवी को आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बेहतरीन है, क्योंकि इस मूवी की रेटिंग मिली IMDb से 10/9.2 की
और रोटेन टमाटोज की तरफ से 90% की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 94% की लाइक मिली हुई है। तो आज की वीडियो में एक ऐसे मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं, जो कि इस समय बहुत ही चर्चा में बनी हुई है, जिसका नाम है 12th Fail। तो आज की वीडियो में इस मूवी की स्टोरी, मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, मूवी कैसी है, सारी बातें हम करने वाले हैं आज के वीडियो में और मूवी का रिव्यू भी करने वाले हैं। बात करते हैं इस मूवी की, तो 12th Fail यानी 2023 में आई थी और यह हिंदी भाषा की ओरिजिनल जीवनी पर आधारित ड्रामा मूवी थी, जिसका निर्देशन, निर्माण और लेखन वधु विनोद चोपड़ा ने किया है और यह कुमार मनोज कुमार शर्मा की वास्तविक जीवन की कहानी के बारे में है, जो कि अनुराग पाठक की उन्नीस की अनाम गैर काल्पनिक किताब पर आधारित है, जिन्होंने भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी बनने के लिए अत्यधिक गरीबी पर काबू पाया। फिल्म में विक्रांत मेसी मुख्य भूमिका में, उनके साथ मेघा शंकर, आनंद वी जोशी, अंशुमान पुष्कर और प्रियांशु चटर्जी देखने को मिलते हैं। शुरू में यह मूवी कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था इस मूवी ने, लेकिन कुछ समय बाद यह धीरे धीरे इसकी पॉपुलरिटी बढ़ती गई, जहां इस मूवी का बजट था सिर्फ 20 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 66 करोड़ तक की कमाई कर ली है और आगे यह कमाई करती जा रही है। 27 अक्टूबर 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और 12th Fail को आलोचना से प्रशंसा, सकारात्मक प्रशंसा मिली और एक स्लीपर हिट के रूप में यह मूवी उभरी, जिसने 20 करोड़ के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 66 करोड़ की कमाई की। 69वें फिल्म पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सहित 12 नामांकन प्राप्त हुए। कहानी की बात करें तो 12th Fail यानी 12th Fail एक IPS अधिकारी मनोज कुमार शर्मा के जीवन में सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। मनोज कुमार शर्मा विक्रांत मेसी जो कि होते जंगल में रहने वाले गरीब परिवार से होते हैं। अपने काम से ईमानदार होने के कारण मनोज के पिता को निलंबित कर दिया जाता है। मनोज एक स्कूल में पढ़ता है जहाँ उसका ध्यान अपहृत छात्रों को परीक्षा के दौरान कदाचार में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है, यानी चीटिंग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। DSP दुष्यंत प्रियांशु चटर्जी जो के होते हैं, वो सेरे आस्टर को गिरफ्तार कर लेता है। मनोज को समझाता है कि जीवन में ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। दुष्यंत की बातों से मनोज प्रेरित हो जाते हैं और उन्हें विश्वास होने लगता है कि ईमानदारी की एक ईमानदार अधिकारी समाज में बदलाव ला सकता है। कैसे सफल हुए मनोज, उसे कई कठिनाइयों से कैसे गुजरना पड़ा, फिल्म इसी बारे में है। अपने कहीं ना कहीं इस मूवी की फिल्म या ट्रेलर या क्लिप जरूर ही देखी होगी। इस मूवी के प्लस पॉइंट की बात करें तो फिल्म की कहानी शानदार है। 12th Fail जैसी फिल्मों के लिए पटकथा लिखना आसान काम नहीं है, क्योंकि किसी विषय पर कई फिल्में आ चुकी हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि कथा अत्यधिक आकर्षक हो। विधु मनोज चोपड़ा से कुशलतापूर्वक एक ऐसी कहानी पेश करते हैं जो मज़ेदार और भावनात्मक पहलुओं का मिश्रण है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि फिल्म में अच्छी संख्या में संतुष्टिदायक क्षण हों। विक्रांत मेसी मनोज कुमार शर्मा के रूप में शानदार लगते हैं और उनका संजीदा अभिनय फिल्म की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। विक्रांत मेसी सहजता से मनोज के किरदारों में ढल गए और फिल्म में अपना ए गेम लेकर आए। 12th Fail जिस जैसी बायोपिक्स अभिनेताओं के लिए चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि उसमें संदर्भ सीमित होंगे और अगर प्रदर्शन अच्छा नहीं होता तो चीज़ें गलत हो सकती हैं, लेकिन विक्रांत मेसी हर तरह से हमारा ध्यान खींचते हैं और यह वास्तव में उनके लिए एक गेम चेंजर फिल्म है। विक्रांत मेसी को मेघा शंकर का अच्छा साथ मिला है और वास्तविक जीवन का यह जोड़ा किस तरह हर दुख में एक दूसरे के लिए खड़ा होता है और यह अच्छे से दिखाया गया है। फिल्म में कुछ तालियां बजाने योग्य दृश्य भी हैं, लेकिन सबसे अच्छा हिंसा अंतिम सचात्म दृश्य था। अनंत विजय जोशी, सरिता जोशी, विकास द्विवेकीर्ति और अंशुमान पुष्कर अपनी भूमिकाओं को में बहुत ही अच्छे लगते हैं। कुल मिलाकर यह मूवी बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलती है। कुछ लोग बात कर रहे थे इस मूवी की देखने की, तो बता दें यह मूवी अभी आपको OTT पे देखने को मिल जाएगी या डिजी पर हॉटस्टार पे सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को आपको मूवी मिल जाएगी। इस मूवी को आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बेहतरीन है, क्योंकि इस मूवी की रेटिंग मिली IMDb से 10/9.2 की और रोटेन टमाटो की तरफ से 90% की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 94% की लाइक मिली हुई है। तो आज की वीडियो में एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं, जो कि इस समय बहुत ही चर्चा में बनी हुई है, जिसका नाम है 12th Fail। तो आज की वीडियो में इस मूवी की स्टोरी, मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, मूवी कैसी है, सारी बातें हम करने वाले हैं आज के वीडियो में और मूवी का रिव्यू भी करने वाले हैं। बात करते हैं इस मूवी की, तो 12th Fail यानी 12th Fail 2023 में आई थी और यह हिंदी भाषा की ओरिजिनल जीवनी पर आधारित ड्रामा मूवी थी, जिसका निर्देशन, निर्माण और लेखन वधु विनोद चोपड़ा ने किया है और यह कुमार मनोज कुमार शर्मा की वास्तविक जीवन की कहानी के बारे में है, जो कि अनुराग पाठक की 2019 की अनाम गैर काल्पनिक किताब पर आधारित है, जिन्होंने भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी बनने के लिए अत्यधिक गरीबी पर काबू पाया। फिल्म में विक्रांत मेसी मुख्य भूमिका में, उनके साथ मेघा शंकर, आनंद वी जोशी, अंशुमान पुष्कर और प्रियांशु चटर्जी देखने को मिलते हैं। शुरू में यह मूवी कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था इस मूवी ने, लेकिन
कुछ समय बाद यह धीरे धीरे इसकी पॉपुलरिटी बढ़ती गई, जहां इसमें कवर था सिर्फ 20 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 4 करोड़ तक की कमाई कर ली है और आगे यह कमाई करती जा रही है। 27 अक्टूबर 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और 12वीं फेल को आलोचना से प्रशंसा सकारात्मक प्रशंसा मिली और एक स्लीपर हिट के रूप में यह मूवी उभरी, जिसने 20 करोड़ के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 4 करोड़ की कमाई की। 69वें फिल्म पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सहित 12 नामांकन प्राप्त हुए। कहानी की बात करें तो 12वीं फेल यानी 12 फेल एक IPS अधिकारी मनोज कुमार शर्मा के जीवन में सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। मनोज कुमार शर्मा विक्रांत मैसी जो कि होते जंगल में रहने वाले गरीब परिवार से होते हैं। अपने काम से ईमानदार होने के कारण मनोज के पिता को निलंबित कर दिया जाता है। मनोज एक स्कूल में पढ़ता है जहाँ उसका ध्यान अपैतृक छात्रों को परीक्षा के दौरान कदाचार में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है, यानी चीटिंग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। DSP दुष्यंत प्रियांशु चटर्जी जो के होते हैं उसे हॉस्टल को गिरफ्तार कर लेता है। मनोज को समझाता है कि जीवन में ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। दुष्यंत की बातों से मनोज प्रेरित हो जाते हैं और उन्हें विश्वास होने लगता है कि ईमानदारी की एक ईमानदार अधिकारी समाज में बदलाव ला सकता है। कैसे सफल हुए मनोज, उसे कई कठिनाइयों से कैसे गुजरना पड़ा, फिल्म इसी बारे में है। अपने कहीं ना कहीं इस मूवी की फिल्म में अभी ट्रेलर आप क्लिप जरूर ही देखी होगी। इस मूवी के प्लस पॉइंट की बात करें तो फिल्म की कहानी शानदार है। 12 फेल जैसी फिल्मों के लिए पाठकथा लिखना आसान काम नहीं है, क्योंकि किसी विषय पर कई फिल्में आ चुकी हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि कथा अत्यधिक आकर्षक हो। विधु मनोज चोपड़ा से कुशलतापूर्वक एक ऐसी कहानी पेश करते हैं जो मज़ेदार और भावनात्मक पहलुओं का मिश्रण है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि फिल्म में अच्छी संख्या में संतुष्टिदायक क्षण हो। विक्रांत मिश्री मनोज कुमार शर्मा के रूप में शानदार लगते हैं और उनका संजीदा अभिनय फिल्म की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। विक्रांत मिश्री सहजता से मनोज के किरदारों में ढल गए और फिल्म में अपना ए गेम लेकर आए। 12वीं फेल जिस जैसी बायोपिक्स अभिनेताओं के लिए चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि उसमें संदर्भ सीमित होंगे और अगर प्रदर्शन अच्छा नहीं होता तो चीज़ें गलत हो सकती हैं। लेकिन विक्रांत मेजी हर तरह से हमारा ध्यान खींचते हैं और यह वास्तव में उनके लिए एक गेम चेंजर फिल्म है। विक्रांत मेजी को मेघा शंकर का अच्छा साथ मिला है और वास्तविक जीवन का यह जोड़ा किस तरह हर दुख में एक दूसरे के लिए खड़ा होता है और यह अच्छे से दिखाया गया है। फिल्म में कुछ तालियां बजाने योग्य दृश्य भी हैं, लेकिन सबसे अच्छा हिंसा अंतिम सचात्म दृश्य था। अनंत विजय जोशी, सरिता जोशी, विकास द्विवेकीर्ति और अंशुमान पुष्कर अपनी भूमिकाओं को में बहुत ही अच्छे लगते हैं। कुल मिलाकर यह मूवी बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलती है। कुछ लोग बात कर रहे थे इस मूवी देखने की, तो बता दें यह मूवी अभी आपको OTT पे देखने को मिल जाएगी या डिजी पर हॉटस्टार पे सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को आपको मूवी मिल जाएगी। इस मूवी को आप इसे पास से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बेहतरीन है, क्योंकि इस मूवी की रेटिंग मिली IMDb से 10/9.2 की और रोटेन टमाटोज से 90% की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 94% की लाइक मिली हुई है। तो आज की वीडियो में एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं, जो कि इस समय बहुत ही चर्चा में बनी हुई है, जिसका नाम है 12th Fail। तो आज की वीडियो में इस मूवी की स्टोरी, मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, मूवी कैसी है, सारी बातें हम करने वाले हैं आज के वीडियो में और मूवी का रिव्यू भी करने वाले हैं। बात करते हैं इस मूवी की, तो 12वीं फेल यानी 12th Fail 2023 में आई थी और यह हिंदी भाषा की ओरिजिनल जीवनी पर आधारित ड्रामा मूवी थी, जिसका निर्देशन निर्माण और लेखन वधु विनोद चोपड़ा ने किया है और यह कुमार मनोज कुमार शर्मा की वास्तविक जीवन की कहानी के बारे में है, जो कि अनुराग पाठक की संभावनी की अनाम गैर काल्पनिक किताब पर आधारित है, जिन्होंने भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी बनने के लिए अत्यधिक गरीबी पर काबू पाया। फिल्म में विक्रांत मैसी मुख्य भूमिका में, उनके साथ मेघा शंकर, अनंत वी जोशी, अंशुमान पुष्कर और प्रियांशु चटर्जी देखने को मिलते हैं। शुरू में मूवी कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था इस मूवी ने, लेकिन कुछ समय बाद यह धीरे धीरे इसकी पॉपुलरिटी बढ़ती गई, जहां इसमें कवर था सिर्फ 20 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 4 करोड़ तक की कमाई कर ली है और आगे यह कमाई करती जा रही है। 27 अक्टूबर 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और 12वीं फेल को आलोचना से प्रशंसा सकारात्मक प्रशंसा मिली और एक स्लीपर हिट के रूप में यह मूवी उभरी, जिसने 20 करोड़ के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 4 करोड़ की कमाई की। 69वें फिल्म पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सहित 12 नामांकन प्राप्त हुए। कहानी की बात करें तो 12वीं फेल यानी 12 फेल एक IPS अधिकारी मनोज कुमार शर्मा के जीवन में सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। मनोज कुमार शर्मा विक्रांत मैसी जो कि होते जंगल में रहने वाले गरीब परिवार से होते हैं। अपने काम से ईमानदार होने के कारण मनोज के पिता को निलंबित कर दिया जाता है। मनोज एक स्कूल में पढ़ता है जहाँ उसका ध्यान अपैतृक छात्रों को परीक्षा के दौरान कदाचार में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है, यानी चीटिंग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। DSP दुष्यंत प्रियांशु चटर्जी जो के होते हैं उसे हॉस्टल को गिरफ्तार कर लेता है। मनोज को समझाता है कि जीवन में ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। दुष्यंत की बातों से मनोज प्रेरित हो जाते हैं और
उन्हें विश्वास होने लगता है कि ईमानदारी कि एक ईमानदार अधिकारी समाज में बदलाव ला सकता है। कैसे सफल हुए मनोज, उसे कई कठिनाइयों से कैसे गुजरना पड़ा, फिल्म इसी बारे में है। अपने कहीं ना कहीं इस मूवी की फिल्म या फिर ट्रेलर या फिर क्लिप जरूर ही देखी होगी। इस मूवी के प्लस पॉइंट की बात करें तो फिल्म की कहानी शानदार है। 12th फेल जैसी फिल्मों के लिए पाठकथा लिखना आसान काम नहीं है, क्योंकि किसी विषय पर कई फिल्में आ चुकी हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि कथा अत्यधिक आकर्षक हो। विधु मनोज चोपड़ा से कुशलतापूर्वक एक ऐसी कहानी पेश करते हैं जो मज़ेदार और भावनात्मक पहलुओं का मिश्रण है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि फिल्म में अच्छी संख्या में संतुष्टिदायक क्षण हों। विक्रांत मिश्री मनोज कुमार शर्मा के रूप में शानदार लगते हैं और उनका संजीदा अभिनय फिल्म की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। विक्रांत मिश्री सहजता से मनोज के किरदारों में ढल गए और फिल्म में अपना ए गेम लेकर आए। 12th फेल जिस जैसी बायोपिक्स अभिनेताओं के लिए चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि उसमें संदर्भ सीमित होंगे और अगर प्रदर्शन अच्छा नहीं होता तो चीज़ें गलत हो सकती हैं। लेकिन विक्रांत मेजी हर तरह से हमारा ध्यान खींचते हैं और यह वास्तव में उनके लिए एक गेम चेंजर फिल्म है। विक्रांत मेजी को मेघा शंकर का अच्छा साथ मिला है और वास्तविक जीवन का यह जोड़ा किस तरह हर दुख में एक दूसरे के लिए खड़ा होता है और यह अच्छे से दिखाया गया है। फिल्म में कुछ तालियां बजाने योग्य दृश्य भी हैं, लेकिन सबसे अच्छा हिंसा अंतिम सचात्म दृश्य था। अनंत विजय जोशी, सरिता जोशी, विकास द्विवेकीर्ति और अंशुमान पुष्कर अपनी भूमिकाओं को में बहुत ही अच्छे लगते हैं। कुल मिलाकर यह मूवी बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलती है। कुछ लोग बात कर रहे थे इस मूवी देखने की, तो बता दें यह मूवी अभी आपको OTT पे देखने को मिल जाएगी या डिजी पर हॉटस्टार पे सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को आपको मूवी मिल जाएगी। इस मूवी को आप इसे बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बेहतरीन है, क्योंकि इस मूवी की रेटिंग मिली IMDb से 10/9.2 की और रोटेन टमाटो की तरफ से 90% की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 94% की लाइक मिली हुई है। तो आज की वीडियो में एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं, जो कि इस समय बहुत ही चर्चा में बनी हुई है, जिसका नाम है 12th फेल। तो आज की वीडियो में इस मूवी की स्टोरी, मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, मूवी कैसी है, सारी बातें हम करने वाले हैं आज के वीडियो में और मूवी का रिव्यू भी करने वाले हैं। बात करते हैं इस मूवी की, तो 12th फेल यानी 12th फेल 2023 में आई थी और यह हिंदी भाषा की ओरिजिनल जीवनी पर आधारित ड्रामा मूवी थी, जिसका निर्देशन निर्माण और लेखन वधु विनोद चोपड़ा ने किया है और यह कुमार मनोज कुमार शर्मा की वास्तविक जीवन की कहानी के बारे में है, जो कि अनुराग पाठक की 1919 की अनाम गैर काल्पनिक किताब पर आधारित है, जिन्होंने भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी बनने के लिए अत्यधिक गरीबी पर काबू पाया। फिल्म में विक्रांत मेसी मुख्य भूमिकाओं में, उनके साथ मेघा शंकर, अनंत वी जोशी, अंशुमान पुष्कर और प्रियांशु चटर्जी देखने को मिलते हैं। शुरू में यह मूवी कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था इस मूवी ने, लेकिन कुछ समय बाद यह धीरे धीरे इसकी पॉपुलरिटी बढ़ती गई, जहां इस मूवी का बजट था सिर्फ 20 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 66 करोड़ तक की कमाई कर ली है और आगे यह कमाई करती जा रही है। 27 अक्टूबर 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और 12th फेल को आलोचना से प्रशंसा सकारात्मक प्रशंसा मिली और एक स्लीपर हिट के रूप में यह मूवी उभरी, जिसने 20 करोड़ के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 66 करोड़ की कमाई की। 69वें फिल्म पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सहित 12 नामांकन प्राप्त हुए। कहानी की बात करें तो 12th फेल यानी 12th फेल एक IPS अधिकारी मनोज कुमार शर्मा के जीवन में सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। मनोज कुमार शर्मा विक्रांत मेसी जो कि होते जंगल में रहने वाले गरीब परिवार से होते हैं। अपने काम से ईमानदार होने के कारण मनोज के पिता को निलंबित कर दिया जाता है। मनोज एक स्कूल में पढ़ता है जहाँ उसका ध्यान अपहृत छात्रों को परीक्षा के दौरान कदाचार में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है, यानी चीटिंग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। DSP दुष्यंत प्रियांशु चटर्जी जो के होते हैं, वो सेरे आस्टर को गिरफ्तार कर लेता है। मनोज को समझाता है कि जीवन में ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। दुष्यंत की बातों से मनोज प्रेरित हो जाते हैं और उन्हें विश्वास होने लगता है कि ईमानदारी कि एक ईमानदार अधिकारी समाज में बदलाव ला सकता है। कैसे सफल हुए मनोज, उसे कई कठिनाइयों से कैसे गुजरना पड़ा, फिल्म इसी बारे में है। अपने कहीं ना कहीं इस मूवी की फिल्म या फिर ट्रेलर या फिर क्लिप जरूर ही देखी होगी। इस मूवी के प्लस पॉइंट की बात करें तो फिल्म की कहानी शानदार है। 12th फेल जैसी फिल्मों के लिए पाठकथा लिखना आसान काम नहीं है, क्योंकि किसी विषय पर कई फिल्में आ चुकी हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि कथा अत्यधिक आकर्षक हो। विधु मनोज चोपड़ा से कुशलतापूर्वक एक ऐसी कहानी पेश करते हैं जो मज़ेदार और भावनात्मक पहलुओं का मिश्रण है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि फिल्म में अच्छी संख्या में संतुष्टिदायक क्षण हों। विक्रांत मिश्री मनोज कुमार शर्मा के रूप में शानदार लगते हैं और उनका संजीदा अभिनय फिल्म की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। विक्रांत मिश्री सहजता से मनोज के किरदारों में ढल गए और फिल्म में अपना ए गेम लेकर आए। 12th फेल जिस जैसी
बायोपिक्स अभिनेताओं के लिए चुनौतीपूर्ण है क्योंकि उसमें संदर्भ सीमित होंगे और अगर प्रदर्शन अच्छा नहीं होता तो चीज़ें गलत हो सकती हैं, लेकिन विक्रांत मेजी हर तरह से हमारा ध्यान खींचते हैं और यह वास्तव में उनके लिए एक गेम चेंजर फिल्म है। विक्रांत मेजी को मेघा शंकर का अच्छा साथ मिला है और वास्तविक जीवन का यह जोड़ा किस तरह हर दुख में एक दूसरे के लिए खड़ा होता है और यह अच्छे से दिखाया गया है। फिल्म में कुछ तालियां बजाने योग्य दृश्य भी हैं, लेकिन सबसे अच्छा हिंसा अंतिम सचात्म दृश्य था। अनंत विजय जोशी, सरिता जोशी, विकास द्विवेकीर्ति और अंशुमान पुष्कर अपनी भूमिकाओं को में बहुत ही अच्छे लगते हैं। कुल मिलाकर यह मूवी बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलती है। कुछ लोग बात कर रहे थे इस मूवी की देखने की, तो बता दें यह मूवी अभी आपको OTT पे देखने को मिल जाएगी या डिजी पर हॉटस्टार पे सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को आपको मूवी मिल जाएगी। इस मूवी को आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बेहतरीन है क्योंकि इस मूवी की रेटिंग मिली IMDb से 10/9.2 की और रोटेन टमाटोज से 90% की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 94% की लाइक मिली हुई है। तो आज की वीडियो में एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं, जो कि इस समय बहुत ही चर्चा में बनी हुई है, जिसका नाम है 12th Fail। तो आज की वीडियो में इस मूवी की स्टोरी, मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, मूवी कैसी है, ये सारी बातें हम करने वाले हैं आज के वीडियो में और मूवी का रिव्यू भी करने वाले हैं। बात करते हैं इस मूवी की, तो 12th Fail यानी 12th Fail 2023 में आई थी और यह हिंदी भाषा की ओरिजिनल जीवनी पर आधारित ड्रामा मूवी थी जिसका निर्देशन, निर्माण और लेखन वधु विनोद चोपड़ा ने किया है और यह कुमार मनोज कुमार शर्मा की वास्तविक जीवन की कहानी के बारे में है, जो कि अनुराग पाठक की सम्भावनीस की अनाम गैर काल्पनिक किताब पर आधारित है, जिन्होंने भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी बनने के लिए अत्यधिक गरीबी पर काबू पाया। फिल्म में विक्रांत मेजी मुख्य भूमिका में, उनके साथ मेघा शंकर, अनंत वी जोशी, अंशुमान पुष्कर और प्रियांशु चटर्जी देखने को मिलते हैं। शुरू में मूवी कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था इस मूवी ने, लेकिन कुछ समय बाद यह धीरे धीरे इसकी पॉपुलरिटी बढ़ती गई, जहां इस मूवी का बजट था सिर्फ 20 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 4 करोड़ तक की कमाई कर ली है और आगे यह कमाई करती जा रही है। 27 अक्टूबर 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और 12th Fail को आलोचन से प्रशंसा सकारात्मक प्रशंसा मिली और एक स्लीपर हिट के रूप में यह मूवी उभरी, जिसने 20 करोड़ के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 4 करोड़ की कमाई की। 69वें फिल्म पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सहित 12 नामांकन प्राप्त हुए। कहानी की बात करें तो 12th Fail यानी 12th Fail के IPS अधिकारी मनोज कुमार शर्मा के जीवन में सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। मनोज कुमार शर्मा विक्रांत मेसी जो कि होते जंगल में रहने वाले गरीब परिवार से होते हैं। अपने काम से ईमानदार होने के कारण मनोज के पिता को निलंबित कर दिया जाता है। मनोज एक स्कूल में पढ़ता है जहाँ उसका ध्यान अपैतृक छात्रों को परीक्षा के दौरान कदाचार में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है, यानी चीटिंग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। DSP दुष्यंत प्रियांशु चटर्जी जो के होते हैं, उसे हॉस्टल को गिरफ्तार कर लेता है। मनोज को समझाता है कि जीवन में ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। दुष्यंत की बातों से मनोज प्रेरित हो जाते हैं और उन्हें विश्वास होने लगता है कि ईमानदारी की एक ईमानदार अधिकारी समाज में बदलाव ला सकता है। कैसे सफल हुए मनोज, उसे कई कठिनाइयों से कैसे गुजरना पड़ा, फिल्म इसी बारे में है। अपने कहीं ना कहीं इस मूवी की फिल्म में अभी ट्रेलर आप क्लिप जरूर ही देखी होगी। इस मूवी के प्लस पॉइंट की बात करें तो फिल्म की कहानी शानदार है। 12th Fail जैसी फिल्मों के लिए पाठकथा लिखना आसान काम नहीं है क्योंकि किसी विषय पर कई फिल्में आ चुकी हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि कथा अत्यधिक आकर्षक हो। विधु मनोज चोपड़ा कुशलतापूर्वक एक ऐसी कहानी पेश करते हैं जो मज़ेदार और भावनात्मक पहलुओं का मिश्रण है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि फिल्म में अच्छी संख्या में संतुष्टिदायक क्षण हों। विक्रांत मेसी मनोज कुमार शर्मा के रूप में शानदार लगते हैं और उनका संजीदा अभिनय फिल्म की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। विक्रांत मेसी सहजता से मनोज के किरदारों में ढल गए और फिल्म में अपना एक गेम लेकर आए। 12th Fail जैसी बायोपिक्स अभिनेताओं के लिए चुनौतीपूर्ण है क्योंकि उसमें संदर्भ सीमित होंगे और अगर प्रदर्शन अच्छा नहीं होता तो चीज़ें गलत हो सकती हैं, लेकिन विक्रांत मेजी हर तरह से हमारा ध्यान खींचते हैं और यह वास्तव में उनके लिए एक गेम चेंजर फिल्म है। विक्रांत मेजी को मेघा शंकर का अच्छा साथ मिला है और वास्तविक जीवन का यह जोड़ा किस तरह हर दुख में एक दूसरे के लिए खड़ा होता है और यह अच्छे से दिखाया गया है। फिल्म में कुछ तालियां बजाने योग्य दृश्य भी हैं, लेकिन सबसे अच्छा हिंसा अंतिम सचात्म दृश्य था। अनंत विजय जोशी, सरिता जोशी, विकास द्विवेकीर्ति और अंशुमान पुष्कर अपनी भूमिकाओं को में बहुत ही अच्छे लगते हैं। कुल मिलाकर यह मूवी बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलती है। कुछ लोग बात कर रहे थे इस मूवी की देखने की, तो बता दें यह मूवी अभी आपको OTT पे देखने को मिल जाएगी या डिजी पर हॉटस्टार पे सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को आपको मूवी मिल जाएगी। इस मूवी को आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बेहतरीन है क्योंकि इस मूवी की रेटिंग मिली IMDb से 10/9.2 की
और रोटेन टमाटोज की तरफ से 90% की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 94% की लाइक मिली हुई है। तो आज की वीडियो में एक ऐसे मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं, जो कि इस समय बहुत ही चर्चा में बनी हुई है, जिसका नाम है 12th Fail। तो आज की वीडियो में इस मूवी की स्टोरी, मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, मूवी कैसी, सारी बातें करने वाले हैं आज के वीडियो में और मूवी का रिव्यू भी करने वाले हैं। बात करते हैं इस मूवी की, तो 12th Fail यानी 12th Fail 2023 में आई थी और यह हिंदी भाषा की ओरिजिनल जीवनी पर आधारित ड्रामा मूवी थी, जिसका निर्देशन, निर्माण और लेखन वधु विनोद चोपड़ा ने किया है और यह कुमार मनोज कुमार शर्मा की वास्तविक जीवन की कहानी के बारे में है, जो कि अनुराग पाठक की संभावनी की अनाम गैर काल्पनिक किताब पर आधारित है, जिन्होंने भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी बनने के लिए अत्यधिक गरीबी पर काबू पाया। फिल्म में विक्रांत मेसी मुख्य भूमिका में, उनके साथ मेघा शंकर, अनंत वी जोशी, अंशुमान पुष्कर और प्रियांशु चटर्जी देखने को मिलते हैं। शुरू में मूवी कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था इस मूवी ने, लेकिन कुछ समय बाद यह धीरे धीरे इसकी पॉपुलरिटी बढ़ती गई, जहां इस मूवी का बजट था सिर्फ 20 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 66 करोड़ तक की कमाई कर ली है और आगे यह कमाई करती जा रही है। 27 अक्टूबर 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और 12th Fail को आलोचन से प्रशंसा, सकारात्मक प्रशंसा मिली और एक स्लीपर हिट के रूप में यह मूवी उभरी, जिसने 20 करोड़ के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 66 करोड़ की कमाई की। 69वें फिल्म पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सहित 12 नामांकन प्राप्त हुए। कहानी की बात करें तो 12th Fail यानी 12th Fail एक IPS अधिकारी मनोज कुमार शर्मा के जीवन में सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। मनोज कुमार शर्मा विक्रांत मेसी जो कि होते जम्मू में रहने वाले गरीब परिवार से होते हैं। अपने काम से ईमानदार होने के कारण मनोज के पिता को निलंबित कर दिया जाता है। मनोज एक स्कूल में पढ़ता है जहाँ उसका ध्यानापैतिक छात्रों को परीक्षा के दौरान कदाचार में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है, यानी चीटिंग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। DSP दुष्यंत प्रियांशु चटर्जी जो के होते हैं, वो सेरे आस्टर को गिरफ्तार कर लेता है। मनोज को समझाता है कि जीवन में ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। दुष्यंत की बातों से मनोज प्रेरित हो जाते हैं और उन्हें विश्वास होने लगता है कि ईमानदारी कि एक ईमानदार अधिकारी समाज में बदलाव ला सकता है। कैसे सफल हुए मनोज, उसे कई कठिनाइयों से कैसे गुजरना पड़ा, फिल्म इसी बारे में है। अपने कहीं ना कहीं इस मूवी की फिल्म या ट्रेलर या क्लिप जरूर ही देखी होगी। इस मूवी के प्लस पॉइंट की बात करें तो फिल्म की कहानी शानदार है। 12th Fail जैसी फिल्मों के लिए पाठकथा लिखना आसान काम नहीं है, क्योंकि किसी विषय पर कई फिल्में आ चुकी हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि कथा अत्यधिक आकर्षक हो। विधु मनोज चोपड़ा से कुशलतापूर्वक एक ऐसी कहानी पेश करते हैं जो मज़ेदार और भावनात्मक पहलुओं का मिश्रण है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि फिल्म में अच्छी संख्या में संतुष्टिदायक क्षण हों। विक्रांत मिश्री मनोज कुमार शर्मा के रूप में शानदार लगते हैं और उनका संजीदा अभिनय फिल्म की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। विक्रांत मिश्री सहजता से मनोज के किरदारों में ढल गए और फिल्म में अपना ए गेम लेकर आए। 12th Fail जिस जैसी बायोपिक्स अभिनेताओं के लिए चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि उसमें संदर्भ सीमित होंगे और अगर प्रदर्शन अच्छा नहीं होता तो चीज़ें गलत हो सकती हैं, लेकिन विक्रांत मेसी हर तरह से हमारा ध्यान खींचते हैं और यह वास्तव में उनके लिए एक गेम चेंजर फिल्म है। विक्रांत मेसी को मेघा शंकर का अच्छा साथ मिला है और वास्तविक जीवन का यह जोड़ा किस तरह हर दुख में एक दूसरे के लिए खड़ा होता है और यह अच्छे से दिखाया गया है। फिल्म में कुछ तालियां बजाने योग्य दृश्य भी हैं, लेकिन सबसे अच्छा हिंसा अंतिम सचात्म दृश्य था। अनंत विजय जोशी, सरिता जोशी, विकास द्विवेकीर्ति और अंशुमान पुष्कर अपनी भूमिकाओं को में बहुत ही अच्छे लगते हैं। कुल मिलाकर यह मूवी बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलती है। कुछ लोग बात कर रहे थे इस मूवी की देखने की, तो बता दें यह मूवी अभी आपको OTT पे देखने को मिल जाएगी या डिजी पर हॉटस्टार पे सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को आपको मूवी मिल जाएगी। इस मूवी को आप इसे बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बेहतरीन है, क्योंकि इस मूवी की रेटिंग मिली IMDb से 10/9.2 की और रोटेन टमाटोज की तरफ से 90% की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 94% की लाइक मिली हुई है। तो आज की वीडियो में एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं, जो कि इस समय बहुत ही चर्चा में बनी हुई है, जिसका नाम है 12th Fail। तो आज की वीडियो में इस मूवी की स्टोरी, मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, मूवी कैसी है, सारी बातें करने वाले हैं आज के वीडियो में और मूवी का रिव्यू भी करने वाले हैं। बात करते हैं इस मूवी की, तो 12th Fail यानी 12th Fail 2023 में आई थी और यह हिंदी भाषा की ओरिजिनल जीवनी पर आधारित ड्रामा मूवी थी, जिसका निर्देशन, निर्माण और लेखन वधु विनोद चोपड़ा ने किया है और यह कुमार मनोज कुमार शर्मा की वास्तविक जीवन की कहानी के बारे में है, जो कि अनुराग पाठक की संभावनी इसकी अनाम गैर काल्पनिक किताब पर आधारित है, जिन्होंने भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी बनने के लिए अत्यधिक गरीबी पर काबू पाया। फिल्म में विक्रांत मेसी मुख्य भूमिका में, उनके साथ मेघा शंकर, अनंत वी जोशी, अंशुमान पुष्कर और प्रियांशु चटर्जी देखने को मिलते हैं। शुरू में मूवी कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था इस मूवी ने, लेकिन
कुछ समय बाद यह धीरे धीरे इसकी पॉपुलरिटी बढ़ती गई, जहां इसमें कवर था सिर्फ 20 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 66 करोड़ तक की कमाई कर ली है और आगे यह कमाई करती जा रही है। 27 अक्टूबर 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और बारहवीं फेल को आलोचना से प्रशंसा सकारात्मक प्रशंसा मिली और एक स्लीपर हिट के रूप में यह मूवी उभरी, जिसने 20 करोड़ के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 66 करोड़ की कमाई की। 69वें फिल्म पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सहित 12 नामांकन प्राप्त हुए। कहानी की बात करें तो 12वीं फेल यानी 12वें फेल एक IPS अधिकारी मनोज कुमार शर्मा के जीवन में सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। मनोज कुमार शर्मा विक्रांत मैसी जो कि होते जंगल में रहने वाले गरीब परिवार से होते हैं। अपने काम से ईमानदार होने के कारण मनोज के पिता को निलंबित कर दिया जाता है। मनोज एक स्कूल में पढ़ता है जहाँ उसका ध्यान अपहृत छात्रों को परीक्षा के दौरान कदाचार में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है, यानी चीटिंग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। DSP दुष्यंत प्रियांशु चटर्जी जो के होते हैं वो सेरे आस्टर को गिरफ्तार कर लेता है। मनोज को समझाता है कि जीवन में ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। दुष्यंत की बातों से मनोज प्रेरित हो जाते हैं और उन्हें विश्वास होने लगता है कि ईमानदारी की एक ईमानदार अधिकारी समाज में बदलाव ला सकता है। कैसे सफल हुए मनोज, उसे कई कठिनाइयों से कैसे गुजरना पड़ा, फिल्म इसी बारे में है। अपने कहीं ना कहीं इस मूवी की फिल्म या ट्रेलर या क्लिप जरूर ही देखी होगी। इस मूवी के प्लस पॉइंट की बात करें तो फिल्म की कहानी शानदार है। 12वें फेल जैसी फिल्मों के लिए पटकथा लिखना आसान काम नहीं है, क्योंकि किसी विषय पर कई फिल्में आ चुकी हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि कथा अत्यधिक आकर्षक हो। विधु मनोज चोपड़ा से कुशलतापूर्वक एक ऐसी कहानी पेश करते हैं जो मज़ेदार और भावनात्मक पहलुओं का मिश्रण है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि फिल्म में अच्छी संख्या में संतुष्टिदायक क्षण हों। विक्रांत मिश्री मनोज कुमार शर्मा के रूप में शानदार लगते हैं और उनका संजीदा अभिनय फिल्म की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। विक्रांत मिश्री सहजता से मनोज के किरदारों में ढल गए और फिल्म में अपना ए गेम लेकर आए। 12वीं फेल जिस जैसी बायोपिक्स अभिनेताओं के लिए चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि उसमें संदर्भ सीमित होंगे और अगर प्रदर्शन अच्छा नहीं होता तो चीज़ें गलत हो सकती हैं, लेकिन विक्रांत मेजी हर तरह से हमारा ध्यान खींचते हैं और यह वास्तव में उनके लिए एक गेम चेंजर फिल्म है। विक्रांत मेजी को मेघा शंकर का अच्छा साथ मिला है और वास्तविक जीवन का यह जोड़ा किस तरह हर दुख में एक दूसरे के लिए खड़ा होता है और यह अच्छे से दिखाया गया है। फिल्म में कुछ तालियां बजाने योग्य दृश्य भी हैं, लेकिन सबसे अच्छा हिंसा अंतिम सचात्म दृश्य था। अनंत विजय जोशी, सरिता जोशी, विकास द्विवेकीर्ति और अंशुमान पुष्कर अपनी भूमिकाओं को में बहुत ही अच्छे लगते हैं। कुल मिलाकर यह मूवी बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलती है। कुछ लोग बात कर रहे थे इस मूवी की देखने की, तो बता दें यह मूवी अभी आपको OTT पे देखने को मिल जाएगी या डिजी पर हॉटस्टार पे सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को आपको मूवी मिल जाएगी। इस मूवी को आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बेहतरीन है, क्योंकि इस मूवी की रेटिंग मिली IMDb से 10/9.2 की और Rotten Tomatoes की तरफ से 90% की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 94% की लाइक मिली हुई है। तो आज की वीडियो में एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं, जो कि इस समय बहुत ही चर्चा में बनी हुई है, जिसका नाम है 12वीं फेल। तो आज की वीडियो में इस मूवी की स्टोरी, मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, मूवी कैसी है, ये सारी बातें हम करने वाले हैं आज के वीडियो में और मूवी का रिव्यू भी करने वाले हैं। बात करते हैं इस मूवी की, तो 12वीं फेल यानी 12वीं फेल 2023 में आई थी और यह हिंदी भाषा की ओरिजिनल जीवनी पर आधारित ड्रामा मूवी थी, जिसका निर्देशन, निर्माण और लेखन वधु विनोद चोपड़ा ने किया है और यह मनोज कुमार शर्मा की वास्तविक जीवन की कहानी के बारे में है, जो कि अनुराग पाठक की संभावना इसकी अनाम गैर काल्पनिक किताब पर आधारित है, जिन्होंने भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी बनने के लिए अत्यधिक गरीबी पर काबू पाया। फिल्म में विक्रांत मेसी मुख्य भूमिका में, उनके साथ मेघा शंकर, अनंत वी जोशी, अंशुमान पुष्कर और प्रियांशु चटर्जी देखने को मिलते हैं। शुरू में मूवी कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था इस मूवी ने, लेकिन कुछ समय बाद यह धीरे धीरे इसकी पॉपुलरिटी बढ़ती गई, जहां इस मूवी का बजट था सिर्फ 20 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 66 करोड़ तक की कमाई कर ली है और आगे यह कमाई करती जा रही है। 27 अक्टूबर 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और 12वीं फेल को आलोचना से प्रशंसा सकारात्मक प्रशंसा मिली और एक स्लीपर हिट के रूप में यह मूवी उभरी, जिसने 20 करोड़ के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 66 करोड़ की कमाई की। 69वें फिल्म पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सहित 12 नामांकन प्राप्त हुए। कहानी की बात करें तो 12वीं फेल यानी 12वें फेल एक IPS अधिकारी मनोज कुमार शर्मा के जीवन में सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। मनोज कुमार शर्मा विक्रांत मैसी जो कि होते जंगल में रहने वाले गरीब परिवार से होते हैं। अपने काम से ईमानदार होने के कारण मनोज के पिता को निलंबित कर दिया जाता है। मनोज एक स्कूल में पढ़ता है जहाँ उसका ध्यान अपहृत छात्रों को परीक्षा के दौरान कदाचार में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है, यानी चीटिंग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। DSP दुष्यंत प्रियांशु चटर्जी जो के होते हैं वो सेरे आस्टर को गिरफ्तार कर लेता है। मनोज को समझाता है कि जीवन में ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। दुष्यंत की बातों से मनोज प्रेरित हो जाते हैं और
उन्हें विश्वास होने लगता है कि ईमानदारी कि एक ईमानदार अधिकारी समाज में बदलाव ला सकता है। कैसे सफल हुए मनोज, उसे कई कठिनाइयों से कैसे गुजरना पड़ा, फिल्म इसी बारे में है। अपने कहीं ना कहीं इस मूवी की फिल्म या ट्रेलर या फिर क्लिप जरूर ही देखी होगी। इस मूवी के प्लस पॉइंट की बात करें तो फिल्म की कहानी शानदार है। 12 फेल जैसी फिल्मों के लिए पाठकथा लिखना आसान काम नहीं है, क्योंकि किसी विषय पर कई फिल्में आ चुकी हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि कथा अत्यधिक आकर्षक हो। विधु मनोज चोपड़ा से कुशलतापूर्वक एक ऐसी कहानी पेश करते हैं जो मज़ेदार और भावनात्मक पहलुओं का मिश्रण है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि फिल्म में अच्छी संख्या में संतुष्टिदायक क्षण हो। विक्रांत मिश्री मनोज कुमार शर्मा के रूप में शानदार लगते हैं और उनका संजीदा अभिनय फिल्म की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। विक्रांत मिश्री सहजता से मनोज के किरदारों में ढल गए और फिल्म में अपना ए गेम लेकर आए। 12वीं फेल जिस जैसी बायोपिक्स अभिनेताओं के लिए चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि उसमें संदर्भ सीमित होंगे और अगर प्रदर्शन अच्छा नहीं होता तो चीज़ें गलत हो सकती हैं। लेकिन विक्रांत मेजी हर तरह से हमारा ध्यान खींचते हैं और यह वास्तव में उनके लिए एक गेम चेंजर फिल्म है। विक्रांत मेजी को मेघा शंकर का अच्छा साथ मिला है और वास्तविक जीवन का यह जोड़ा किस तरह हर दुख में एक दूसरे के लिए खड़ा होता है और यह अच्छे से दिखाया गया है। फिल्म में कुछ तालियां बजाने योग्य दृश्य भी हैं, लेकिन सबसे अच्छा हिंसा अंतिम सचातम दृश्य था। अनंत विजय जोशी, सरिता जोशी, विकास द्विवेकीर्ति और अंशुमान पुष्कर अपनी भूमिकाओं को में बहुत ही अच्छे लगते हैं। कुल मिलाकर यह मूवी बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलती है। कुछ लोग बात कर रहे थे इस मूवी देखने की, तो बता दें यह मूवी अभी आपको OTT पे देखने को मिल जाएगी या डिजी पर हॉटस्टार पे सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को आपको मूवी मिल जाएगी। इस मूवी को आप इसे बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बेहतरीन है, क्योंकि इस मूवी की रेटिंग मिली IMDb से 10/9.2 की और रोटेन टमाटोज से 90% की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 94% की लाइक मिली हुई है। तो आज की वीडियो में एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं, जो कि इस समय बहुत ही चर्चा में बनी हुई है, जिसका नाम है 12th Fail। तो आज की वीडियो में इस मूवी की स्टोरी, मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, मूवी कैसी, ये सारी बातें हम करने वाले हैं आज के वीडियो में और मूवी का रिव्यू भी करने वाले हैं। बात करते हैं इस मूवी की, तो 12वीं फेल यानी 12th Fail 2023 में आई थी और यह हिंदी भाषा की ओरिजिनल जीवनी पर आधारित ड्रामा मूवी थी, जिसका निर्देशन, निर्माण और लेखन वधु विनोद चोपड़ा ने किया है और यह कुमार मनोज कुमार शर्मा की वास्तविक जीवन की कहानी के बारे में है, जो कि अनुराग पाठक की संभावनीस की अनाम गैर काल्पनिक किताब पर आधारित है, जिन्होंने भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी बनने के लिए अत्यधिक गरीबी पर काबू पाया। फिल्म में विक्रांत मेसी मुख्य भूमिका में, उनके साथ मेघा शंकर, अनंत वी जोशी, अंशुमान पुष्कर और प्रियांशु चटर्जी देखने को मिलते हैं। शुरू में मूवी कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था इस मूवी ने, लेकिन कुछ समय बाद यह धीरे धीरे इसकी पॉपुलरिटी बढ़ती गई, जहां इस मूवी का बजट था सिर्फ 20 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 76 करोड़ तक की कमाई कर ली है और आगे यह कमाई करती जा रही है। 27 अक्टूबर 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और 12वीं फेल को आलोचन से प्रशंसा सकारात्मक प्रशंसा मिली और एक स्लीपर हिट के रूप में यह मूवी उभरी, जिसने 20 करोड़ के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 76 करोड़ की कमाई की। 69वें फिल्म पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सहित 12 नामांकन प्राप्त हुए। कहानी की बात करें तो 12वीं फेल यानी 12 फेल एक IPS अधिकारी मनोज कुमार शर्मा के जीवन में सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। मनोज कुमार शर्मा विक्रांत मेसी जो कि होते जम्मू में रहने वाले गरीब परिवार से होते हैं। अपने काम से ईमानदार होने के कारण मनोज के पिता को निलंबित कर दिया जाता है। मनोज एक स्कूल में पढ़ता है जहाँ उसका ध्यानापैतिक छात्रों को परीक्षा के दौरान कदाचार में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है, यानी चीटिंग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। DSP दुष्यंत प्रियांशु चटर्जी जो के होते हैं, वो सेरे आस्टर को गिरफ्तार कर लेता है। मनोज को समझाता है कि जीवन में ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। दुष्यंत की बातों से मनोज प्रेरित हो जाते हैं और उन्हें विश्वास होने लगता है कि ईमानदारी कि एक ईमानदार अधिकारी समाज में बदलाव ला सकता है। कैसे सफल हुए मनोज, उसे कई कठिनाइयों से कैसे गुजरना पड़ा, फिल्म इसी बारे में है। अपने कहीं ना कहीं इस मूवी की फिल्म या फिर ट्रेलर या फिर क्लिप जरूर ही देखी होगी। इस मूवी के प्लस पॉइंट की बात करें तो फिल्म की कहानी शानदार है। 12 फेल जैसी फिल्मों के लिए पाठकथा लिखना आसान काम नहीं है, क्योंकि किसी विषय पर कई फिल्में आ चुकी हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि कथा अत्यधिक आकर्षक हो। विधु मनोज चोपड़ा से कुशलतापूर्वक एक ऐसी कहानी पेश करते हैं जो मज़ेदार और भावनात्मक पहलुओं का मिश्रण है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि फिल्म में अच्छी संख्या में संतुष्टिदायक क्षण हो। विक्रांत मिश्री मनोज कुमार शर्मा के रूप में शानदार लगते हैं और उनका संजीदा अभिनय फिल्म की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। विक्रांत मिश्री सहजता से मनोज के किरदारों में ढल गए और फिल्म में अपना ए गेम लेकर आए। 12वीं फेल जिस जैसी
बायोपिक्स अभिनेताओं के लिए चुनौतीपूर्ण है क्योंकि उसमें संदर्भ सीमित होंगे और अगर प्रदर्शन अच्छा नहीं होता तो चीज़ें गलत हो सकती हैं। लेकिन विक्रांत मेजी हर तरह से हमारा ध्यान खींचते हैं और यह वास्तव में उनके लिए एक गेम चेंजर फिल्म है। विक्रांत मेजी को मेघा शंकर का अच्छा साथ मिला है और वास्तविक जीवन का यह जोड़ा किस तरह हर दुख में एक दूसरे के लिए खड़ा होता है और यह अच्छे से दिखाया गया है। फिल्म में कुछ तालियां बजाने योग्य दृश्य भी हैं लेकिन सबसे अच्छा हिंसा अंतिम सचात्म दृश्य था। अनंत विजय जोशी, सरिता जोशी, विकास द्विवेदी और अंशुमान पुष्कर अपनी भूमिकाओं को में बहुत ही अच्छे लगते हैं। कुल मिलाकर यह मूवी बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलती है। कुछ लोग बात कर रहे थे इस मूवी देखने की, तो बता दें यह मूवी अभी आपको OTT पे देखने को मिल जाएगी या डिजी पर हॉटस्टार पे सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को आपको मूवी मिल जाएगी। इस मूवी को आप इसे बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बेहतरीन है क्योंकि इस मूवी की रेटिंग मिली IMDb से 10/9.2 की और रोटेन टमाटो की तरफ से 90% की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 94% की लाइक मिली हुई है। तो आज की वीडियो में एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं, जो कि इस समय बहुत ही चर्चा में बनी हुई है, जिसका नाम है 12th Fail। तो आज की वीडियो में इस मूवी की स्टोरी, मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, मूवी कैसी है, सारी बातें हम करने वाले हैं आज के वीडियो में और मूवी का रिव्यू भी करने वाले हैं। बात करते हैं इस मूवी की, तो 12th Fail यानी 12th Fail 2023 में आई थी और यह हिंदी भाषा की ओरिजिनल जीवनी पर आधारित ड्रामा मूवी थी जिसका निर्देशन, निर्माण और लेखन वधु विनोद चोपड़ा ने किया है और यह कुमार मनोज कुमार शर्मा की वास्तविक जीवन की कहानी के बारे में है, जो कि अनुराग पाठक की 1919 की अनाम गैर काल्पनिक किताब पर आधारित है, जिन्होंने भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी बनने के लिए अत्यधिक गरीबी पर काबू पाया। फिल्म में विक्रांत मेजी मुख्य भूमिका में, उनके साथ मेघा शंकर, अनंत वी जोशी, अंशुमान पुष्कर और प्रियांशु चटर्जी देखने को मिलते हैं। शुरू में यह मूवी कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था इस मूवी ने, लेकिन कुछ समय बाद यह धीरे धीरे इसकी पॉपुलरिटी बढ़ती गई, जहां इस मूवी का बजट था सिर्फ 20 करोड़ का, इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 66 करोड़ तक की कमाई कर ली है और आगे यह कमाई करती जा रही है। 27 अक्टूबर 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और 12th Fail को आलोचना से प्रशंसा, सकारात्मक प्रशंसा मिली और एक स्लीपर हिट के रूप में यह मूवी उभरी, जिसने 20 करोड़ के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 66 करोड़ की कमाई की। 69वें फिल्म पुरस्कारों में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सहित 12 नामांकन प्राप्त हुए। कहानी की बात करें तो 12th Fail यानी 12th Fail एक IPS अधिकारी मनोज कुमार शर्मा के जीवन में सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। मनोज कुमार शर्मा विक्रांत मेसी जो कि होते जंगल में रहने वाले गरीब परिवार से होते हैं। अपने काम से ईमानदार होने के कारण मनोज के पिता को निलंबित कर दिया जाता है। मनोज एक स्कूल में पढ़ता है जहाँ उसका ध्यान अपहृत छात्रों को परीक्षा के दौरान कदाचार में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है, यानी चीटिंग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। DSP दुष्यंत प्रियांशु चटर्जी जो के होते हैं, वो सेरे आस्टर को गिरफ्तार कर लेता है। मनोज को समझाता है कि जीवन में ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। दुष्यंत की बातों से मनोज प्रेरित हो जाते हैं और उन्हें विश्वास होने लगता है कि ईमानदारी की एक ईमानदार अधिकारी समाज में बदलाव ला सकता है। कैसे सफल हुए मनोज, उसे कई कठिनाइयों से कैसे गुजरना पड़ा, फिल्म इसी बारे में है। अपने कहीं ना कहीं इस मूवी की फिल्म में अभी ट्रेलर या क्लिप जरूर ही देखी होगी। इस मूवी के प्लस पॉइंट की बात करें तो फिल्म की कहानी शानदार है। 12th Fail जैसी फिल्मों के लिए पाठकथा लिखना आसान काम नहीं है क्योंकि किसी विषय पर कई फिल्में आ चुकी हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि कथा अत्यधिक आकर्षक हो। विधु मनोज चोपड़ा से कुशलतापूर्वक एक ऐसी कहानी पेश करते हैं जो मज़ेदार और भावनात्मक पहलुओं का मिश्रण है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि फिल्म में अच्छी संख्या में संतुष्टिदायक क्षण हों। विक्रांत मेसी मनोज कुमार शर्मा के रूप में शानदार लगते हैं और उनका संजीदा अभिनय फिल्म की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। विक्रांत मेसी सहजता से मनोज के किरदारों में ढल गए और फिल्म में अपना ए गेम लेकर आए। 12th Fail जिस जैसी बायोपिक्स अभिनेताओं के लिए चुनौतीपूर्ण है क्योंकि उसमें संदर्भ सीमित होंगे और अगर प्रदर्शन अच्छा नहीं होता तो चीज़ें गलत हो सकती हैं। लेकिन विक्रांत मेजी हर तरह से हमारा ध्यान खींचते हैं और यह वास्तव में उनके लिए एक गेम चेंजर फिल्म है। विक्रांत मेजी को मेघा शंकर का अच्छा साथ मिला है और वास्तविक जीवन का यह जोड़ा किस तरह हर दुख में एक दूसरे के लिए खड़ा होता है और यह अच्छे से दिखाया गया है। फिल्म में कुछ तालियां बजाने योग्य दृश्य भी हैं लेकिन सबसे अच्छा हिंसा अंतिम सचात्म दृश्य था। अनंत विजय जोशी, सरिता जोशी, विकास द्विवेदी और अंशुमान पुष्कर अपनी भूमिकाओं को में बहुत ही अच्छे लगते हैं। कुल मिलाकर यह मूवी बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलती है। कुछ लोग बात कर रहे थे इस मूवी देखने की, तो बता दें यह मूवी अभी आपको OTT पे देखने को मिल जाएगी या डिजी पर हॉटस्टार पे सब्सक्रिप्शन के साथ देखने को आपको मूवी मिल जाएगी। इस मूवी को आप इसे बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बेहतरीन है क्योंकि इस मूवी की रेटिंग मिली IMDb से 10/9.2 की
और रोटेन टमाटो की तरफ से 90% की रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से 94% की लाइक मिली हुई है।